So, first of all, I like to give my introduction. I am Laghima Tiwari. and I have secured all India rank nineteen one nine in this year's UPSC exam and uh, this was my first attempt. I recently graduated in 2021. Uh, so I'll give my broad introduction, uh, broad background basically. I believe कि आप लोगों को जब background पता होता है किसी भी topper का तो आप better better analyze कर पाते हैं कि उनके लिए क्या work किया होगा उनकी खुद की strengths and weaknesses से and फिर आप उनकी स्ट्रैटी से सिर्फ वो पॉइंटर्स जनरली उठा पाते हैं जो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी uh, तो मेरा बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग का आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन फ्रॉम डी टी यू डेली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड आई कंप्लीटेड इट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन उसके बाद आई टुक अ ड्रॉप ईयर एंड उस ड्रॉप ईयर में आई प्रिपेयर फॉर यू पी एस सी मेनली

इसलिए कॉलेज में ना अपॉर्चुनिटी मिली और फिर सोशल आपकी सोसाइटीज़ होती हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मुझे पर्सनली अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कॉलेज में टू प्रिपेयर बट लास्ट ईयर तक आई हैव लाइक फिगर्ड आउट कि मुझे क्या करना है कैसे करना है आई स्टार्ट वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़ टॉपर स्टॉक हो गया आपकी बाकी भी वीडियोस होती हैं अलग अलग टॉपर्स की देयर ब्लॉग्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल टेलीग्राम ग्रुप्स तो उधर से आई स्टार्टेड सीइंग देयर स्ट्रेटजीज़ आई स्टार्टेड फिल्टरिंग आउट कि वॉट विल वर्क फॉर मी आई जॉल्टेड डाउन पॉइंट्स एंड मैंने एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी अपनी बना ली थी कि मुझे क्या करना है कैसे करना है अपने लास्ट uh, ईयर में uh, मेरा यही सजेशन है कि आप जब भी अपनी यू पी एस सी साइकिल एंटर कर रहे हैं ना तो एंटर करने से पहले आपको जितना टाइम चाहिए एक महीने दो महीने तीन महीने पंद्रह दिन दस दिन जितना आपको चाहिए आराम से लेकर अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए बिना स्ट्रैटेजी के इसमें एंटर मत करना क्योंकि शुरू से अगर एक स्ट्रैटी होगी क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी तो वो लॉन्ग वे आपको सर्व करेगी अच्छा तो वो कर लीजिए तो मैंने अपने फोर्थ ईयर में मेनली ये काम किया था आ, आप भी आ, इतना आपके पास तो फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो रहे हैं टॉपर्स के उसके अलावा भी नेट पे इंटरनेट पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं ब्लॉग्स पे उन्हें पढ़िए अपना जो सूट कर रहा है उसको इनकलकेट करिए जो नहीं कर रहा उसे फिल्टर आउट करिए तो जो भी सूट कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी एक ब्रॉड बना लीजिए अब रिजिडिटी मत रखना उस पर कि अब जो बना लिया उसी पे स्टिक हो ब्रॉडली उस पर स्टिक करना बट थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखना क्योंकि जब आप इस साइकिल में एंटर करते हैं तो यू लर्न एंड डी लर्न बहुत चीज़ें होती हैं अलॉन्ग द वे बहुत चीज़ें आप हिट एंड ट्रायल से लर्न करते हैं जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना फॉर एग्जांपल कई लोगों को कैसे सूट करता है कई लोगों को कैसे सूट करता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हिट एंड ट्रायल से सीखेंगे तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखना आप बहुत कुछ इसमें सीखेंगे बहुत कुछ आपको डीलर्न भी करना पड़ेगा तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखना और एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी बनाना बहुत हेल्पफुल रहता है स्टार्टिंग में तो प्लीज़ डू दैट वर्क इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन या फिर आप अपना दूसरा अटैम्प्ट या तीसरा अटैम्प अभी नई साइकिल से देंगे तो एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी अपनी रखना क्लियर रखना सो आई हैव टोल्ड अबाउट माई बैकग्राउंड Uh, इसके बाद आई एल बी आई एम टेलिंग माई मार्क्स आपको जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस किस सब्जेक्ट में आपको मेरी बात सुननी चाहिए थोड़ा आइडिया लग जाता है किस किस में मेरी एडवाइज़ इतनी अच्छी नहीं लगेगी तो मेरे प्रीलिम्स में स्कोर था uh, जो फर्स्ट पेपर होता है मॉर्निंग वाला उसमें मेरा 103 स्कोर था एंड कट ऑफ वॉज अराउंड 88 मेरा सी में स्कोर था 115 115 वन एंड uh, अब मेन्स के मार्क्स में आ जाए तो आई हैव स्कोर वेरी नॉट वेरी लो बट एक्सेप्शनली एवरेज से लो इन ऐसे आई हैव जस्ट स्कोर नाइन्टी फाइव इन ऐसे तो आई एल नॉट बी एबल टू गाइड मच इन ऐसे बाकी मेरे जी एस में अच्छा स्कोर रहा है मेरा जी एस में टोटल स्कोर है फोर फिफ्टी फोर एंड ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था तो अगर आप में से किसी का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चे तो आई टेल समथिंग अबाउट एंथ्रोपालोजी ऑल्सो मेरा एंथ्रोपोलॉजी में थ्री हंड्रेड फोर स्कोर है विच इज़ अमंग द हाईस्ट स्टैंड इंटरव्यू में भी मेरा डिसेंट स्कोर है वन एट्टी तो आप लोगों का आइडिया लग जाएगा कि ऐसे में मेरी बात इतनी ज़्यादा नहीं सुननी है तो इसलिए मैंने अपना मेन मैंने स्कोर इसलिए बताया है क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है उससे भी बाक़ी लेट्स स्टार्ट विद बुक लिस्ट आई गेस बुक लिस्ट बुक लिस्ट बहुत नॉर्मली थी हमेशा से जैसे ऑलमोस्ट सबकी रहती है कुछ बहुत अलग नहीं किया है बुक लिस्ट में uh, तो लेट्स स्टार्ट और प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड रहती है बुक लिस्ट बहुत हद तक तो कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं मेंस के लिए बट मेन जो ब्रॉड है वो इंटीग्रेटेड रहती है तो लेट्स स्टार्ट विद जी एस वन हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट एन बहुत लोगों का डाउट होता है एन कितनी पढ़नी है कौन सी पढ़नी है तो पर्सनली uh, मैं अपना बता सकती हूँ बाकी लोग इतने 900 लोगों ने क्लियर किया है तो 900 सौ लोगों अलग अलग चीज़ें बताएंगे तो मैंने सिक्स टू टेंथ की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी Uh, उसका रीज़न ये था कि मुझे लगता था कि सिक्स टू टेंथ वॉज़ वेरी बेसिक फॉर मी और वही चीज़ें इलेवन ट्वेल्थ में रिपीट होती हैं तो so, मुझे इलेवन ट्वेल्थ की चीज़ें समझने में मुश्किल नहीं होती थी बट अगर आपको लगता है कि आपको एक बार सिक्स टू टेंथ भी बेसिक करना है कवर तो रीड देम क्विकली ज़्यादा टाइम मत लगाना उन सिक्स टू टेंथ में उन्हें बहुत क्विकली रीड करना बाकी यू कैन स्किप दम ऑल्सो बिकॉज वही चीज़ें इलेवन ट्वेल्थ में कवर होती है अगर आपको लगता है कि आपका इतना बेस है तो यू कैन स्किप दैम ऑल्सो एंड इफ़ यू वॉन्ट टू रीड दैम तो रीड दैम क्विकली उनमें बहुत टाइम मत लगाना ठीक है बाकी इलेवन ट्वेल्थ की बात करें एन सी आर टी की तो इलेवन ट्वेल्थ की एन सी आर टी कुछ सब्जेक्ट्स की आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ सब्जेक्ट्स की इलेवन ट्वेल्थ की बस एन सी आर टी ही रिफर करते हैं जनरली और कोई बाहर की बुक भी नहीं करते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स की यू कैन नॉट रीड तो ये मेरा एन सी आर टी इसको लेके टेक था फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद अब हिस्ट्री तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आ, सिर्फ मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रम से पढ़ते वक्त स्पेक्ट्रम जो है आपकी आप उससे पढ़ेंगे तो उसमें फैक्चुअल डिटेल्स अच्छी हैं बट मेंस स्पेसिफ़िक उसमें मतलब कंटेंट अच्छा है बट मेन स्पेसिफ़िक आपको कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं तो आप उस स्पेक्ट्रम ही एड ऑन कर सकते हैं स्टिकी नोट्स बना के या कुछ साइड लाइन में कुछ पेपर वेपर चिपका के तो स्पेक्ट्रम फॉर मी वॉज गुड इनफ एशियट एंड मिडिवल के लिए आई हैव रिफर्ड ओल्ड एन जो हैं सतीश चंद्रा की और एनशियट के राइटर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है तो वो आई हैव रिफर्ड ओल्ड एन एंड आपकी आर्ट एंड कल्चर के लिए आई हैव रिफर्ड फाइन आर्ट्स की जो इलेवंथ क्लास की बुक है एंड नितिन सिंघानिया सर की आर्ट एंड कल्चर की बुक बट ओनली अ फ्यू चैप्टर्स मैंने वो ट्वेंटी फाइव परसेंट भी नहीं पढ़ी है वो नितिन सिंघानिया और वाली आर्ट एंड कल्चर क्योंकि इट्स अ वेरी बल्कि बुक बहुत मोटी बुक है एंड uh, मुझे नहीं लगता उसे पूरा पढ़ने की नीड है आप उसमें से कुछ गिने चुने चैप्टर्स uh, कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं और uh, उसके बाद जोग्राफ़ी जोग्राफी में इलेवन टवेल्थ की बुक्स मैंने एन जो हैं इलेवन टवेल्थ की मेन uh, वो ही रेफ़र की हैं एंड जी सी लियॉन्ग की बुक है वो मैंने बस स्टार्टिंग में रीड uh, की थी कि कुछ uh, ऐसा कंटेंट तो नहीं है इसमें एक्स्ट्रा Uh, जिससे मेरे जो ऑलरेडी मैं एन सी आर टीज़ में पढ़ रही हूँ उसकी थोड़ी वैल्यू एडिशन हो जाए तो मैंने जी सी लॉन्ग बहुत क्विकली बस कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़े थे उसमें से सब कुछ नहीं पढ़ा था uh, उसके बाद सोसाइटी आता है सोसाइटी uh, में आई हैव रेड एक एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था तो एंथ्रोपोलॉजी से थोड़ा कंटेंट मिल गया सोसाइटी में uh, उसके अलावा सोसाइटी में आई हैव रेड विजन आई का ही वैल्यू एडेड फ्री मटेरियल जो अवेलेबल होता है वो हैट uh, uh, इसके बाद आपका क्या बचता है जी में वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस बचता है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था ऑनेस्टली uh, ये एक चीज़ होती है कि इफ़ यू आर गिविंग योर फर्स्ट अटैम्प्ट आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है तो टाइम क्रंच होता है थोड़ा तो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मेरे पास टाइम नहीं था

एंड उस बीस क्वेश्चन में से हिस्ट्री uh, के आपके आई गेस वन टू आपके थ्री एक तो क्वेश्चन वन टू थ्री एक तो हिस्ट्री से होते हैं और एक फिर इलेवन टवेल्थ थर्टीन होते हैं तो अराउंड सिक्स क्वेश्चन होते हैं आपके हिस्ट्री से अराउंड और सिक्स क्वेश्चन ही आपके सोसाइटी से भी होते हैं आपके एट नाइन टेंथ सोसाइटी से होते हैं और फिर लास्ट में एटीन नाइनटीन ट्वेंटी भी सोसाइटी से होते हैं तो अगर आप देखें तो आपकी हिस्ट्री और सोसाइटी का जो मार्क्स का वेटेज है ना पेपर में वो ऑलमोस्ट सेम है बट हिस्ट्री में आपके पास कंटेंट कितना सारा है पढ़ने को उस सोसाइटी में कंपैरेटिवली कितना कम है एंड मैनीस टेंड टू इग्नोर सोसाइटी ठीक है बट आप अल्टीमेटली देखिए कि उनका जो वेटेज है पेपर में इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल एंड अगर आप सोसाइटी में थोड़े भी डिसेंट एफर्ट्स डालते हैं ना तो हो सकता है रिटर्न अच्छा मिले हिस्ट्री में आपके पास करने को बहुत कुछ है ऑफ़ कोर्स हिस्ट्री भी करनी चाहिए इग्नोर नहीं करना चाहिए छः सिक्स क्वेश्चंस इज़ अ लॉट बट सोसाइटी को भी इग्नोर मत करना इट विल गिव यू हाई रिटर्न इफ यू स्पेंड सम टाइम इन दैट सब्जेक्ट तो हिस्ट्री में मैंने पर्सनली ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि आपके जो इवन ईयर्स में पेपर आया है लाइक 2018, 2020, एटीन टू थाउजेंड एंड दिस ऑब्जर्वेशन इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन इट्स नॉट अ फैक्ट तो ऑफकोर्स ये रॉन्ग भी हो सकता है चेंज हो सकता है बट आई मेड दिस ऑब्जर्वेशन एंड आई ट्राई टू लाइक फॉलो इट क्योंकि एक तो टाइम क्रंच था तो एटीन ट्वेंटी और मेरा जब पेपर हुआ ट्वेंटी टू में तो इन ईयर्स में वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस से आ, हिस्ट्री से कोश्चन्स नहीं आए हैं एंड आपके जो ऑड ईयर्स हैं सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी आई आई एम रॉन्ग मुझे अब इतना याद नहीं है इनमें आपके वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आए हैं या तो एक आया है या दो आए हैं जितने भी आए हैं और इनसे जनरली ज़्यादा आते भी नहीं हैं इतने ही आते हैं एक आता है या फिर जीरो भी आता है कई ईयर्स में तो आई मेड दिस बेट हो सकता है मैं गलत हो जाती बट लकीली सही हो गई कि क्वेश्चन नहीं आया था अगेन एंड uh, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था बट बहुत बेसिक किया था आई स्पेंट ओनली वन डे ऑन बोथ ऑफ दैम वो भी आफ्टर माई प्रिलिम्स गॉट क्लियर तो वही जो जून जुलाई का महीना होता है उसमें मैंने बस एक दिन वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ा था और क्विकली अपने एवर नोट पे मैंने नोट्स बना लिए थे वर्ल्ड uh, हिस्ट्री मैंने विजन आई का ही वैल्यू एडेड मटेरियल था उससे क्विकली देखा था बहुत क्विकली और पोस्ट uh, इंडिपेंडेंस के नितिन सांगवान सर के नोट्स हैं उनसे बहुत क्विकली देखा था और uh, ये मैंने एक्चुअली करा क्या था मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस में आई आइडेंटिफाइड थीम्स जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस की आपकी एक इंपॉर्टेंट थीम है लैंग्वेज बेस्ड डिवीजन ऑफ़ स्टेट्स या फिर नाइनटीन के इवेंट्स एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में आपकी इंपॉटेंट थीम्स हो गई अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गई फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ल्ड वॉर्स उनका इम्पैक्ट सो आई आइडेंटिफाइड दिस थीम्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड जनरल आपके मॉक टेस्ट में अगर किसी से क्वेश्चन आ रहा है किसी थीम्स से बेस्ड तो मैंने ऐसी वर्ल्ड हिस्ट्री में आई आइडेंटिफाइड टेन ट्वेल्व थीम्स ऐसी पोस्ट इंडिपेंडेंस में आई आइडेंटिफाइड ऐसी पाँच छः या फिर सात आठ थीम्स एंड आई क्विकली चोल्टेड ऑन सम की वर्ड्स कि बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आई जस्ट नो द की वर्ड्स कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एटलीस्ट मुझे ईयर तो पता हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन से ईयर में हुआ था तो जस्ट सम की वर्ड्स एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ की वर्ड्स की कौन सा किंग था उस टाइम पे तो मैंने बहुत क्विकली बस ये काम किया था कि कि बाय चांस एक या दो क्वेश्चन आ भी जाते हैं आई कुड एटलीस्ट राइट समथिंग सो सो वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस का मेरा ये था मूविंग ऑन टू जी एस टू जी एस टू में आपका पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनस होता है पॉलिटी uh, के लिए मैंने इलेवन ट्वेल्थ की एन सी आर टी बुक्स नहीं रिफ़र की थी पर्सनली बट इफ़ यू वॉन्ट आप पढ़ सकते हैं एन सी आर टी की इलेवेंथ ट्वेल्थ की बुक है जो एक मैंने पर्सनली नहीं की थी uh, मैंने सीधा लक्ष्मीकांत से स्टार्ट किया था फॉर मी लक्ष्मीकांत वॉज गुड इनफ एंड आप सब भी लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे इट्स अ गुड बुक एंड आपका प्रिलम्स का पर्पज़ इससे सॉल्व हो जाता है एंड इवन आपका मेन्स का भी फैक्चुअल जो पर्पज़ है आपका आर्टिकल्स याद करना या जो मेन चीज़ है वो आपका सॉल्व हो जाता है बट मेन्स के लिए आपको थोड़ा और आपको अपने थ्योरेटिकल आंसर्स लिखने होते हैं तो लाइक like फेडरलिज्म है तो आपको फेडरलिज्म uh, के प्रोज कॉन्स या फिर आपको थोड़ा थ्योरी जानना होता है तो थोड़ा और एनालिसिस लगता है बट आपका मेन पर्पस लक्ष्मीकांत से हो जाएगा और अगर आपको मेन स्पेसिफ़िक थोड़े नोट्स बनाने हैं तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर कर सकते हैं जो आपको या फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाता है या फिर आप यहाँ से राजेंद्र नगर से किसी भी दुकान पे जाएंगे तो मिल जाएगा मैंने विज, विजन आई एस के वैल्यू एडेड मटीरियल इसमें यूज़ किया था आ, उसके अलावा गवर्नेंस में भी आ, मैंने इंटर, इंटरनेट का इंटरनेट पर जो मटीरियल है डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के वैल्यू एडेड मटीरियल और गवर्नेंस के लिए भी यही किया था एंड आई आर के लिए आई आर के लिए मैंने अगेन नोट्स वही डिफरेंट कोचिंग्स के वैल्यू एडेड मटीरियल और इंटरनेट की मदद से ही बनाए थे बट आई आर के लिए मैंने क्या किया था अगेन आइडेंटिफाइड थीम्स आई आर में क्वेश्चन गैस करना मेरे uh, हिसाब से थोड़ा ईजी हो जाता है कि क्या चार क्वेश्चन आते हैं आई आर से आई गेस चार क्वेश्चन आते हैं पेपर में नाइन टेन एंड नाइनटीन ट्वेंटी तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आई से क्योंकि इट्स जनरली करंट बेस्ड तो जैसे आई हैड एन आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग हंच कि इस बार श्रीलंका से कुछ क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज श्रीलंका वॉज वेरी मच इन न्यूज़ एंड इट हैपन ऑल्सो श्रीलंका से क्वेश्चन आया था तो आप उन इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स में चल रहा है आई आर का उससे उससे तो प्रिपेयर करें जैसे जी ट्वेंटी इज सो मच इन न्यूज़ राइट नाउ एंड हो सकता है आपका जी ट्वेंटी से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए क्योंकि जब चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में आने लगती है तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आता बट समॉट घुमा फिरा के जी एस टू में नहीं तो किसी और में जैसे रशिया यूक्रेन का हमारे एथिक्स में आया था क्वेश्चन सो uh, so, किसी और सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन आ सकता है तो ये आइडेंटिफाई ऐसे करंट अफेयर्स रिलेटेड थीम्स एंड उन्हें प्रिपेयर करके जाइए जैसे आप आई में हमारा वेस्टर्न क्वाड है जो इंडिया यू एस एंड इसराइल का इट वॉज़ ऑल्सो मतलब यू कुड आइडेंटिफाई की दिस इज़ अगेन इन न्यूज़ इससे क्वेश्चन आ सकता है तो एंड इट डिड कम तो आई आयर में प्लीज़ आइडेंटिफाई सच टॉपिक्स प्रिपेयर योर नोट्स ऑन इट स्ट्रॉन्ग नोट्स आपके बहुत ज़्यादा सारा मटीरियल अच्छा मिल जाएगा इंटरनेट पे आपकी मंथली मैगजीन्स में या फिर आपके मीन 365 में कहीं से भी आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा प्रिपेयर योर नोट्स ऑन दीज टॉपिक्स एंड इसके अलावा आई आयर में व्हाट शुड यू डू आपकी जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जितनी भी हैं पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स की या तो आप ऑनलाइन बना लीजिए कम टाइम लगेगा ऑफलाइन में थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स लाइक श्रीलंका के साथ इंडिया इज़ कॉपरेटिंग अक्रॉस वॉट फील्ड्स बहुत सारे फील्ड हो जाते हैं जियो पोलिटिकल इकॉनमिक टेक्नोलॉजिकल कल्चरल कॉन्टैक्ट तो आप एक तो इंडिया के नेबर्स के साथ एंड टेंशनस क्या यहाँ हैं हमारे श्रीलंका के साथ तो फिशरमैन इशू हो जाता है और भी आपकी ऐसे तो इन आप कैटेगरीज़ में अपने नेबर्स के साथ नोट्स बना लीजिए वे हेड हाउ विल यू इम्प्रूव इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप तो एक तो नेबर्स के साथ कर लीजिए और एक जो मेन कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की उनके साथ भी कर लीजिए यूएसए हो गया जापान हो गया इज़राइल हो गया यूरोप हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया जो भी न्यूज़ में चल रही है उनके साथ तो डेफ़िनेटली कीजिए और लेटिन अमेरिका हो गया तो ये ब्रॉड एक चीज़ कर लीजिए और जो उसके अलावा जो आपकी ब्रॉड फॉरम्स हैं जैसे जी है वर्ल्ड बैंक है आई एम एफ है और uh, जो भी ब्रॉड फॉरम्स हैं इसके अलावा उनका भी आप थोड़ा देख लीजिए क्वाड है उनका भी थोड़ा देख लीजिए कि हाउ इट विल बी बेनिफिशियल व्हाट आर द चैलेंजेस व्हाट इज़ द वे हेड तो आई में आप ये थीम्स आइडेंटिफाई कर लीजिए और उनके थीम्स आइडेंटिफाई करने के बाद कंटेंट ढूँढेंगे ना तो थोड़ा डायरेक्शनल लगेगी प्रिपरेशन कंटेंट वर्न बहुत सारा है तो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर थीम्स एंड देन गो एंड फाइन कंटेंट सीधा कंटेंट पे जंप मारेंगे तो बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा कि इतना कुछ है कैसे डायरेक्शन दे तो पहले डायरेक्शन ढूंढिए फिर कंटेंट पे जाना तो आयर में यू कैन डू लाइक दिस उसके बाद जी एस थ्री जी एस थ्री में सबसे पहले इकोनॉमिक्स आता है तो इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स uh, स्पेसिफिक जो तैयारी है मैंने श्री राम आई मैंने सबसे पहले इलेवन ट्वेल्थ की एन पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अफकोर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट तो आप उसे स्किप कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक वाली एन को मैक्रो इकोनॉमिक्स की एन पढ़ने के बाद मैंने श्री राम आई के नोट्स हैं वो रेफर किए थे uh, मैंने जोग्राफी में मेरे स्किप हो गई अभी याद आई है मैंने जोग्राफी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट की थी जो थी uh, राजनील मैम की वीडियोज़ हैं जो मृणाल सर के चैनल पर दे आर एक्सलेंट वीडियोज़ फ़िज़िकल जोग्राफ़ी के कॉन्सेप्ट मेरे लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट था एंड दोज़ वीडियोज़ आर एक्सलेंट आप प्लीज़ उन्हें देखेंगे तो आपकी फ़िज़िकल जोग्राफ़ी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी एंड मेमरी में भी वो बहुत देर तक रिटेन रहती है बाकी कमिंग बैक टू इकोनॉमिक्स मैंने मृणाल सर की वीडियोज़ देखने की सोची थी बट टाइम क्रंच हो गया थोड़ा टाइम नहीं मिला एंड श्री राम आयस से मेरा काम चल रहा था तो आई जस्ट मूव ट हेड टाइम होता तो आई वुड हैव सीन दैट ऑल्सो Uh, बाकी इकोनॉमिक्स में मेन स्पेसिफ़िक के लिए आपके बहुत सारे सिलेबस हैं मेंस का तो यू यू टेक आउट द सिलेबस मेन स्पेसिफ़िक आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स में uh, उनके लिए मैंने अगेन वैल्यू एडेड मटेरियल कोचिंग्स का विजन आई का भी और भी दो तीन जगह से वो सब यूज़ किया था एंड इकोनॉमिक्स uh, में भी यू कैन आइडेंटिफाई थीम्स करंट रिलेटेड कुछ न्यूज़ में चल रहा है तो जैसे हमारे टाइम पे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बहुत न्यूज़ में था तो ऐसे यू कैन आइडेंटिफाई थीम्स एंड प्रिपेयर नोट्स ऑन दैम इसके अलावा एग्रीकल्चर इज़ अ एग्रीकल्चर से भी आपके एक दो क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन आते हैं हर साल उसके लिए भी आपको थोड़ा वेब इंटरनेट पे जाना पड़ेगा यू टेक uh, किसी भी आप अच्छा मटेरियल उठा लीजिए मैंने वही वैल्यू एडेड मटेरियल लिया था एंड प्रिपेयर योर ओन नोट्स उस पर भी एग्रीकल्चर के अलावा आता है इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी एक अशोक सर की इंटरनल सिक्योरिटी पे बुक आती है पतली सी बुक है मैंने उसे रीड किया था एंड उससे थोड़े बहुत नोट्स भी बनाए थे बट अगेन इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत कई बार आप पी वी आई की उसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे ना तो बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल सेम थीम्स पर उसके अलावा भी आपका इंटरनल सिक्योरिटी में एक तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड यू कैन करंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट एंड इंटरनल सिक्योरिटी के आप अशोक सर की जो बुक है उनसे भी नोट्स बना सकते हैं एंड अदर आपका इंटरनेट पे जो कंटेंट अवेलेबल है उससे भी यू कैन मेक नोट्स आप उसमें भी सिलेबस से स्टिक करिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म हो गया और भी जो टॉपिक्स हैं उनके यू मेक नोट्स इंटरनल सिक्योरिटी पे अपार्ट फ्रॉम दैम एनवायरमेंट एनवायरमेंट के लिए प्री के लिए आई रेफर टू शंकर आई की बुक एंड बट मेन्स में आपके एनवायरमेंट से जनरली uh, सिर्फ करंट रिलेटेड अगेन टॉपिक्स आते हैं मेन्स में आपका कुछ भी ऐसा स्टैटिक नहीं आता है बहुत बहुत एनवायरनमेंट से तो उससे उसके लिए भी आप ध्यान दीजिए क्या चल रहा है पिछले सात आठ महीने या एक साल से न्यूज़ में एंड वो ही आप आइडेंटिफाई करिए उन पर नोट्स बनाइए एंड एनवायरमेंट में एक चीज़ जो है uh, आपकी ब्रॉड टॉपिक्स पे थोड़े नोट्स होने चाहिए जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया एयर पॉल्यूशन स्टबल बर्निंग इज़ अ वेरी कॉमन इशू इन दिल्ली एंड उससे कभी जोग्राफी में क्वेश्चन आता है कभी एन्वायरमेंट में तो एयर पॉल्यूशन पे नोट्स बना लीजिए ऐसे आप एन्वायरमेंट में ये जनरल टॉपिक्स पे भी नोट्स बना लीजिए एयर पॉल्यूशन लैंड डिग्रेडेशन वाटर पॉल्यूशन तो घुमा फिरा के भी कोई क्वेश्चन आता है ना वाटर रिलेटेड तो यू कैन राइट योर पॉइंटर्स फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन थोड़ा आप मोल्ड कर सकते हैं स्ट्रक्चर टू सूट द डिमांड ऑफ द आंसर बट आपके पास बेसिक कंटेंट होगा तो ऐसे ही एनवायरमेंट में ये ब्रॉड ब्रॉड थीम्स हैं इन पर भी नोट्स बना लेना जी एस थ्री में साइंस एंड टेक रह गया साइंस एंड टेक रह गया तो साइंस एंड टेक का प्रीलिम्स के लिए मैंने क्या किया था मैंने साइंस एंड टेक की अलग से नहीं करी पढ़ाई एक तो uh, जो विजन की ही मंथली मैगज़ीन्स थी uh, उसमें जो साइंस एंड टेक का पोर्शन आता था अब एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कई बार जो भी हमारी मैगजीन्स में होता है वो साइंस एंड टेक का ऐसा पोर्शन होता है जो कई बार रेलिवेंट या तो बहुत हमें ज़्यादा हाई लगता है और बहुत चीज़ें रेलिवेंट नहीं लगती हैं तो कई बार अपनी इंस्टिंक्ट्स को भी ट्रस्ट करना सीखें अगर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि रेलीवेंट नहीं है तो उसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक साइंस एंड टेक क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ हो गई है तो उसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक जाना भी ज़रूरी नहीं है अगर कुछ चीज़ रेलिवेंट नहीं लग रही ना तो स्किप कर सकते हैं ज़्यादा है तो उसे ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत देख लीजिए तो साइंस एंड टेक में मैंने मेन यही किया था कुछ बहुत अच्छा टॉपिक है तो उसके नोट्स बना लिए बट हर चीज़ के नहीं बाकी मैं जब प्रीलिम्स के आ, मैंने मॉक्स सॉल्व करने स्टार्ट करे सब्जेक्ट वाइज मैंने साइंस एंड टेक के अराउंड तीन चार आ, सब्जेक्ट वाइज मॉर्क सॉल्व करे थे और प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन थे ही साइंस एंड टेक के तो जो सब्जेक्ट वाइज मैंने मॉर्क सॉल्व करे थे साइंस एंड टेक के तो उन्हीं से मैंने नोट्स बना लिए थे अपनी गलतियों के कोई सब्जेक्ट कोई प्री का क्वेश्चन आ गया तो उसी से मेरे साइंस एंड टेक के अच्छे थोड़े नोट्स हो गए थे तो मैंने उन्हीं को प्रीलिम्स में रिवाइज़ किया था और साइंस एंड टेक के साथ पता है क्या है साइंस एंड टेक के साथ कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत कम है आप साइंस एंड टेक पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना तब भी कोई कोई गारंटी नहीं है कि उतना रिटर्न आएगा साइंस एंड टेक का तो थोड़ा जो भी आपको सूट करता है साइंस एंड टेक की थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच ले लीजिए कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का है तो उसको आई गेस ये चीज़ सबसे ज़्यादा सूट कर जाएगी कि आप क्वेश्चन का एनालिसिस करके ही ब्रॉड उस पर अपना याद कर लें बाकी मेन स्पेसिफिक भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी जनरली करंट रिलेटेड ही आते हैं जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप पे आया था लास्ट ईयर और वैक्सीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे एंड बोथ वर इन न्यूज़ सो आपको लर्न करना पड़ेगा ये थीम्स आइडेंटिफाई करना इसमें सबसे आपका हेल्पफुल होगा आप अपने दो तीन दोस्त पकड़ लीजिए ज़्यादा भी नहीं वरना ज़्यादा नॉइज हो जाती है दो तीन दोस्त पकड़ लीजिए डिस्कस विद डैम कि उन्हें क्या लगता है क्या थीम्स आ सकती हैं मेंस में ठीक है कुछ सही वो होंगे कुछ आप सही होंगे तो आपके पास एक ब्रॉड कलेक्शन हो जाएगा कि ये ये थीम्स इंपॉर्टेंट लग रही हैं ये आ सकती हैं तो उनको किसी भी कीमत पर मिसमत करके जाना जेम्स वेब टेलीस्कोप पर जैसे क्वेश्चन आया था बहुत न्यूज़ में था जेम्स वेब टेलीस्कोप सो इट वॉज ईज़ी टू आइडेंटिफाई इनफैक्ट मुझे याद है हमारा 9 बजे से पेपर स्टार्ट होता था जी uh, का एंड एट फिफ्टीन पर आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग जेम्स जेम्स वेब टेलीस्कोप के मेरे नोट्स मतलब आई वॉज सो कॉन्फिडेंट ही इतना इम्पोर्टेंट थीम है आई वॉज रिवाइजिंग दोज़ नोट्स एंड इट डिड केम ऐसी वैक्सीन बहुत इम्पॉर्टेंट थीम थी तो आप साइंस एंड टेक पे ये कर सकते हैं जी एस थ्री में कुछ और बचाए यही है आई गेस यही है जी एस थ्री में क्या हाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिज़ास्टर uh, मैनेजमेंट के लिए आपकी आग आख रिपोर्ट्स हैं उनमें एक चैप्टर है मुझे चैप्टर का नेम तो याद नहीं आ रहा बट कुछ क्राइसिस मैनेजमेंट करके ये आग रिपोर्ट्स की समरीज आपको मिल जाती है मार्केट में वो खरीद लेना कुछ कितनी रिपोर्ट्स हैं ट्वेल्व हैं मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली exactly. uh, उनमें से एक जो है चैप्टर वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर है वो अच्छा रिपोर्ट है उसे पढ़ना उससे नोट्स बना लेना अच्छा है उसके अलावा जनरली एन की गाइडलाइंस वगैरह होती हैं साइक्लोन्स रिलेटेड या किसी रिलेटेड इधर तो उस पर वो आप रिसर्च कर सकते हैं अगेन डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे डिज़ास्ट uh, एक तो ब्रॉड बना लीजिए नोट्स कि uh, तीन पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स की बिफोर डिज़ास्टर क्या स्टेप्स स्टेप्स सुन, स्टेप होने चाहिए थोड़ा प्रिवेंशन के लिए जैसे आप अर्थ को रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बना लें ड्यूरिंग डिज़ास्टर क्या स्टेप्स होने चाहिए रिलीफ एंड रेस्क्यू के एंड आफ्टर डिज़ास्टर कि हाउ यू यूज क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि अब अर्थक्वेक आ गया तो थोड़ा डिस्ट्रक्शन जो हुआ है नाउ वैन यू रीबिल्ड यू मेक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स ऐसा कुछ तो ऐसे एक जनरल वो कर लीजिए उसके अलावा डिज़ास्टर स्पेसिफिक नोट्स बना लीजिए साइकलोन uh, का हो गया अर्थक्वेक फ्लड लैंडस्लाइड जो भी हैं तो ये आपका आर्क रिपोर्ट से आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा एनडीए की गाइडलाइंस से अच्छा मिल जाएगा तो ये है मेन बाकी आ, जो ये वन टू थ्री हैं जी एस वन टू थ्री इनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है वो है मेरे लिए था वो है टॉपर्स कॉपीज़ का आ, मैंने बहुत थोड़ा लेट अपनी जर्नी में आइडेंटिफाई किया कि ये कितना वैल्यूएबल सोर्स हो सकता है किसी के लिए एंड मतलब सुना तो मैंने भी बहुत जगह था टॉपर्स कॉपीज़ बहुत अच्छी होती हैं बट कई बार हम जो सुनते हैं उस पर एक्ट करने में टाइम लग जाता है बट वेन आई एक्टेड अपॉन इट आई रियलाइज कि हाउ गुड अ सोर्स इट इज़ तो टॉपर्स कॉपीज़ के फ़ायदे बहुत सारे हैं पहला फ़ायदा है आपको डायरेक्ट कंटेंट मिल जाता है वरना आपको कंटेंट सर्च करना पड़ता है आपको डायरेक्ट कंटेंट मिलता है आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं डायरेक्ट फिगर्स मिल जाते हैं एग्जाम्पल्स मिल, मिल जाते हैं जो डायरेक्ट आप वहाँ से उठाइए और अपने आंसर्स में यूज़ करिए कोई आपको ज़्यादा सर्च uh, करके फिल्टर आउट करने का आपका काम कम हो जाता है सेकेंड जो चीज़ है आप ये सीख जाते हैं कि आपको ये जो फैक्ट्स फिगर्स एग्ज़ाम्पल्स या जनरल कंटेंट है वो कैसे यूज़ करना है अपने आंसर्स में बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि हमारे आंसर्स बड़े हो रहे हैं ये इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल है इसे शॉर्ट में करके कैसे लिखें तो आप वो टॉपर्स कॉपीज़ से सीख सकते हैं कि कैसे मतलब कुछ एग्ज़ाम्पल है बड़ा सा जो आप तीन लाइन में लिख रहे हैं मगर आपने देखा उस टॉपर ने वही एग्ज़ाम्पल तीन शब्द में लिख दिया एंड स्टिल मैसेज डिलीवर हो रहा है तो यू तो यू लर्न फ्रॉम दैट ये स्किल भी तो प्लीज़ टॉपर्स कॉपीज़ को देखिए आपको और बाकी चीज़ों के भी आइडिया लग जा रहे हैं कि वो कितना बड़ा आंसर लिख रहे हैं सारे क्वेश्चंस की क्वालिटी उनकी सेम रहती है क्या और आपको कंटेंट तो मिलता ही है तो टॉपर्स कॉपीज को प्लीज़ ज़रूर देखें सब्जेक्ट uh, वाइज़ देख लें किसी टॉपर की एथिक्स की कॉपी अच्छी है किसी की जी वन की अच्छी है किसी की जी एस की अच्छी है ऐसे ऐसे कुछ कुछ टॉपर्स की देखें और उससे कंटेंट तो एक्सट्रैक्ट आउट करें उनका राइटिंग स्टाइल भी थोड़ा uh, देखें जो भी आपको सूट करता है uh, बाकी रहा एथिक्स जी तो मेरे लिए हमेशा एथिक्स एक चैलेंजिंग पार्ट था Uh, मुझे ऐसा मेरे एथिक्स में वैसे स्कोर इज गुड माई वन ट्वेंटी सेवन आई हैव स्कोर बट एथिक्स मुझे हमेशा बहुत चैलेंजिंग लगता था उसका रीज़न ये है कि मैं मुझे लगता था जी एस वन टू थ्री हैं जो उनमें आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आंसर्स लिख सकते हैं लाइक like आपसे कुछ पूछा है आपके एस एच जी का बारे में पूछा है तो यू विल राइट डायरेक्टली एस एच जी क्या होती हैं एस एच जी के यूज़ क्या हैं एस एच जी में चैलेंजेस क्या हैं Yeah, फिर वे हेड तो यू कैन राइट द डायरेक्ट आंसर सो दैट वॉज ईजी फॉर मी कम्पेरेटिवली एथिक्स में थोड़े क्वेश्चन आते हैं वो मुझे थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते थे थोड़े फिलोसफिकल लगते थे एंड एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल आंसर्स लिखना वॉज नॉट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो इसलिए मुझे वो थोड़ा चैलेंजिंग लगता था तो मैंने इस पर काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया अब टाइम इन्वेस्ट मैंने इसमें बुक्स पढ़ने में नहीं किया टाइम इन्वेस्ट मैंने इसमें किया कि हाउ टू राइट आंसर्स क्योंकि मैंने बहुत जगह से सुना था कि एथिक्स में बुक्स पढ़ के ज़्यादा फायदा नहीं होगा तो वॉट आई डिड वॉज मैंने एक सोर्स उठाया एथिक्स का uh, वही मैंने विजन आया इसका फ्री मेटी वैल्यू एडेड मटेरियल एक सोर्स उठाया कि चलो कुछ समझ नहीं आया तो कुछ रेफर करने को तो होना चाहिए तो आप किसी भी चीज़ का एक सोर्स उठा लीजिए एथिक्स का जो भी आपको परफेक्ट लगे वो ले लीजिए उसके अलावा उसको इतना नहीं देखना कोई भी आपकी इस प्रिपरेशन में गैप हो ना तो उसे खोल के देख लेना बाकी एथिक्स में जो भी सिलेबस है ना उसकी उसमें वर्ड्स हैं इंटीग्रिटी प्रोबिट जो भी हैं वर्ड्स उन उनकी आप डेफिनेशन प्रिपेयर करिए सेल्फ़ प्रिपेयर डेफिनेशन इंटरनेट पे सर्च करके या कुछ उनकी डेफिनेशन प्रिपेयर करिए एंड उसके अलावा एग्जांपल्स कोट्स का बहुत यूज़ है हर हर वर्ड uh, पे आपका एक कोट होना चाहिए ऑनेस्टी इंटीग्रिटी सेल्फलेसनेस जो भी हैं उन पर एक कोट या फिर एग्जांपल्स ख़ुद के पर्सनल एग्जांपल्स भी लुक बैक इनटू योर लाइफ अभी तक क्या आपने कुछ ऐसा अच्छा किया है जो आप कोट कर सकते हैं एंड जनरल एग्ज़ाम्पल्स भी आप किसी आई ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं और uh, साइट्स होती हैं जैसे बेटर इंडिया साइट है और भी कुछ आपके पेजेस होते हैं तो वो एग्ज़ाम्पल आई एस ऑफिसर्स के भी कलेक्ट करिए और इन जनरल और भी आपके न्यूज़पेपर्स से एग्ज़ाम्पल्स कलेक्ट होते रहते हैं आप अगर ओवर द ईयर कर रहे हैं ना तो आपके एक साथ में काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स कलेक्ट हो जाते हैं तो लास्ट में आके उन्हें अलग अलग हेडर्स में पुट कर दीजिए कि ये एग्जाम्पल इंटीग्रिटी के लिए है ये एग्ज़ाम्पल किसी सेल्फलेसनेस के लिए है ये एग्ज़ाम्पल करेज के लिए है क्योंकि जब आप वो हेडर्स में पुट करेंगे ना तभी वो पेपर में याद आएंगे वरना एग्जाम्पल तो हो गए पचास पेपर में लिखने के टाइम याद नहीं आ रहा कुछ भी तो उन्हें हेडर्स में पुट कर देना तभी वो रिकॉल होंगे पेपर के टाइम वही टाइम कंस्ट्रक्टेड एन्वायरमेंट में तो ऐसे एग्ज़ाम्पल्स कलेक्ट कीजिए और प्रीवियस ये क्वेश्चन देख के थोड़ा क्वेश्चन एनालाइज करिए एक पर्सनैलिटी मैपिंग की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जैसे यू टेक अ फेमस पर्सनैलिटी महात्मा गांधी हो गए या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड उनका नाम ऐसे आप बीच में लिखिए जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का नाम यू राइट इन बिटवीन एंड जस्ट मैप कुछ इन वॉट ही हैज सेड जस्ट इन इनकी पर्सनैलिटी से कुछ चीज़ें मैप कर दीजिए लाइक ही प्रमोटेड इगैलीटेरियन सोसाइटी या फिर कुछ और भी चीज़ जो इनकी पर्सनैलिटी से आती है एंड वेन यू राइट आंसर्स एथिक्स में तो आप इसे इंट्रोडक्शन में या कंक्लूशन में या कहीं भी आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं एज डॉक्टर अम्बेडकर सेड या कुछ या फिर इनका कुछ फेमस कोर्ट तो ऐसे ही ऐसे आप और भी पर्सनालिटीज़ के लिए कर सकते हैं जैसे महात्मा गांधी हो गए आप आ, या फिर बुद्धा हो गए तो ऐसे आप ये थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए डॉक्टर आप ए पी जे अब्दुल कलाम हो गए टू तो टेक सम टे, नाइन टेन पर्सनालिटीज़ एंड इसको भी आप एथिक्स के आंसर में यूज़ करिए बाकी एथिक्स में आंसर लिखने का तरीका अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपर्स कॉपीज़ आई रिफ़र टू तो विशाखा यादव मैम की कॉपीज़ हैं एंड श्रुति शर्मा मैम की कॉपीज़ हैं तो इनकी कॉपीज़ से आपको बहुत आइडिया मिलेगा एंड एथिक्स में एक चीज़ जो मुझे बहुत बेनिफिट करी है वो है आई डोंट इवन रिमेंबर द पर्सन्स नेम बट उसकी कॉपीज़ मुझे बहुत बेनिफिट करी हैं आई यूज़ टू राइट आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ विजन आई एस का आई डिन नॉट टेक क्लासरूम कोचिंग फ्रॉम यर आई वॉज जस्ट अ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टूडेंट तो मैं एथिक्स का जब यहाँ पे मॉक टेस्ट देती थी, थी ना तो आप जब मॉक टेस्ट देते हैं उसके बाद आपका टेस्ट पेपर जब चेक होता है चेक होके आता है तो पोर्टल पे गुड कॉपीज़ का कॉलम होता है तो उसमें एक इंसान की कॉपीज थी आई डोंट इवन रिमेंबर हिज नेम एंड ही यूज्ड टू राइट एक्सेलेंट एथिक्स आंसर लाइक आई यूज टू रीड हिज आंसर्स एंड आई वाज लाइक कि मुझ में ऐसी स्किल कब डेवलप होगी आई टुक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम तो आपको भी अगर ऐसी कोई कॉपी मिल रही है अपने उसमें गुड कॉपीज में या कुछ आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंस्परेशन फ्रॉम हिज टू थ्री कॉपीज जो थी एंड आई लर्न द लॉट कि कैसे आपको पॉइंट्स लिखने चाहिए एथिक्स में तो एथिक्स में आंसर लिखना है गेस सबसे इम्पॉर्टेंट है सीखना सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड यू कैन ओनली लर्न इट फ्रॉम अदर्स कॉपीज़ तो उसका अच्छे से यूज़ कर करना तो ये हमारी ब्रॉड बुक लिस्ट कवर हो गई है इसके बाद प्रिपरेशन की ब्रॉड स्ट्रैटी जो मैंने फॉलो करी इफ़ यू फील इट विल सूट यू यू कैन टेक पॉइंट्स फ्राम इट एज एड आई आई डिटेड एन एंटायर ईयर एंड अ हाफ़ ऑलमोस्ट मोर देन अयर ईयर एंड अ हाफ टू दिस सो फॉर देट मैंने अपनी प्रिप्रेशन की जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आप माइक्रो टारगेट्स रखिए फिर उसके बाद आप थोड़े उससे कम फिर माइक्रो टारगेट्स तो आप अपने ज़रूरी है माइक्रो टारगेट्स के लिए आपके माइक्रो टारगेट्स में लाइक आप अपने मंथ्स को डिवाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है तो आई डिवाइडेड ऐसे मैक्रो स्ट्रेटी आई डिवाइस की मैं सबसे पहले जो मेरी बेसिक बुक्स हैं मोटी मोटी उन्हें कवर करूँगी जी की अब बेसिक बुक्स में क्या आता है स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत श्री राम आई के मेरे नोट्स जोग्राफी की एन ये मेरे बेसिक सामान है जो मेरे प्रिलम्स स्पेसिफिक और मेन स्पेसिफिक दोनों पर्पज सर्व करता है तो आई डिसाइडेड मैं पहले ये कवर करूँगी ठीक है उसके बाद आई डिसाइडेड कि आई एल स्टार्ट विद माई ऑप्शनल उसके बाद बट कभी कभी आपकी टाइमलाइन इतनी मैच नहीं हो पाती है जो आप सोचते हैं तो थोड़ा आपको इधर उधर करना भी पड़ता है तो मैंने सोचा था जैसे शंकर आई एस मैं पहले ही कवर कर लूँगी बट मैं कर नहीं पाई थी तो, तो फिर मैंने उसे सोचा बाद में कर लेंगे क्योंकि ऑप्शनल को भी आप ज़्यादा पीछे शिफ्ट नहीं कर सकते तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए अपनी खुद की स्ट्रैटेजी के साथ भी तो पहले मैंने अपनी बेसिक बुक्स कवर करने पे थोड़ा एक बार एटलीस्ट एक बार कवर करी उसके बाद आई शिफ्टेड टू माई ऑप्शनल

बट सिचुएशन कुछ ऐसी आई कि मैं ले नहीं पाई मुझे या तो कुछ सूट नहीं करा किसी कोचिंग की टाइम नहीं सूट करी लाइक दे वर कंडक्टिंग देयर कोर्स फ्रॉम सर्टेन टाइम लाइन एंड इट वॉज नॉट सूटिंग माई टाइम लाइन या फिर कुछ जगह आई आई रिसिव्ड डल रिस्पॉन्स तो आई डिसाइडेड कि खुद प्रिपेयर करते हैं एंड वैन यू डिसाइड कि खुद प्रिपेयर करते हैं यू गेट एक्स्ट्रा कॉशियस बिकॉज आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है पेरेंट्स कहते हैं कोचिंग ले लो एंड यू डिसाइड ऑन योर ओन कि नहीं लेंगे तो यू स्टार्ट गेटिंग एक्स्ट्रा कॉशियस कि ये डिसीजन लिया है तो गलत ना निकल जाए तो आई गेव अ लॉट ऑफ टाइम इन माई ऑप्शनल आई वॉज एक्स्ट्रा कॉशियस इन माई ऑप्शनल कि ऑप्शनल में मैं खुद कर रही हूँ तो कुछ मिस आउट ना हो जाए तो मैंने सोचा था ऑप्शनल कवर करूँगी चार महीने में लग गए छः पाँच छः महीने लग गए ज़्यादा टाइम लग गया एंथ्रोपोलॉजी में तो उसकी वजह से भी थोड़ी टाइम लाइन हुई तो फिर एक बार ऑप्शनल जब मैं कर रही थी तो आई यूज़ टू गिव एटी परसेंट ऑफ़ माई टाइम इन ऑप्शनल शुरुआत में एंड ट्वेंटी परसेंट टू जी ऐसा नहीं है पूरा छोड़ दिया था फिर ऑप्शनल थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने लगा तो फिर कम कर दिया परसेंटेज ऑफ टाइम ऑप्शनल को फिर थोड़ा पचास साठ परसेंट ही कर दिया फिर चालीस पचास परसेंट फिर जी को तो मेरा ऑप्शनल जनवरी एंड तक ख़त्म हो गया था इतना था फिर था जून में मेरा जनवरी एंड फेब फेब के थोड़ा स्टार्टिंग तक मेरा ऑप्शनल ख़त्म हो गया था उसके बाद ऑप्शनल का जैसे मैंने बताया लास्ट में जब मेरा ऑप्शन चल रहा था नवंबर दिसंबर में तभी आए फिर की ऑप्शन तो बहुत टाइम ले रहा है तो फिर मैंने वो चालीस परसेंट टाइम जो डिवोट करना स्टार्ट किया था जीएस में उसमें मैंने जो मेरा बेसिक बुक्स रह गई थी शंकर आई जैसे रह गया था या कुछ और बेसिक बुक्स वो कवर की एथिक्स मैंने इस टाइम के दौरान कवर किया थोड़ा एंड इंटरनल सिक्योरिटी बाकी बहुत मेन स्पेसिफिक सामान अभी भी रह रहा था मेन स्पेसिफिक जो नोट्स थे वो इतने नहीं हो पाए थे अभी भी तो फिर फेब एंड होते होते मार्च आ गया तो जितना हुआ फेब एंड तक मेन स्पेसिफिक उतना कर लिया बाकी मार्च आते ही आई लेफ्ट एवरी थिंग आई फोकस्ड प्री स्पेसिफिक क्योंकि जून में था तो एंड एवरी वन अब हो गया है कि प्री बहुत अनप्रिडिक्टेबल है एंड एवरी थिंग तो आई डिन नॉट वॉन्ट टू टेक अ चांस कि पहले ही अटैम्प्ट में प्री क्लियर ना हो सो आई आईड दिस वेरी क्लियर कि प्री को मुझे सफिशेंट टाइम देना है लास्ट में सो so वो uh, जैसे ही फेब एंड हुआ मार्च स्टार्ट हुआ तो आई लेफ्ट एवरी थिंग कि जितना हो गया ठीक है ना विल डू आफ्टर वर्ड्स अब प्री करते हैं तो वो तीन महीने फिर प्री करे पूरे अच्छे से रिविजन किया जो भी था एंड फिर उसके बाद प्री हो गया उसके बाद आई पिक दगेन जो भी मेन स्पेसिफिक चीज़ें रह गई थी एंड उन जो जी एंड हाफ मंथ्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो अभी टाइम चल रहा है आप किसी का चल रहा है तो प्री हो गया ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं ये थ्री एंड अाफ़ इसमें मैंने इतने मेन स्पेसिफ़िक नोट्स बनाए जो मुझे लगता नहीं कि मैं दोबारा रेप्लीकेट कभी कर पाऊँगी अपने लाइफ में इतनी मेहनत तो वो थ्री एंड हाफ में मैंने बहुत मेन स्पेसिफिक नोट्स बनाए एंड ठीक है फिर मेन्स के बाद तो यू हैव अ रिलैक्स टाइम आपके इंटरव्यू में बहुत टाइम होता है एंड ठीक है वो फिर काफ़ी रिलैक्सड हो जाता है तो ये मेरे जनरल टाइम रही है एंड uh, uh, एक चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी कुछ लोगों को लग सकता है कि टाइम लाइन uh, थोड़ी छोटी है बट सी अराउंड आई गेव अराउंड फिफ्टीन एंड हाफ मंथ्स एंड इट्स नॉट अ शॉर्ट पीरियड फिफ्टीन एंड हाफ मंथ्स

जो ये जर्नी है इसमें वी सी अ लॉट ऑफ एक फियर है या फिर एक डर है कि कैसे होगा इतना डिफ़िकल्ट है इतनी कम सक्सेस रेट है एंड एवरी थिंग देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर एंड जब आप एंटर कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके एंटर करिए बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कि इफ़ यू डू सो एंड सो एंड सो एंड सो इफ यू डू ऑल द राइट थिंग्स तो हो सकता है आपका फेयर चांस है हो जाए ठीक है तो एक वो कॉन्फिडेंस लेके एंटर करना बहुत ज़रूरी है एंड गिव योर सेल्फ एटलीस्ट एक या दो ऑनेस्ट अटैम्प्ट ऑनेस्ट अटैम्प्ट से मेरा क्या मतलब है मोस्ट ऑफ अस ट्राई गिव अटम्प्ट कि अभी इतनी प्रिपरेशन हुई है अटैम्प्ट करके तो देख लेते हैं क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो होगा बट एक या दो ऑनेस्ट अटैम्प्ट का मेरा मतलब ये नहीं है सिर्फ एक अटैम्प्ट आपका हो सकता है आप चार अटैम्प्ट दे रहे हैं मगर ऑनेस्ट अटैम्प्ट उनमें से एक ही हो तो जब तक आप वो एक ऑनेस्ट अटैम्प्ट नहीं दे दें अपना सबसे अच्छा अटैम्प्ट तब तक आप दीजिए एंड अगर आप दे देते हैं वो अटैम्प्ट एंड आपका नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मे बी या तो आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ कमी है या तो आप उसे इम्प्रूव कर लीजिए या फिर आ, या फिर अपना बैकअप प्लान होना भी इस स्टेज पे फिर नेसेसरी हो जाता है तो एक दो ऑनेस्ट अटैम्प्ट बिल्कुल देना एंड ऑनेस्ट का मैंने जैसे मतलब बताया डू ऑल द राइट थिंग्स जो जो आपको लगता है एंड uh, मुझसे बहुत लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट का होने का रीज़न तो उसका रीज़न मुझे जो लगता है वैन एवर आई यूज टू लिसन टू दीज टॉपर टॉक्स ऑन यूट्यूब या फिर कोई और ब्लॉग पढ़ना या फिर तो वैन एवर यू सी टॉपर्स हु हैव क्लियर देयर एग्जाम इन सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी अटैम्प्ट में दे टेल यू वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उनका इससे पहले वाले अटैम्प्ट में क्यों नहीं हुआ था दे टेल यू कि उनके फर्स्ट अटैम्प्ट में क्यों नहीं हुआ था उनका सेकेंड अटैम्प्ट में क्यों नहीं हुआ था दे टेल यू देयर मिस्टेक्स अब वो आप लोगों को आपकी मिस्टेक्स बता रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं बता रहे हैं यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम इट तो वेट मत करिए कि आप भी वो गलतियाँ करें फिर उनसे सीखें इसकी जगह उनकी गलतियों से भी सीख सकते हैं जैसे किसी टॉपर ने बताया कि उन्होंने अपने इस अटैम्प्ट में इनफ आंसर राइटिंग नहीं की थी या किसी ने बताया कि उन्होंने अपने इस अटैम्प्ट में इनफ रिविजन नहीं किया था या कुछ भी तो लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स ऑल्सो ठीक है अपनी गलतियों से तो हम सब सीखते हैं बट दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए एंड ट्राई नॉट टू रिपीट दैम जितना हो सके तो दिस थिंग यू कैन डू एंड जनरल टाइम हो गई है और जनरल टाइम के बाद लेट्स मूव टू प्री स्पेसिफिक प्री स्पेसिफिक में जनरल uh, जो आपकी बुक्स कवर हो गई हैं लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम वगैरह यही आपके काम आएगी uh, एक चीज़ जो मैं स्पेक्ट्रम uh, की जैसे बात हुई तो आई लाइक टू एडवाइस मेरे पास मुझे याद तो नहीं है कौन सा एडिशन है बट स्पेक्ट्रम uh, के जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं ना uh, उसमें आपका स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आता है आपका निजाम के बारे में एंड माईसौर के बारे में जो आपके 1857 से बेसिकली पहले के चैप्टर्स हैं अराउंड चार पांच चैप्टर हैं कुछ ऐसे ही हैं सो so, कुछ uh, मैंने क्या किया था मैंने वो जो चार पांच चैप्टर्स हैं ना जो 1857 के रिवोल्ट से पहले वाले चैप्टर्स हैं उनके मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बना लिए थे क्योंकि मुझे लगता था ये चैप्टर्स वैसे तो बल्कि हैं और इनकी यूटिलिटी इतनी नहीं है तो मैंने उन चार पाँच चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे वो शॉर्ट नोट्स अराउंड uh, दस पेजों के ही थे इससे ज़्यादा के नहीं होंगे दस से कम ही होंगे तो वो शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए थे उन चार पांच चैप्टर्स के एंड आई हैव जस्ट रिवाइज देम फॉर दोज फोर फाइव चैप्टर्स प्री के लिए भी मेन्स के लिए भी क्योंकि मेन्स में भी इफ़ यू रीड सलेबस आपका सिलेबस शायद कहता है फ्रॉम मिड सेवनटीन या मिड एटीन सेंचुरी कुछ ऐसा कहता है सिलेबस तो मेन्स के लिए भी इतनी यूटिलिटी नहीं है उन चैप्टर्स की और प्री के लिए भी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो इट्स ईजियर आप दस पेज पढ़ लें इंस्टेड ऑफ सौ पेजेस तो मैंने ये किया था बाकी उसके बाद जो एटीन फिफ्टी सेवन के रिवोल्ट के बाद के जो चैप्टर हैं वो मैंने बुक्स ही पढ़े थे स्पेक्ट्रम में एंड प्रे और मीन्स दोनों के लिए uh, उसके अलावा मैं एक चीज़ और बताने वाली थी एनशेंट और मिडिवल का एनशेंट और मिडिवल के जो बुक्स हैं ओल्ड एन मैंने रेफ़र की थी तो अगेन मुझे ओल्ड एन की मतलब बुक से पढ़ना उनकी यूटिलिटी कम लगती थी तो मैंने ओल्ड एन के भी नोट्स बनाए अब मैंने जो एनशेंट और मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर है ना उन्हें कंबाइंड करके पढ़ा था मैंने उन्हें डिफ्रेंश नहीं किया था तो मेरे इसके चार सोर्स थे एक तो दो एन हो गई एक फाइन आर्ट्स की बुक एंड आट जो नितिन सिंह आनिया सर के कुछ चैप्टर्स तो इनके मैंने अपने नोट्स बनाए थे फ़िल्टर कर कर के एंड उसका भी मैंने नोट्स से पढ़ा था फिर मैंने बुक इतनी रिफ़र नहीं की कुछ कुछ चीज़ों के लिए करी बट बाकी ने नहीं की और स्पेक्ट्रम में मैंने बता दिया जैसे मैंने बस चार पांच चैप्टर जो शुरू किया उनके नोट्स थे और बाकी मैंने बुक से ही पढ़ा था क्योंकि बाकी मुझे लगता था हर हर पेज ही इंपॉर्टेंट है अब ज़्यादा लिखने लगोंगे तो पूरी बुक ही छप जाएगी uh, ऐसे ही लक्ष्मीकांत के भी मैंने नोट्स नहीं बनाए जिनको लगता है उनके नोट्स से फ़ायदा है वो बना लो नोट्स बट मैंने पर्सनली नहीं बनाए बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क था मेरे लिए एंड uh, मैंने इसके अलावा किसी भी जनरल बुक्स के नोट्स नहीं बनाए हैं सिर्फ़ एक एंशियन मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर के बनाए हैं और स्पेक्ट्रम के शुरुआत के चैप्टर्स के इसके अलावा मैंने बुक स्पेसिफ़िक नोट्स नहीं बनाए इसके अलावा बट मेन स्पेसिफ़िक फिर नोट्स बनाए हैं हाँ तो ये चीज़ थी प्री uh, स्पेसिफिक जैसे आई वो सिंह आई हैव कवर्ड एक बार एटलीस्ट बेसिक बुक्स कुछ बुक्स दो बार भी कवर हो गई थी बिफोर मार्च जो भी तीन महीने होती हैं उससे पहले के कुछ बुक्स दो बार भी हो गई थी जैसे मेरी लक्ष्मीकांत दो बार हो गई थी कवर रिविजन में स्पेक्ट्रम uh, भी दो बार हो गई थी तो अब मार्च से लेके जो पूरा मई जून फाइव का था प्री तो उन तीन महीने में मैंने uh, एक बार आप सबकी भी बेसिक बुक्स कवर हो जाएंगी उन तीन महीने में आई हैव डिवाइडेड टाइम कि मुझे कितने रिविज़न करने हैं अब मेरा जैसा इंसान क्या होता है मैं डिवाइड करती हूँ टाइम मैं सोचती हूँ पाँच बार रिविज़न करूँगी तो मैं चार बार कर लेती हूँ yeah. तो अपना अकॉर्डिंग देख लें अगर आप तीन बार सोचते हैं तीन बार कर सकते हैं तो वो कर लें मेरी तरह चार पाँच बार सोचते हैं फिर तीन चार बार हो पाता है तो वो कर लें तो मैंने अपने आप को जानते हुए मैंने पहले ही पाँच बार सोचा था तो वो तीन चार बार हो गया था तो ऐसे मैंने टाइम डिवाइड कर ली थी कि फ़र्स्ट रिविज़न में आई टेक फिफ्टी डेज सेकेंड रिविज़न में आई टेक थोड़ा लेस थर्टी फाइव समथिंग जो भी आपको सूट करे तो ऐसे अपना वो पूरे तीन महीने को तीन चार बार जितना भी आपको सूट करता है मेरे ख्याल से मिनिमम आपको तीन तो करने चाहिए रिविज़न तीन तो आपको मिनिमम करने चाहिए कई कर लोगों की स्पीड अच्छी होती है तो वो चार भी कर सकते हैं चार से ज़्यादा थोड़ा इम्पॉस इम्पॉसिबल नहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ लोग कर भी लेते हैं तो तीन तो करने चाहिए उन तीन महीने में उसकी टाइमलाइन अच्छे से डिवाइड कर लें अब वही बेसिक बुक्स को कवर करें उन उनमें अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पार्ट आता है स्टैटिक और करंट का प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी मेंस की तो हमने करंट की थोड़ी बहुत बात करी है प्री की नहीं करी है तो करंट का आ जाता है एंड uh, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि करंट करना चाहिए ऐसा नहीं है करंट को छोड़ दो बट कभी भी स्टैटिक के कॉस्ट पर करंट मत करना इतना इतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टैटिक मोर वो ज़्यादा रिटर्न देगा टाइम है तो करंट भी करना है uh, तो स्टैटिक का तो रिवीजन करते रहना uh, इन तीन महीने में करंट के लिए व्हाट आई डिड वाज हमेशा से करंट uh, के लिए आई यूज़ टू रीड न्यूजपेपर्स ठीक है वो मैं शुरुआत से ही पढ़ रही थी न्यूजपेपर्स अब और मैंने शुरू में कहा था आप बहुत चीज़ें हिट एंड ट्रायल से सीखते हैं ठीक है मैंने बहुत लोगों के सुना था कैसे पढ़ने चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए बट सूट नहीं करता है हर किसी को हर किसी की बात तो वॉट लास्टली वर्क फॉर मी न्यूज़ पेपर में मैंने एक न्यूज़ पेपर लिया अपना द हिंदू आई फॉलोड इट थ्रू आउट मीन्स तक आफ्टर मीन्स इंटरव्यू स्टेज पे आई एडेड वन मोर इंडियन एक्सप्रेस आई स्टार्ट रीडिंग टू न्यूज़ पेपर्स मीन्स के बाद बट मीन्स तक आई आईड रेड वन न्यूज़ पेपर एंड मैं मैं अपने हिंदू को थर्टी टू फोर्टी मिनट्स ही देती थी इससे ज़्यादा आई डिड नॉट गिव माई न्यूज़ पेपर डेली थर्टी टू फोर्टी मिनट्स ही देती थी मैं न्यूज़ पेपर को एंड हाउ आई यूज़ टू रीड वही आप प्लीज़ किसी पेज पर पे जाएँ सबसे पहले कई लोगों की न्यूज़ पेपर पढ़ना हॉबी भी होती है तो अगर आप यू पी एस सी स्पेसिफिक कर रहे हैं तो प्लीज़ उससे हॉबी को थोड़े छोड़ थोड़े दिन छोड़ दें, दें वरना आपका न्यूज़ पेपर ही बहुत टाइम ले लेगा ट्राई टू तो कवर इट एन मैक्मम फोर्टी फाइव मिनट्स मैं थर्टी टू फोर्टी मिनट्स में ही करती थी जनरली क्या करोगे आप एक न्यूज़ पेपर का पेज खोलते हो जल्दी से स्कैन कर लो हेडलाइंस कुछ हेडलाइन इंपॉर्टेंट लग रही है ना तो उसका आर्टिकल पढ़ो पढ़ना लीव इट ठीक है हर पेज भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता हर पेज पे हर आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता फिर आते हैं आपके एडिटोरियल्स आते हैं एडिटोरियल्स आते हैं और उसके साथ में जो ऑपेड का पेज होता है और अब तो हिंदू में वो भी आते हैं फिक्यूज़ टाइप रोज आते हैं हाँ तो हर एडिटोरियल अगेन इज नॉट इम्पॉर्टेंट कुछ एडिटोरियल लगता है इम्पॉर्टेंट है थीम से तो पढ़ लो अगर लगता है नहीं है इम्पोर्टेंट तो जस्ट स्किप इट ज़रूरी नहीं है पढ़ना हर चीज़ एफ uh, एक्व वो काफ़ी अच्छे आते हैं आजकल हिंदू में एंड इंडियन एक्सप्रेस में भी मैंने लास्ट में पढ़ा तो उसमें भी एक पेज आता है क्वेश्चन का तो आपको वो एफे क्यूज़ में से काफ़ी अच्छी डिटेल मिल जाती है तो कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो पढ़ लो फिर उसके ऊपर ठीक है तो मैंने जो हिंदू है उससे न्यूज़पेपर से मैंने नोट्स नहीं बनाए थे अब नोट्स नहीं बनाए थे इन देंस कि मैं रोज़ नोट्स नहीं बनाती थी उनसे आई जस्ट यूज टू रीड इट एंड कुछ अगर मुझे बहुत फैक्चुअल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लगती थी इंपॉर्टेंट तो उसको मैं ज़रूर अपने जो ऑनलाइन मेरे एवर नोट था उसमें मैंने नोटबुक्स बना रखी थी उसको मैं ज़रूर डाल लेती थी जैसे hmm. आ, कुछ भी फैक्चुअल डिटेल आ गई कुछ राम सर साइट नहीं ऐड हुई है या कुछ भी तो मैंने वो राम सर साइट का मेरा एक नोटबुक था उसमें आई यूज़ टू एंटर एंड एवरी बाकी मैंने ऐसे बहुत न्यूज़पेपर से रोज नोट्स नहीं बनाए इंस्टेड मैं मंथली मैगजीन्स करती थी विजन आई की अब उन मंथली मैगज़ीन से भी मैं पूरी पूरी मैगजीन नहीं करती थी वही कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही देखती थी वो इंडेक्स में जाकर के कुछ कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वही चीज़ मैं देखती थी और वही मैं करती थी मैगज़ीन से तो आई वॉज़ कॉन्फिडेंट कि ठीक है कवर हो जाता होगा मैगज़ीन से दे कवर इट वेरी होलिस्टिकली तो वही करती थी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो थोड़ा ऐसे भी रहता था कि कुछ छूट रहा है तो बाद में देख लेंगे तो यही मेरे करंट का था uh, बाकी जो करंट के लिए आई डिड लास्ट में व्हाट आई डिड वाज प्री के लिए जो मेरी मंथली uh, मैगजीन्स थी उसे रिवाइज़ करना बहुत लोगों को एक ह्यूज़ टास्क लगता है बिकॉज आप एक बार तो पढ़ लेते हैं फिर दूसरी बार रिवाइज करना बहुत ह्यूज़ टास्क लगता है तो मैंने क्या किया था मंथली मैगजीन्स के लिए मैंने आपकी मंथली मैगजीन अराउंड वन टू वन पेजेस की वन पेजेस के अराउंड की होती है तो मैंने सिर्फ प्री स्पेसिफ़िक नोट फिट मैंने सिर्फ प्री स्पेसिफिक मेन स्पेसिफ़िक नहीं था सिर्फ़ प्री स्पेसिफ़िक मैंने हर 120 पेज की मैगज़ीन को पाँच छः पेजेस में रिड्यूस कर दिया था एंड उन पाँच छः पेजेस में जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी कोई इंपॉर्टेंट ठीक है अब एक चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगी इस्पेली फॉर पीपल हु आर गिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें न्यू लगती हैं जैसे जी हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया या कुछ भी या फिर एस हो गया कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीज़ें आपकी नॉर्मल uh, आपके uh, जो बेसिक बुक्स हैं उनमें नहीं होती हैं अब जो लोग इस साइकिल में हैं बहुत टाइम से या फिर हु हैव सम नॉलेज ऑन दीज टॉपिक्स उनको ये चीज़ें ऑलरेडी आती होंगी बट जिनको नहीं आती ना उनके लिए मंथली मैगजीन इज़ अ वेरी गुड सोर्स एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू स्टडी दीज न्यू टॉपिक्स तो आप uh, ये न्यू टॉपिक्स हैं क्योंकि उनमें वो ऐसा बताते हैं इन चीज़ों को फॉर अ बिगनर ओनली अगर वो एस के बारे में बता रहे हैं ना तो वो ऐसे बिगनर की तरह बताएंगे डेर टेल पूरा एस का कौन कौन मेंबर हैं वॉट इज़ द यूज़ ऑफ़ एस तो वो बिल्कुल बिगनर की तरह बताएंगे। तो यू कैन इवन यूज़ दिस मैगजीन्स फॉर दिस कि जो जो टॉपिक्स आपने कभी कहीं आपको और नहीं मिल रहे हैं वो अगर आपको इधर से मिल रहे हैं तो वाई नॉट यूज़ इट तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं बाकी मैंने प्री स्पेसिफ़िक सिर्फ एक्चुअल डेटा का uh, हर मैगजीन को मैंने पाँच छः पेजेस में रिड्यूस कर दिया था तो लास्ट में मेरे कुछ ग्यारह बारह महीने की जितनी भी मैगजीन्स हो जाती हैं तो पचास साठ पेज के वो नोट्स लग गए थे और मैंने फिर लास्ट में अपनी जो पी टी थ्री सिक्सटी फाइव विच इज़ रिलीज प्रिलम्स से पहले सो आई डिड नॉट लुक लुक इन टू दैट मैंने वो पढ़ी भी नहीं क्योंकि वही वो मंथली मैगजीनस का ही रिपीट होती है आप एक चीज़ कर लो दोनों तो रिपीटेशन ही हो जाएंगे आपके एफ़र्ट्स का तो मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ी थी प्रीलिम्स के लिए आई जस्ट हैड माई पचास साठ पेज के वो नोट्स जो भी मैंने रिड्यूस करे थे एंड आई जस्ट रिवाइज दैम अब अब आपका हो सकता है इससे आपके पेपर में कुछ भी ना आए प्रीलिम्स में आपकी आपने वो पचास साठ पेज पढ़े भी उनमें नोट्स बनाने में भी टाइम दिया कुछ लोग अगर प्रीलिम्स की पी टी थ्री सिक्सटी फाइव पढ़ रहे हैं दे आर गिविंग सो मच टाइम इन टू इट तो uh, हो सकता है पेपर से कुछ पेपर में कुछ भी ना आए बट स्टिल मुझे जब मैं पेपर के लिए जा रही थी तो एक पीस ऑफ माइंड था कि मेरा करंट कंप्लीट है मैंने अपने वो पचास पेज के नोट्स रिवाइज कर लिए मेरा तो करंट कंप्लीट है इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी तो जो वो पीस ऑफ माइंड है ना दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो कि आपने करंट अपनी तरफ से किया अब कुछ आए ना आए वो तो ठीक है तो वो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो भी आपको एक कुछ पे करता है एग्जाम हॉल में तो इस वे में यू शुड ऑल्सो नॉट स्किप करंट क्योंकि फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि अरे मैंने करंट नहीं करा यू सी आर क्वेश्चन एंड यू स्टार्ट बिलीविंग कि ये तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि करंट नहीं किया बाकी हो सकता है कि आप करंट कर लेते तो भी नहीं होता ये क्वेश्चन बट उस टाइम आपको कॉन्फिडेंस होता और आप कर लेते हो उसे कैसे ना कैसे बट नाओ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट तो वो चीज़ हो जाती है तो इसलिए थोड़ा करंट कवर करते चलें जो भी आपको सूट कर रहा है वैसे करें ये दिस इज़ आओ है हाउ आई डिड आपको हो सकता है कुछ और भी सूट करें तो वो कर लें बट स्टार्टिंग की कॉस्ट पे करंट मत करना uh, तो आई रिवाइज्ड मेरे जितने भी ये नोट्स थे ड्यूरिंग दो थ्री मंथ्स अगेन बाकी uh, जो अप्रैल की uh, बाद में एक अप्रैल मई का या फिर मार्च अप्रैल मई की एक अलग से भी प्रीलिम्स की आती है 365 एक तो प्रीलिम्स की 360 सिक्सटी पीटी थ्री आ जाती है पूरे एक साल की फिर उसके बाद जो दो तीन महीने बच जाते हैं उसकी आती है वो जो दो तीन महीने वाली थी उसके मैंने ज़रूर पी पी टी से पढ़ा था क्योंकि उसके मेरे पास नोट्स नहीं थे बहुत रिसेंट मंथ्स थे क्योंकि वो उधर से मैंने थोड़ा बहुत देखा था बट स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना स्टैटिक की कॉस्ट पे मत करना उसके बाद प्रीलिम्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पी वाई क्यूज़ एवरी वन सेज़ दैट एंड जब सब लोग एक ही चीज़ कहते हैं तो अफकोर्स वो इम्पॉर्टेंट है तो अफकोर्स पी वाई क्यूज़ करें दस साल के करें अब इस साल का पेपर आई हैव नॉट पर्सनली सीन इट बट आई हैव हर्ड अबाउट इट फ्रॉम आई फ्रेंड्स फ्रेंड्स पीपल आर सींग काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आया है कुछ पैटर्न चेंज है कुछ पचास क्वेश्चन समथिंग आर ऑफ ओनली वन ओनली टू टाइप अब जैसे आई सेट आई हैव नॉट पर्सनली नॉट सीन द पेपर तो मैं ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगी बट वॉट आई हैव हर्ड फ्राम फ्रेंड्स इट इज़ कि क्वेश्चन uh, का टाइप बदल गया है बट आपके सेम रिसोर्सेज स्टिल काम आएंगे आपको थोड़ा और रिवाइज़ करके जाएंगे आपका थोड़ा फैक्चुअल डिटेल्स को याद करने का काम बढ़ गया है थोड़ा मेमोराइजेशन पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा बट इट्स स्टिल डूएबल तो दिमाग में जो डर है उसे थोड़ा सा कम करो थोड़ा डर अच्छा रहता है कि थोड़े डर से यू वर्क हार्ड बट ज़्यादा डर से उल्टा हो सकता है तो थोड़ा सा वो डर कम करो एंड वॉट आई हैव हर्ड इज स्टिल डूएबल इफ़ यू डू द राइट थिंग्स तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो इस साल के या फिर पिछले साल के जो भी हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रैक्टिस दें एंड आपके जो मॉक टेस्ट हैं आ, उनका भी प्रैक्टिस करो सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट करो और फुल टेस्ट भी करो आई डिड अराउंड 40 टू 45 फाइव मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज एंड फुल टेस्ट मिला के एंड दिस इज़ नॉट द आइडियल रेंज लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं लोग इससे कम भी करते हैं एंड ऑल केसेज में दे क्लियर सो नथिंग इज़ द आइडियल रेंज जो आपको सूट कर रहा है ना उतने करो जितना आपको टाइम है उतने करो आ, ऐसा भी नहीं है मॉक टेस्ट करने के चक्कर में रिविजन छोड़ दो तो बैलेंस आउट करके जितना टाइम मिल रहा है उतने करो एट डेट फोर्टी टू फोर्टी फाइव आप कम भी कर सकते हो अराउंड थर्टी कर लो ट्वेंटी कर लो ज़्यादा भी कर सकते हो बहुत टाइम है तो साठ कर लो बट श्योरिटी नहीं है कि किसी से भी सिलेक्शन हो जाएगा या फिर ऐसा भी नहीं है कि कम ज़्यादा करोगे तो नहीं होगा वो चीज़ है बट मॉक टेस्ट को करते वक्त एक चीज़ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करते वक्त एक चीज़ जो ध्यान रखने की चीज़ है किसे सॉल्व करने के बाद उसे छोड़ मत दो एनालाइज दैट पेपर ठीक है अब प्रीलिम्स uh, दो घंटे का होता है ना दो घंटे का होता है एंड कई लोगों के डाउट्स होते हैं एनालाइज़ कैसे करें पहले दो घंटे का पेपर दें फिर उसके बाद दो तीन घंटे एनालाइज़ करें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है सो हाउ डू यू एनालाइज एंड सो so, उसके लिए क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी मॉक टेस्ट में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं ना उससे एक तो डिमोटिवेट मत होना ठीक है uh, सबके आते हैं सिक्सटीज़ में भी मार्क्स फिफ्टीज़ में भी मार्क्स शुरुआत में बट इम्प्रूव हो भी जाते हैं लोगों के फिर हंड्रेड के ऊपर भी आने लगते हैं तो उससे डिमोटिवेट मत होना बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो इेलीवेंट भी होते हैं आपकी प्रिपरेशन से तो so प्लीज़ अपने पीयर्स का ख़ुद का दिमाग थोड़ा यूज़ करके प्लीज़ जज कौन सा क्वेश्चन आना आपका ज़रूरी था और नहीं आया और कौन सा क्वेश्चन आना आपका इतना नीड भी नहीं थी और नहीं आया तो इट डज़ेंट मैटर तो वो थोड़ा रखना अब मॉक टेस्ट में कम आने के वही दो रीज़न्स हैं या तो आपकी खुद की प्रिपरेशन में लैग है या फिर टेस्ट अच्छा नहीं है तो हर बार टेस्ट टेस्ट को ब्लेम करना भी अच्छी बात नहीं है और हर बार खुद को ब्लेम करना भी अच्छी बात नहीं है तो प्लीज़ एनालाइज़ कि दोनों में से कौन सा फैक्टर है आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है इस मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आने का ठीक है uh, तो ये चीज़ हो गई हाँ तो मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करने के लिए कि आपके कम मार्क्स क्यों आ रहे uh, आ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे आपके जो सौ क्वेश्चन है ना यू योर टेस्ट एंड उसके बाद एक से डेढ़ घंटा मैक्सिमम देने की कोशिश करना वो सौ क्वेश्चन है ना जो उसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और जो रेलिवेंट हैं रेलिवेंट इन देंस जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आने चाहिए थे बट नहीं आए उनको देखो और जो क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और नहीं आए उन्हें आप लीव भी कर सकते हो ऐसा नहीं है सौ में से सौ क्वेश्चन को ही एनालाइज़ करोगे अगर कुछ लग रहा है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो यूज़ योर बिलीव इन योर सेल्फ एंड लीव इट टाइम कम करो अपना तीन घंटे मत लगाओ उसे एनालाइज करने में तो सौ के सौ के सौ के सौ एनालाइज़ करने की जगह थोड़े कम एनालाइज़ कर लो तो जस्ट लीव इट और जो लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है उन्हें एनालाइज करो मेक नोट्स एक कॉपी बना लो अपनी गलतियों की या शीट्स ले लो एंड राइट डाउन क्या गलती हुई है तो पहली बात तो ये और हर बार जो क्वेश्चन सही होता है ना वो भी इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें आता है कई बार लग जाता है गैस वर्क सही तो जो उधर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सही हुए हैं उनके भी नोट्स बना लो और जो पूरी कॉन्फिडेंटली सही हुए हैं उनके तो प्लीज़ मत बनाओ नोट्स आधे तो आपका काम इधर एलिमिनेट हो जाता है अगर बीस पच्चीस क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सही हुए हैं तो उन बीस पच्चीस क्वेश्चन को स्किप इट उनको एनालाइज़ करते वक्त मत पढ़ो बार बार टाइम कम होगा ठीक है बाकी जो क्वेश्चन सही हो गए हैं बट इतना कॉन्फिडेंटली नहीं हुए थे उनके बना लो और जो गलत हैं या नहीं हुए बट स्टिल आर इम्पॉर्टेंट उनके बना लो तो सौ के सौ मत करो थोड़ा कम कर लो तो जल्दी हो जाएंगे एक डेढ़ घंटे में हो जाएगा एनालाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा दो लग जाएंगे इससे ज़्यादा नहीं लगेगा टेस्ट टू टेस्ट भी डिपेंड करेगा तो एनालाइज करो उसको लिख लो और लास्ट में जो आपके वो गलतियों के नोट्स बन जाएंगे ना उन्हें बस बना कर रख मत देना उन्हें भी रिवाइज़ करके जाना वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी एग्ज़ाम हॉल में बहुत दुख होता है अगर वही चीज़ रिपीट हो जाती है बहुत दुख होता है कि अगर वही क्वेश्चन कोचिंग के टेस्ट में या मॉक टेस्ट में या प्रीवियस क्वेश्चन में आया था और वही क्वेश्चन प्रिलियंस में आ गया बट आपने ध्यान नहीं दिया उस वक्त तो प्लीज़ उन्हें रिवाइज़ करके जाना कभी कभी ऐसा हो जाता है एंड एक दो क्वेश्चन जो सही होंगे आपको गेन ही होगा तो ये एक्सरसाइज करते रहना तो इन तीन मंथ्स में आई गेस अपना स्ट्रैटिक तो रिविजन करते रहो करंट का जो भी आप स्ट्रैटी फॉलो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग एंड सॉल्व योर पेपर्स एंड रिवाइज दैम ऑल्सो एंड एनालाइज़ करो पैटर्न को ठीक है तो ये हो जाएगा बाकी सी सैट सी सैट की बात आई विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बहुत लोगों का सी साट की वजह दे आर स्कोरिंग वेरी गुड इन फर्स्ट वाला पेपर एंड सेकेंड वाला पेपर में क्वालिफाई नहीं करने की वजह से दे आर उनका पूरा एक साल ख़राब होता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन जो आपको सी साट के बारे में बता पाए बिकॉज मेरे स्कोर दो वन वन फाइव है सी सैट में आई हैव नॉट डेडिकेटेडली प्रिपेयर फॉर इट वट आई डिड वॉज आई हैड एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो वट आई डिड वॉज मैंने सी सैट के पिछले दो तीन साल के पेपर सॉल्व करे Uh, मैंने ट्वेंटी टू में दिया था ट्वेंटी वन ट्वेंटी और नाइनटीन के मैंने पेपर सॉल्व करे एंड मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव था आई आई वॉन्टेड टू एनालाइज मेरा लेवल कि मैं बिना प्रिपरेशन के किधर स्टैंड करती हूँ तो आई वॉज ऑलरेडी स्कोरिंग गुड इन दो पेपर्स आई वॉज ऑलरेडी स्कोरिंग वन हंड्रेड टेन प्लस इन ऑल ऑफ दोज पेपर्स ऑन दिस थ्री पेपर्स तो आई आई डूस फ्राम इट कि सी साइट के लिए मुझे इतनी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है तो so, मैंने उस पर एक्स्ट्रा आर्स भी नहीं दिए तो आप भी प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दो पहले कर लीजिए उससे आपको पता लग जाएगा कि आप नेचुरली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं सी शर्ट में और अकॉर्डिंगली देन यू इन्वेस्ट टाइम बट सी सैट को इग्नोर मत करना मैंने सी सार्ट के एक तो प्रीवियस ईयर तीन चार पेपर करिए उसके अलावा भी मैंने मॉकटेज दिए दो तीन तो आई अटेम्प्ट अराउंड फाइव पेपर्स सी सर्ट के एंड आई वॉज गेटिंग इन पाँचों छों में अच्छे नंबर तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे सी सार्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अच्छे नंबर इन सी सर्ट प्लीज़ गिव फोकस ऑन दैट कुछ आपको और टॉपर्स इसमें अच्छे से गाइड कर पाएंगे वॉट दे डेड यूट्यूब वीडियोस लोग कहते हैं कुछ अच्छी हैं तो प्लीज सी टू दैट बट डोंट इग्नोर इट इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पेपर सी जैसे मैंने बताया कि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन सी सर बट स्टिल ऑन इन द एग्जाम डे वो एग्ज़ाम डे बहुत लोग प्रीलिम्स के पेपर के लिए पहली बार जा रहे हैं यू आर एग्जॉस्टेड आपको रात में नींद नहीं आ रही है एक्साइटमेंट uh, में कि पेपर है या डर में कैसे भी तो वेरी एग्जॉस्टेड आप फर्स्ट पेपर देते हो यू सम हाउ गो थ्रू इट बट फिर वो ब्रेक आता है यू हैव लंच देन यू सिट फॉर सेकेंड पेपर ना आपकी वो हिट करने लग जाती है यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपी यू स्टार्ट फीलिंग थोड़ा थकान होने लगती है तो इवन इफ वैन मैं इतना कॉन्फिडेंट थी सी सेट के स्टिल मेरा सी साट के पेपर देते वक्त तो इतनी लथार्जी और इतना स्लीपी फील होता है कि यू फील लाइक कि कि छोड़ दो अब बट इन दैट स्टेज यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि इफ़ यू डोंट डोंट लाइक अपने आप को अगर आप दोबारा से वो एकजुट नहीं करते हो तो विल रिग्रेट दैट डिसीजन आप एक साल तक उस डिसीजन को रिग्रेट करोगे इन दो घंटे में अगर आप अपने आप को सम हाउ मोटिवेट नहीं करते हो टू तो गिव योर बेस्ट इन दैट सी पेपर तो so, मुझे याद है कि मैं बहुत पीछे हो गई थी सी सैट का सॉल्व करते वक्त स्टार्टिंग में आई वॉज डूइंग इट वेरी आराम से एंड एवरी थिंग एंड आई रियलाइज आफ्टर फोर्टी फिफ्टी मिनट्स वेंट कि अरे बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं तो so, उसको लाइटली मत लेना एग्जाम हॉल में भी बिकॉज एग्जाम हॉल में विल फील अ लॉट ऑफ प्रेशर सी सैट के दौरान इवन इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स तो आप एग्जाम हॉल में शुरू से स्पीड बना के रखना सी में यही की है शुरू से स्पीड बना के रखना शुरू से उसे लाइटली मत लेना शुरू से इतनी स्पीड बना के रखें सॉल्व करें जितने भी आप डिसाइड करके जा रहे हैं कितने क्वेश्चंस करने हैं एंड थोड़ा सेफ़ रेंज में ही आना जिससे कंफ्यूजन में ना रहो प्रीलिम्स के रिजल्ट आने तक बीस तीस दिन तक जो भी पंद्रह बीस दिन होते हैं क्या करें सेफ रेंज में आने की कोशिश करना अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स तो uh, इसमें वॉट यू विल डू इज आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं एक्सपेरिमेंट इन दैम आप एक्सपेरिमेंट करिए कि आपको कितना क्वेश्चन वैन यू अटैम्प्ट गिवस यू गुड मार्क्स तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे मुझे लगा कि मैं 85 फाइव टू नाइन्टी के बीच में वैन एवर आई अटैम्प्ट आई आई गेट अ गुड मार्क्स या फिर आई यूजअली टेंट टू गेन मेरा नेगेटिव नहीं जाता इतना तो मैंने अपने असली पेपर में भी 87 सेवन क्वेश्चन किए थे एंड इट वर्क फॉर मी तो आप भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करना एंड फिल्मस का पेपर अटैम्प्ट करने का मैं अपना बता देती हूँ हाउ आई यूज़ टू अटैम्प्ट आप और भी तरीक़ों से कर सकते हैं आई यूज़ टू अटैम्प्ट अटेन थ्री पार्ट्स तो फर्स्ट पार्ट में वॉट आई यूज़ टू डू वर्स फर्स्ट पार्ट में सौ क्वेश्चन होते हैं तो फर्स्ट पार्ट में आई ओनली यूज़ टू अटेम्प्ट दो क्वेश्चन जिन पे आई वॉज हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट बिकॉज आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए नेगेटिव मार्किंग आपको कम करनी है तो फर्स्ट राउंड में आई यूज़ टू ओनली डू जो मेरे को अच्छे से हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट था एंड यह राउंड मेरे ट्वेंटी फ़ाइव टू थर्टी क्वेश्चन हो जाते थे ऐसे ठीक है आपकी वैरी भी कर सकती है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव भी होगी किसी की थर्टी फाइव थर्टी प्लस थर्टी फाइव प्लस भी हो जाएगी उसके बाद जो आप क्वेश्चन सेकेंड राउंड में जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो वो ऐसे क्वेश्चनस होते हैं जिसमें आपको थोड़ा आइडिया तो थो है बट कम्प्लीट आइडिया नहीं है तो उसमें आप थोड़ा अपना मेमोरी को थोड़ा ऐसे रिफ्रेश करने की कोशिश करते हो थोड़ा आप इधर उधर से लिंकेज बनाते हो कि अच्छा ये कभी पढ़ा था ये होता है तो ये तो सेकेंड राउंड में यू डू दोज़ क्वेश्चनस अब आप देख लो कि आपके कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए तो मेरे ये करते करते अराउंड सेवेंटी फाइव सेवेंटी टू सेवेंटी फ़ाइव क्वेश्चन हो जाते थे इतना करते करते ये दो राउंड्स में बट मेरे को आना था अपनी एटी फाइव से नाइन्टी की रेंज में तो वो जो बाकी दस बारह क्वेश्चन थे उनका आई यूज टू हैव सम फेथ वाला थोड़ा गैस ऐसा भी नहीं बिल्कुल अंधा धुंध तुक मार दिए ए बी सी डी नहीं वो नहीं मतलब थोड़ा कि थोड़ा वो दस बारह क्वेश्चन थे तो मैं ऐसे कैलकुलेट करती थी घर पे करी थी ये एक्सरसाइज मैंने वहाँ नहीं करी थी एग्जाम हॉल में पहली बार कि दस बारह में से अगर मेरे पाँच क्वेश्चन सही होते हैं छः गलत होते हैं तो फाइव टू ज टेन और वो छः का अगर मैं माइनस भी करके दे दूँ तो मेरा नेट पॉजिटिव आ जाएगा तो मेरी कोशिश यही होती थी वो दस बारह में चाहे एक ही नंबर पॉजिटिव हो वह पॉजिटिव आए बस नेगेटिव ना चले जाए उन दस बारह में तो मेरी यही था कि वो दस बारह के जो मैं कर रही हूँ लास्ट में उनसे बस माइनस में नहीं जाना चाहिए थोड़ा अच्छा एक ही नंबर का गेन हो इट्स अगेन एट लीस्ट तो मेरी ऐसे आई यूज़ टू अटैम्प्ट एंड वही दो घंटे होते हैं शुरू में अच्छे लगते हैं ज़्यादा लगते हैं दो घंटे बस स्टार्ट से स्पीड बना के रखें प्रीलिम्स में भी वो दो घंटे कब ख़त्म हो जाते हैं लास्ट में पता नहीं चलता एंड बबल मार्किंग की ओ एम आर शीट की बात करूँ तो मैं लास्ट तक वेट नहीं करती थी मार्क करने के लिए एक e, मुझे दो चीज़ें लगती थी लास्ट तक वेट करने में या तो मेरा पेपर छूट जाएगा मैं मार्क नहीं कर पाऊँगी सारे या फिर मुझे लगता था मैं बीच में अगर कोई गलत मार्क कर दूंगी ना तो उसके बाद मैं सारे गलत मार्क कर दूँगी लाइन से जब तक मेरे को आइडेंटिफाई नहीं हो जाएगी गलती कि मैंने गलत मार्क कर दिया सो so, मुझे बहुत रिस्की लगता था ये तो वट आई यूज़ टू डू पेपर सॉल्व करते वक्त एक पूरी शीट होती है उस शीट पर कितने क्वेश्चन होते हैं पाँच छः क्वेश्चन होते हैं चार पाँच पाँच छः तो वो मैं चार पांच क्वेश्चन पांच छह क्वेश्चन सॉल्व करके उस शीट के सारे क्वेश्चन वो चार पांच एक साथ मार्क करती थी तो किसी को ये अगर कम लगता है तो वो दो शीट के एक साथ मार्क कर दो कितने हो जाते हैं दस हो जाते हैं तो वो एक साथ मार्क कर दो तो ऐसे अपना देख लो जो जो सही लगता है वो कर लो एक एक क्वेश्चन मार्क करना भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एक करो एक मार्क करो एक करो तो ऐसे क्लब करके कर दो थोड़ा पाँच छः तो सही रहता है मिड वे रहता है थोड़ा तो दिस इज़ अबाउट प्रिलम्स तो अभी तक आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं देन आई स्टार्ट विथ मेंस थोड़ा अभी तक इफ एनी वन आस्क समथिंग नोट मेकिंग कैसे करी थी आपने मतलब जैसे हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई है अब तो उसमें ऐसे मतलब बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी नोट मेकिंग कैसे करूं हिस्ट्री में हिस्ट्री में uh, जैसे मैंने बताया आपको हिस्ट्री में uh, मैंने स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री uh, में मैंने आपको एक तो मिडिवल और वो वाला पार्ट होता है एनशियट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर उनकी मैंने इंटीग्रेटेड नोट मेकिंग करी थी सबको मिला के चार बुक्स को मतलब uh, अलग अलग पढ़ के एंड तो उसमें तो एंशियट मिडिवल में uh, आप जो मेंस का सिलेबस देखोगे ना तो मेंस के सिलेबस में एंशियंट मिडिवल कहीं नहीं लिखा है मेन्स के सिलेबस में सिर्फ आर्ट एंड कल्चर आता है ठीक है तो आप वो नोट डाउन करना मीन्स का सिलेबस अच्छे से पढ़ना उसमें लिखे दिखेगा आपको एनशियट मेडिवल नहीं आता सिर्फ आर्ट एंड कल्चर आता है तो कभी एंशियट मेडिवल से क्वेश्चन भी आता है मीन्स में तो इट इज़ रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर ओनली तो बाकी तो फैक्चुअल डिटेल्स सिर्फ आप प्रीलिम्स के लिए करें एशियंट और मिडिवल की तो आपका आधा वर्कलोड तो उधर रिड्यूस हो जाता है बाकी आर्ट एंड कल्चर वाला जो लिंक होता है पोर्शन एनशियट मेडिवल का उसका थोड़ा थ्योरी भी पढ़े वो आपका उसमें काम आएगा तो इसका मैंने नोट्स बनाए थे अपने एशियन मेडिवल के और आर्ट एंड कल्चर के थोड़ा थ्योरी वाला अच्छे से रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर बाकी सबकी फैक्चुअल फैक्चुअल डिटेल्स वैसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पहले बहुत आते थे अब तो मुझे पता नहीं इस साल आए हैं यानी कि कुछ टर्म का मतलब आ जाता है कुछ टर्म होता है और उसका मतलब पूछ लेते हैं तो ऐसे भी मैंने अपना जो भी बुक्स थे टर्म्स थे वो करे थे एंड आपकी जो बुक्स होती हैं जैसे फाइन आर्ट्स के पीछे की बुक में ग्लोसरी है एक उसमें भी इफ़ यू रीड तो उसमें भी आपको ये टर्म्स के मतलब मिल जाएंगे uh, मुझे आइडिया नहीं है कि अब भी साल भी आया है वो क्वेश्चन इफ़ स्टिल इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न दैम तो आप उन्हें रिवाइज करेंगे तो हो जाएंगे बाकी स्पेक्ट्रम के लिए वॉट आई डिड वॉज मॉडर्न uh, हिस्ट्री के लिए वो मैंने जैसे बताया मैंने शुरू के पाँच छः जितने भी चैप्टर्स थे उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे बिकॉज उनकी यूटिलिटी मुझे कम लगी थी क्योंकि मेंस के सिलेबस में अगेन लिखा है कि मिड एटीन या जो भी मिड सेवेंटीन सेंचुरी से आएंगे तो वो आएगा एंड प्रिलियम स्पेसिफिक आपको सिर्फ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इट विल डू द वर्क वो शॉर्ट नोट्स बाकी एटीन के बाद से जो चैप्टर्स हैं uh, उसको मैंने बुक से ही पढ़ा था आई मतलब बुक से जो भी आप हाईलाइटर अंडरलाइन जो भी करना चाहते हैं एंड बीच बीच में आपको लगता है कुछ नोटवर्दी आप कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो मैंने वही स्टिकी नोट्स चिपका चिपका के बुक के बीच में आए डिड एडिशन उसके मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए जैसे कुछ थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रिपीट होती हैं पी वाई के में मॉडर्न हिस्ट्री से लाइक पी आपका नाइनटीन का जो पीरियड है उससे बहुत क्वेश्चनस आते हैं कि नाइनटीन में क्या हुआ तो अगर आपको लग रहा है ऐसी कोई थीम है तो या तो आप बुक में ही कुछ स्टिकी नोट्स या कुछ करके बना लो या फिर कुछ एफ ओ साइज शीट्स में लिख लो तो मैंने तो यही किया था हिस्ट्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन्स मैम थैंक यू यू स्कोर नाइन्टीन एट फर्स्ट सो माई क्वेश्चन इज दैट आपने पी वाई क्यू एनालाइज करना कब से शुरू किया था लाइक स्टार्टिंग फेज से या फिर uh, मैंने स्टार्टिंग से ही कोशिश की थी एनालाइज़ करने की बट स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आता है बहुत कुछ विच इज़ नेचुरल क्योंकि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं होता है तो इट्स नेचुरल ओन तो uh, कम से कम कलेक्ट करके रख लो स्टार्टिंग में एंड uh, जैसे आज आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आप क्या करोगे आप नेट uh, पे सर्च करोगे ना कि प्रीलिम्स क्वेश्चंस पॉलिटी प्रीवियस ईयर तो कई साइट्स होती हैं उन पर आपको एक कंपाइलेशन सा मिल जाता है कि 2012 से लेके 22 तक जितने भी पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं उनका कंपाइलेशन तो आप वो भी देख सकते हो जैसे जैसे यू रीड वैसे वैसे यू गो बैक टू इट ठीक है बाकी मेंस स्पेसिफिक के लिए uh, देखिए अगेन एक रफ़ आइडिया होना चाहिए कि मेन्स में uh, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं Uh, जैसे आई आई स्टार्ट में पॉइंटेड आउट सोसाइटी से भी छः क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री से भी छः क्वेश्चन आ रहे हैं और बाकी आठ क्वेश्चन जोग्राफी से आ रहे हैं तो इतना एनालिसिस तो आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं uh, वही चीज़ पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जी एस टू में या फिर इकॉनमी एग्रीकल्चर से कितने आ रहे हैं जी एस थ्री में तो इतना एनालिसिस तो आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एनालिसिस कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जैक्टली exactly, वह बेटर कर पाएंगे एज यू मूव अ हैड तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत करो फिर जैसे जैसे यू मूव है एड यू गेट बेटर एट दैट बहुत चीज़ें जैसे आई हैव सेड यू लर्न एंड डी लर्न इन द प्रोसेस तो आई डिड दिस मैम एक दो और क्वेश्चन हैं दोनों मिक्स ही हैं कि जैसे आप रिवीजन कैसे करते थे हैं like, लाइक अगर आप थोड़ा एग्जांपल देके समझा सको क्योंकि मेरे को रिवीजन करने में थोड़ी दिक्कत से आ रही है मतलब मैं सिर्फ स्टैटिक पे फोकस कर रही हूँ रीडिंग पे बट रिवीजन करते वक्त थोड़ा सा मतलब गैप सा फील होता है मेरे को uh, ठीक है आपने पहली बार पढ़ा oh, देखो uh, बहुत लोग आपको uh, बहुत टॉपर्स का जैसे जिसकी स्ट्रेंथ है दे डू अकॉर्डिंगली तो बहुत टॉपर्स दे से कि फर्स्ट रीडिंग में दे जस्ट रीड इट कैजुअली बस वो कैजुअली रीड करते हैं फिर सेकंड में दे रीड इट मोर प्रॉपरली मेरी आदत हमेशा से रही है कि मैं फ़र्स्ट में ही बहुत अच्छे से रीड करती हूँ बिकॉज दैट इज़ हाउ मैंने हमेशा पढ़ाई करी है बचपन से तो मैं इस पेपर के लिए भी मैंने वो चेंज नहीं करा मैं फ़र्स्ट रीडिंग में ही बहुत अच्छे से पढ़ती थी बट अगर अब जैसे बाकी टॉपर्स कहते हैं अगर किसी को वो सूट नहीं कर रहा तो यू डोंट डू इट आप भी कैजुअल कर सकते हैं तो मैं फर्स्ट में बहुत अच्छे से करती थी बाकी तो uh, मेरे लिए जनरली जो सेकंड रिवीजन होता सेकंड रीडिंग होती थी फर्स्ट बार मैंने पढ़ लिया जो सेकंड रीडिंग होती थी वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती थी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती थी क्योंकि पहली बार पढ़ने के बाद जब आप दूसरी बार जाते हो ना तो आपको कुछ चीज़ें आती भी हैं और आपको लगता है कि सब कुछ भूल गए बट आई यूज़ टू हैव दैट फेथ कि एक बार ये सेकेंड वाला भी हो जाएगा ना तो जो थर्ड होगा ना वो थोड़ा ईज़ी होगा रिलेटिवली तो ठीक है तो फर्स्ट के बाद सेकेंड वाले में बहुत मुश्किल आएगी रिवाइज़ करते वक्त उस सेकेंड वाले में टाइम भी लगेगा तो गिव इट दैट टाइम बट जब आप थर्ड पे पहुँचोगे ना तो आपको रिलेटिवली इजी फील होगा रिवाइज़ करना फिर थर्ड के बाद फोर्थ पे पहुंचोगे ना तो और इजी लगेगा रिवाइज़ करना तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे रिवीजन में आपको वो रिवाइज़ करना तो बहुत इजी लगता जाएगा तो वो आपको मेन डिफ़िकल्टी शुरू में ही आएगी और रिवाइज़ करने के लिए वॉट यू कैन डू इज़ कुछ चीज़ें होती हैं कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको याद रहते हैं जनरली जैसे आप पॉलिटी में कुछ पढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको याद रहती हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स यू आर रीडिंग तो आपको हो सकता है किसी की मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है किसी कैसी होती है तो कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं कुछ चीज़ें है होती हैं जो आपको जल्दी भूल जाते हो तो ये चीज़ ध्यान रखो कि जब आप सब्सिक्वेंटली रिवाइज़ कर रहे हो तो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो जो आप भूल रहे हो क्योंकि जो याद रह रहा है वो तो बाद में भी रहेगा उन्हें भी रिवाइज़ करते चलो बट स्पेंड सम एक्स्ट्रा टाइम ऑन दोज थिंग्स जो आप भूल जाते हो जैसे मैं रिट्स वाला पार्ट जनरली बहुत भूल जाती थी मैंडमस हेबियस हिबियसकॉपस उनके जो स्पेसिफिक्स होते हैं जब भी मैं रिवाइज करती थी जो फंडामेंटल राइट्स का बाकी पार्ट था वो तो मैं जल्दी जल्दी कर देती थी फिर मैं रिट्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी तो आप ये मैं तो ये फॉलो करती थी कि मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती थी जो मैं भूल जाती थी इन सबसिक्वेंट रिविजन्स और फिर आप जैसे जैसे मूव करते हो साइकिल में थर्ड फोर्थ तो आप जो चीज़ें भूल रहे हो ना उसकी क्वान्टिटी भी कम होने लगती है तो आपका और फास्ट रिवाइज हो जाता है तो आई यूज़ टू डू दिस बाकी क्योंकि मैंने बेसिक uh, बुक्स के नोट्स नहीं बनाए थे बुक्स से ही किया था तो आई यूज़ टू यूज़ हाई डिफरेंट कलर के हाई लाइटर्स सेकेंड थर्ड रिविजन में फ़र्स्ट रीडिंग में ऑफकोर्स मैंने भी कुछ नहीं करा था सेकेंड थर्ड रिविज़न में सिर्फ पेन से अंडरलाइन करा थर्ड रिविज़न में सिर्फ हाईलाइट कर दिया तो लास्ट तक जो वो चार पाँच रिविज़न हो गए उसमें लास्ट तक सिर्फ वही वही चीज़ पढ़ के जाती थी मैं जो फिर मैंने अपने लास्ट कलर वाले हाईलाइटर से किया था क्योंकि आई यूज़ टू एज़्यूम कि बाकी चीज़ें आई रिमेंबर बाकी पॉलिटी में एक चीज़ मैंने जो की थी मुझे फ़ायदा हुआ लास्ट में लक्ष्मीकांत की बुक में आर्टिकल्स हैं लास्ट में जाके हैं बिल्कुल वो वन से लेकर थ्री नाइन्टी फाइव तक पूरे आर्टिकल्स हैं मैंने वो फाड़ लिए थे बुक के पीछे से और स्टेपल करके रख लिए थे और मतलब उन्हें ही मैं जनरली रिवाइज करती थी वो हर आर्टिकल के साइड में मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया था कि ये आर्टिकल जैसे कोई आर्टिकल बाद में ऐड हुआ है तो कौन से अमेंडमेंट से हुआ है थोड़ा बहुत फैक्चुअल डिटेल्स कुछ ऐसी होती थी तो वो लास्ट में उन आर्टिकल्स को आई ऑल्सो यूज टू रिवाइज अपार्ट फ्राम बुक में जो जनरली चीज़ें थी तो यू कैन ऑल्सो डू दिस थैंक यू सो मच मैम थैंक यू मैम जैसे ऐसे बहुत बार होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में हमें लगता है कि हम उस सब्जेक्ट में वीक है ठीक है तो उसमें हम ज़्यादा टाइम देते हैं जिसकी वजह से जो हमें आता था लगता है कि इस टाइम पे हम भूलते जा रहे हैं उसको mm -hmm. हम टाइम नहीं दे पाते तो उसको कैसे कवर करें hmm. देखो जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो ना उस सब्जेक्ट को एक तो आप शुरुआत में करो Uh, जैसे मुझे इकोनॉमिक्स में मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है आई लास्ट स्टडीड इकोनॉमिक्स टेंथ क्लास में और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा भी सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट भी सब्जेक्ट है तो uh, उसे आप शुरुआत में कवर करो क्योंकि यू आर शुरुआत में आप जब स्टार्ट करते हो प्रपरेशन आपके आपको मतलब होता तो नहीं है टाइम ज़्यादा बट आपको लगता है कि अभी टाइम है तो यू स्टडी इट प्रॉपरली तो जो सब्जेक्ट वीक लगते हैं उन्हें थोड़ा अच्छे से कर लो शुरू में एंड जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उन्हें ऑलरेडी जो आती हैं चीज़ें उन्हें थोड़ा बात के लिए रख सकते हो एंड फिर आप वही है कि आप जब वो डिविज़न uh, करोगे तो डिविज़न करते वक्त आप अपने वीक सब्जेक्ट्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो वही तो आप वीक को कैसे सुधारोगे उस पर ज़्यादा ध्यान दे के आप थोड़ा टाइम डिवाइड करो एडिकुएटली मैं मैम मेरा एक क्वेश्चन है करंट अफेयर का रेंज क्या होना चाहिए I mean, कौन से मंथ से स्टार्ट करो कहाँ तक देखो कोई ऐसे इसका एक आंसर नहीं है कोई आपको बता भी नहीं सकता क्या रेंज होना चाहिए बट वॉट आई डिड वॉज मैंने एक साल का किया था एंड आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो जैसा एसाइड हो सकता है उस एक साल में से भी कुछ ना आए हो सकता है बहुत कुछ आ जाए या फिर हो सकता है बस लास्ट चार महीनों में से आए या फिर हो सकता है एक साल से पहले का भी आए डेढ़ दो साल का बट जो एक रेंज आप अपने मन में डिसाइड कर रहे हो ना उतना करो कर आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि आपने अपनी तरफ से कर लिया और उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा विच इज़ इम्पोर्टेंट तो अपनी तरफ से करो मैंने एक साल का किया था आपको जो कम्फर्टेबल होता है वो करो ठीक है हेलो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मैम मैं ये mm -hmm. पूछना चाहता हूँ आई एम टारगेटिंग फॉर 2025 ट्वेंटी okay. फाइव तो uh, मैं मोस्टली 15 टू 60 मंथ दे सकता हूँ mm -hmm. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन सी मिस्टेक एनालिसिस की थी टॉपर स्टॉक से और समवेयर एल्स mm -hmm. तो आप वो सजेस्ट कर सकते हैं कि मिस्टेक्स नहीं करें वो सी mm -hmm. uh, पहली uh, पहली मिस्टेक वाज नॉट डूइंग इनफ आंसर राइटिंग तो आपके पास जैसे टाइम है अच्छा खासा तो आंसर राइटिंग पे फोकस करो क्योंकि अल्टीमेटली वही नंबर देगा सिर्फ या सिर्फ पढ़ने याद याद रखने से नहीं होगा आपको डिलीवर करना आना चाहिए तो फोकस ऑन आंसर राइटिंग पहली मिस्टेक ये पीपल डोंट डू दैट समटाइम्स सेकेंड मिस्टेक आप प्रीलिम्स में इनफ रिविज़न नहीं हो पाता है बहुत लोगों का प्रीलिम्स से पहले तो uh, वो इनफ रिविज़न करो प्रीलिम्स से पहले एज आई सेट तीन से चार बार आप एटलीस्ट रिविज़न करो थर्ड मिस्टेक वॉज निगलैक्टिंग योर ऑप्शनल वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ है बहुत लोग ऑप्शनल की वजह से लिस्ट में बाहर हो जाते हैं कई लोग ऑप्शनल की वजह से अंदर भी हो जाते हैं तो प्लीज़ डू एडिकुएटली फोकस ऑन योर ऑप्शनल उसको अच्छे से टाइम दो उसका रिटर्न मिलेगा जितना टाइम जीएस को कंबाइंड दे रहे हो उतना टाइम इकलौते ऑप्शनल को दो थोड़ा आगे पीछे कर लो बट दो तो ये तीन चार मिस्टेक्स थी जो आई एंड आई टू नॉट कमिट ठीक है? तो आगे प्रोसीड कर हाँ मैगजीन का सही यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए जैसे कि प्री और मेंस के लिए तो प्री के लिए क्या केवल डेटा को ही मतलब स्पेसिफिक किया जाए और मेंस के लिए फिर देखो मेंस का तो मैं अभी आगे बताऊंगी अपने उसमें प्री का प्री का देखो मैगजीन्स में आपकी जो फैक्चुअल डिटेल्स अब देखो बहुत चीज़ डिपेंड करती है कि आपको क्या ऑलरेडी पता है कई लोगों को ऑलरेडी पता है कि एस में कौन सी कंट्रीज़ हैं कई लोगों को ऑलरेडी पता है कि जी में कौन सी कंट्रीज़ हैं और कई लोगों को ये बात पता चल रही है मैगज़ीन पढ़ने से ही तो जिन लोगों को मैगज़ीन पढ़ने से ही ये चीज़ पता मैं आई वॉज अमंग वन देम जिन्हें मैगजीन पढ़ने से पता चल रहा है कि एस में कौन सी कंट्रीज आ रही हैं ठीक है तो डिपेंड करता है अब तो मेरे लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था तो आई मेड इसके नोट्स अपने जो मैंने बोला तो आप मैगजीन से सिर्फ वो चीज़ें देखो जो आपको लगता है कि आपके प्री स्पेसिफिक बता रही हूँ मीन्स का बाद में बताऊँगी कि प्री स्पेसिफ़िक जो चीज़ें आपको लगता है थोड़ी इंपॉर्टेंट है प्री में आ सकती हैं तो मैंने यही किया था उन्हें थोड़ा सा फ़िल्टर आउट करके हर उसके पाँच छः पेजेस में उसे कम कलमिनेट कर दिया था ओके मैम मैम और वो जो आईआर का जो पार्ट होता है वो मेंस का लिए जैसे कि अभी हम लोग का आईआर का पार्ट हुआ नहीं है क्लासेस में तो जब मैगज़ीन पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ लगता है कि कुछ उसके डेप्थ में जाकर पढ़ लें नेट पर तो क्या ये सही अप्रोच रहेगा या फिर केवल मैगज़ीन से ही पढ़े आई का पार्ट या फिर उसे छोड़ दें कि क्लास के बाद कर लें ठीक है Uh, जैसे मैंने आपको कहा कि आप पहले डायरेक्शन ढूंढ लो उसके बाद कंटेंट ढूंढना सीधा कंटेंट पे मत जब करो तो आप पहले ये डिसाइड करो आपको कौन सा कंटेंट चाहिए तो आई आर मै एज यू सेड अगर आप आप फॉर एग्जांपल ले लो इंडिया यूरोप रिलेशंस पे यू आर फाइंडिंग कंटेंट अब वो कंटेंट आपको कहीं से भी मिले किसी मैगजीन में मिल रहा है तो गुड इनफ किसी नेट पे मिल रहा है enough, तो गुड इनफ और मेंस के नोट्स बनाते हुए तो ये हेडलाइंस हेडिंग आप अगर इंडिया यूरोप के रिलेशन पे एक पेज के नोट बना रहे हो या एवर नोट पे कुछ टेबल बना रहे हो या समथिंग तो वो डिवाइड कर लो चीज़ें हेडिंग्स का डिवाइड कर ली यू नीड एन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे आप उसके बाद आपकी बॉडी आ गई बॉडी में आप लिखोगे आप कौन सी एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन है आपके uh, फिर आप चैलेंजेस लिखोगे या उसके बाद आप वे हेड कंक्लूजन लिखोगे तो अब जब आपके ये हेडर्स बन गए ना उसके अकॉर्डिंग यू फाइंड कंटेंट अब आप नॉर्मल भी सर्च करोगे ना नेट पे कि इंडिया यूरोप रिलेशन चैलेंजेस तो आपको किसी भी साइट खोलोगे ना पाँच छः चैलेंजेस दिख जाएंगे अगर आपको यही कंटेंट मैगजीन से मिल रहा है तो गुड इनफ तो ये जस्ट आपकी जो भी ब्लैंक स्पेसिज हैं उन्हें फिल कर दो तो फर्स्ट यू फाइंड द के आपको क्या कंटेंट चाहिए ठीक है फिर उसे सर्च करो तो आपका टाइम भी सेव होगा एक डायरेक्शन भी रहेगी प्रिपरेशन में ओके मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन रिविजन से रिलेटेड है मैम आप रिविज़न को मतलब मैंटेन कैसे करते थे अभी हम लोग के पास मेजर फोर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी है इकोनॉमिक साइंस एंड टेक और हिस्ट्री चल रही है अभी तो आप मेंटेन कर, मतलब आप तो क्लास नहीं किए बट कुछ सजेशन जो हम लोग मेंटेन करें दो तीन सब्जेक्ट को एक साथ रिवीजन में ऐसा आ, आप जैसे आपने बोला मैं पर्सनली कभी भी इतने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ ले नहीं चलती थी मैं मैक्सिमम दो सब्जेक्ट एक साथ ले चलती थी एंड इफ आई एम डूंग ऑप्शनल तो मैं जीएस का एक लेके चलती थी इफ़ ऑप्शनल नहीं है तो दो सब्जेक्ट तो मेरा इसलिए थोड़ा मैनेजेबल रहता था पर्सनली बाकी चार सब्जेक्ट कैसे मैनेज करेंगे एक साथ वो मैं इतना एडवाइस नहीं कर पाऊँगी थैंक यू मैम ठीक है तो लेट्स कंटिन्यू तो मेन स्पेसिफिक इफ़ वी सी ना मैंने अर्लियर भी आई सैड की मेन स्पेसिफिक नोट्स का Uh, तो अब थोड़ा डिटेल में उसमें लेट्स टॉक तो मेंस का uh, जब भी आप प्रिपरेशन करो मेन्स स्पेसिफिक तो दो चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी फर्स्ट इज़ सिलेबस एंड सेकेंड इज़ पी प्लीज़ सिलेबस से स्टिक करें एट ऑल कॉस्ट एंड पी वाई क्यू से आपको पता चलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्ट किसी कोई थीम है तो उससे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दीज टू एरियाज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फोकस ऑन देम अब uh, मेन्स के लिए uh, आप ए फोर साइज़ शीट्स पे नोट बनाना आई एल प्रिफर आई एल एडवाइज मोर बिकॉज थोड़ा इजी रहता है उसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना तो आई स्टार्ट विद जी एस टू सबसे पहले तो जी एस टू के जो आपके मेन्स का सिलेबस लोगे उसमें पॉइंट्स uh, uh, तो जस्ट ए फोर साइज़ की एक शीट लो और एक चीज़ याद रखना कि मेन्स के जब नोट्स बनाओ ना तो हमेशा कोशिश करो कि अपना काम रिड्यूस करना है बढ़ाना नहीं है तो जो एक टॉपिक है लाइक फेडरलिज्म टॉपिक है या फिर एन टॉपिक है जो भी टॉपिक है कोशिश करो कि उसके नोट्स हो ना हर हर किसी का एक पेज का नोट हो ज़्यादा से ज़्यादा दो पेज का अगर एक पेज में कोई चीज़ आ रही है तो उसको तीन पेज में मत लिखो ठीक है अल्टीमेटली यू हैव टू रिवाइज दोज नोट्स तो स्टार्टिंग से ही अपना काम रिड्यूस करके चलो थीसिस मत लिखना एक एक चीज़ की क्योंकि अपना ही काम बढ़ाओगे रिवाइज़ नहीं हो पाएगा अल्टीमेटली एंड में ठीक है तो वही मेन स्पेसिफ़िक सिलेबस लो टॉपिक्स लिख लो शीट्स पे हर शीट पे एक टॉपिक लिख लिया जैसे पहला टॉपिक लिख लिया फेडरलिज्म वी राइट टॉपिक ठीक है अब जो भी आपके सोर्सेज है लक्ष्मीकांत हो गया या कोई भी आपको वैल्यू एडेड मटेरियल मिल रहा है कहीं से भी uh, तो अब फेड अब uh, जो एक या दो पेज के जो आप नोट्स बना रहे हो ना कैटेगरीज डिवाइड कर लो कि कैसे नोट्स चाहिए तो कैटेगरीज क्या हो जाएंगी पहला हो जाएगा इंट्रोडक्शन में वॉट विल यू राइट ठीक है इंट्रोडक्शन में वॉट कैन यू राइट आप आर्टिकल्स मैंशन कर सकते हो तो फेडरलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल्स यू कैन मैंशन आपका आर्टिकल आई गेस फिफ्टी पड़ता है नॉट फिफ्टी फिफ्टी तो आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का होता है आई गेस हाँ तो मतलब जो भी आपके आर्टिकल्स आपको लगें रेलिवेंट हैं यू मैंशन दैट एक एक आप कॉलम बना लो स्टैट्स एंड फिगर्स का इफ़ देर इज़ सम स्टैटिस्टिक या फिगर्स आप मेंशन कर सकते हो जैसे आपके गवर्नेंस में आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं वुमेन रिलेटेड वुमेन या फिर डिसेबल्ड डिसेबल्ड पीपल वाले नोट्स होते हैं तो आप वुमेन रिलेटेड अगर नोट्स बना रहे हो एक दो पेज के uh, तो पहला आप अपना इंट्रोडक्शन uh, लिख लो इंट्रोडक्शन में यू कैन आदर कोर्ट समा डेटा कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग ये है एक्सेट्रा uh, दूसरा आप एक स्टैट्स का कॉलम बना लो स्टैट्स में यू राइट एवरी थिंग रिलेटेड टू वुमेन लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन हेल्थ कंडीशन में कितनी परसेंटेज ऑफ वुमेन आर एनेमिक या चाइल्ड मैरिज का डेटा uh, या फिर एन का वुमेन वायलेंस uh, का डेटा सो जस्ट कंपाइल दैम एट वन प्लेस तो आपका पहला ये हो गया uh, फिर थर्ड कैटेगरी यू कैन राइट अबाउट बॉडी में व्हाट एल्स यू कैन राइट थर्ड कैटेगरी यू कैन राइट अबाउट कि वॉट आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेस बाय वुमेन तो यू शुड स्टार्ट विद फीमेल इन्फेंटिसाइड फिर उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं वर्क प्लेस चैलेंज हो गया डाउरी रिलेटेड चैलेंज हो गया सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हो गए ठीक है फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वॉट आर द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट आप स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर वुमेन आप उन्हें याद करो तो वो सारी नोट you डाउन know, कर लो एक जगह जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की uh, उसके बाद आपका फोर्थ होगा वे हेड हाउ टू इम्प्रूव सिचुएशन नाउ वॉट यू शुड डू नेक्स्ट ठीक है यू राइट दैट एंड कंक्लूशन में uh, कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिल रहा है तो जनरली uh, आप अपनी प्रिपेयर करके जाइए कंक्लूशन क्योंकि एट द मोमेंट आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी इंटरेस्टिंग एस डी जी का यू कैन राइट एस डी जी का कौन सा होता है आई थिंक इट्स फाइव फाइव और समथिंग Uh, हाँ तो यू कैन राइट लाइक दैट वुमेन का एस डी जी फाइव एम नॉट रॉन्ग फाइव होता है तो आप ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके जाना ठीक है तो इतना आपने लिख लिया अब आप एक कॉलम में एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज़ का लिखिए एग्जाम्पल्स में क्या लिखेंगे एग्ज़ाम्पल्स में यू कैन राइट जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन ओनली तो एग्जाम्पल्स में यू कैन राइट कि इफ यू आर सेंग कि वर्क प्लेस कंडीशंस हैव टू इम्प्रूव टू इंकलकेट मोर वुमेन इन वर्क फोर्स तो उसमें लाइक आई हैव रिटन एग्जाम्पल्स जोमैटो का जोमेटो गिवस पीरियड लीव्स टू वुमेन सो दिस इज़ वन एग्ज़ाम्पल सो ऐसे एग्जाम्पल्स कलेक्ट करिए या कुतुम बश्री का एग्ज़ाम्पल हो गया सो आप ऐसे हेडिंग्स डिवाइड कर लें मेन्स के लिए तो इन हेडर्स के अंदर अंडर यू राइट कंटेंट किसी और चीज़ का ले लो जैसे आप पंचायत का ले रहे हो सेम विद पंचायत आपका इंट्रोडक्शन सिंपल आपका सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट सिंपल आपको आर्टिकल्स याद होना चाहिए ठीक है एक जगह आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया एक जगह आप स्टैट्स लिख रहे हो स्टैट्स में यू कैन राइट एनी थिंग लाइक स्टैट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि कितने परसेंट पंचायत में uh, कुछ प्रॉब्लम है या कितने परसेंट पंचायत आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली या फिर किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है Uh, तो ऐसा थोड़ा बहुत स्टार्ट्स किसी चीज़ का फिर आप वही um, क्या एडवांटेजेस हैं इनके uh, जो भी आपकी डिसेंट्रलाइजेशन टेकिंग गवर्नेंस टू ग्रास रूट्स वो आपके पाँच छः जितने भी चार पाँच पॉइंट्स हैं एंड वॉट आर द इशूस फेस्ड बाय पंचायत वो आप लिखोगे फिर आप वे हेड लिखोगे अब uh, वे हेड में फिर आप वही इफ़ यू आर फाइंडिंग सम बेस्ट एग्ज़ाम्पल या गुड एग्ज़ाम्पल फ्रॉम समवेयर वो आप लिखिए लाइक uh, like, किसी किसी जगह आपको अच्छा कुछ एग्जाम्पल मिल रहा है और या किसी या फिर किसी कमेटी की रिकमेंडेशन आपको मिल रही है uh, तो वो आप लिखिए एंड कंक्लूड इट विद सम समूटेबल थिंग अच्छा uh, कुछ अच्छा कंक्लूजन मिल रहा है तो उसे ऑलरेडी अपने नोट्स में डाल लेना अगर नहीं मिलता है तो लास्ट में जस्ट कंक्लूड इट विद सम जनरल लाइन भी इट्स इट्स फ़ाइन जहाँ तक हो सकता है उतना करने की कोशिश करो जहाँ पर नहीं हो रहा तो भी इट्स फ़ाइन तो ऐसे यू प्रिपेयर नोट्स हर चीज़ के जी एस थ्री के भी Uh, जो भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में तो वही एक दो पेज के नोट्स यू यू डिवाइड अंडर हैडिंग्स एंड देन फाइंड कंटेंट एंड राइट अंडर इट ठीक है तो जी एस टू जी एस थ्री ऐसे जी एस वन के भी इनफैक्ट ऐसे हो जाएंगे जी एस वन के तो आपका सोसाइटी uh, पे अच्छे से ध्यान देना और uh, जोग्राफी का तो आपकी बुक्स हैं uh, उसके बाद जोग्राफी का आप थोड़ा एनालाइज़ कर लेना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस अकॉर्डिंग यू मेक नोट्स एंड बाकी हिस्ट्री में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का सो uh, so ये हो जाएगा एथिक्स uh, में अगेन नोट मेकिंग के लिए वही डेफिनेशन एग्जाम्पल्स कोई आप आपको ये आना चाहिए कि इफ यू आर आस्ड सम क्वेश्चन अबाउट जैसी कई चीज़ें होती हैं जो आपको वैल्यू एडिड मटीरियल हो गया या फिर uh, कोई बुक हो गई उससे भी पढ़नी होती है तो एक कोई सोर्स रख लेना एज आई सेड मैंने विजन आई एस वैल्यू एडेड मटेरियल रेफर किया था क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट तो इसमें एक नोलन कमेटी करके होता है विच एवरी वन कोर्ट्स तो आपको ये चीज़ इन्हीं से पता चलेगी ये चीज़ आपको नेट पर सर्च करके या खुद से पता नहीं चलेगी तो ऐसी कुछ चीज़ों में ये चीज़ें काम भी आ जाती हैं तो उन चीज़ों को लिखते जाओ और बाकी आप टॉपर्स कॉपीज एनालाइज करके जस्ट सी कि जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है करप्शन uh, पे या uh, इंटीग्रिटी पे तो समथिंग तो लोग उसमें बॉडी कैसे फॉर्म करते हैं ठीक है मुझे बहुत टाइम लगा था ये लर्न करने में कि हाउ टू लाइक राइट इन बॉडी क्योंकि वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता था मेरे लिए तो जस्ट ट्राई टू लर्न एंड इनकलकेट उससे uh, uh, कि जैसे इंटीग्रिटी है तो आप उसमें क्या क्या लिख सकते हैं आप अगर पाँच पॉइंट्स लिख रहे हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं हर पॉइंट पर ठीक है तो वो एक्सरसाइज करना एग्जाम्पल्स और कोर्ट्स इंपॉर्टेंट है पहले से याद करके जाना आ, क्योंकि तभी रेप्लीकेट कर पाओगे एथिक्स का पेपर लेंदी आता है आ, और इस साल तो और सालों से भी ज़्यादा लेंदी आया था तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एथिक्स का पेपर कंप्लीट करें एंड उसके लिए आपको जो अपनी परफॉर्मेंस रेप्लीकेट करनी है एग्जाम में तो उसके लिए आपको अपने उस टाइम पे आपको टाइम नहीं मिलेगा सोचने का कि आप क्या एग्जांपल लिखूँ इसमें बहुत बार होता है कि यू यू नो थिंग्स बट आप लिख नहीं पाते हो एट द पॉइंट तो वो रिवीजन से ही और थोड़ा अपने जब नोट्स बनाओ तो ही थोड़ा पार्टीशन करके बनाना कि ये चीज़ आई आयल राइट ईयर ये चीज़ आई आयल राइट ईयर क्योंकि फिर वो वैसे ही स्ट्राइक करेगा एग्ज़ाम हॉल में एंड तो डू दिस फॉर एथिक्स ऐसे आप पर्सनैलिटी मैपिंग भी कर सकते हो कुछ पाँच छः पर्सनैलिटीज़ की और uh, तो आप ये करें एथिक्स में और एथिक्स में थोड़ा अच्छे से आंसर्स प्रैक्टिस करो और अब आंसर राइटिंग की मेंस स्पेसिफिक करें नोट्स का पार्ट हो गया uh, uh, बाकी आंसर राइटिंग की बात करें मेंस में तो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट डू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेन्स के लिए उसके अलावा एक टेस्ट सीरीज तो एटलीस्ट लेने नहीं चाहिए Uh, एक नहीं तो uh, एक तो एटलीस्ट ले लेनी चाहिए टेस्ट सीरीज़ तो वॉट आई डिड वॉस मैंने ऑल uh, इंडिया टेस्ट सीरीज़ ली थी यहाँ से uh, उसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करती थी uh, अब आंसर uh, जो आंसर राइटिंग है वो कब स्टार्ट करनी चाहिए ये भी बहुत क्वेश्चन होता है बच्चों का तो मैं अपना बता सकती हूँ बस सो वट आई डिड वॉस मैंने अपना जब एक बार बेसिक सिलेबस कम्प्लीट करा था मैंने स्टार्टिंग से नहीं करी थी आई आई ट्राई टू फर्स्ट कम्प्लीट माई बेसिक सिलेबस एंड प्री से पहले जब मेरा एक बार बेसिक हो गया था सारी चीज़ें एक बार कंप्लीट तो उसके बाद एक आपको या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू टेक या फिर सिक्योर इनिशिएटिव था होता है इन साइट्स का होता है सिक्योर इनिशिएटिव तो उसमें आप यू कैन सी टू दैट और और भी जगह आपको मिल जाते हैं जो भी आपको सही लगे तो वट आई यूज़ टू डू मैंने कोशिश की थी दो आई वॉज़ नॉट वेरी लाइक पंचुअल इट तो वट आई डिड वॉज मैंने एक डेढ़ महीने के प्री से पहले प्री से बहुत पहले अराउंड नवंबर दिसंबर आई एट दिस नवंबर दिसंबर आई डेट दिस एक डेढ़ दो महीने जितना भी था आई ट्राई टू डू टू क्वेश्चन डेली तो या तो प्रीवियस के क्वेश्चन या फिर टॉपर्स की कॉपीज का क्वेश्चन उधर से ही ले लिया रेप्लीकेट कर दिया उनका आंसर uh, या फिर आप सिक्योर इनिशिएटिव है या फिर कोई और ऐसा इनिशिएटिव है किसी और का uh, तो मैंने ये कोशिश की थी दो आई वाज नॉट वेरी पंचुअल एंड रेगुलर इन इट बट नाउ व्हेन आई लुक इन रेट्रोस्पेक्शन तो आई रियलाइज दैट वो एक्सरसाइज भी कुछ तो काम आई होगी क्योंकि वो जो एक डेढ़ महीने का जो होता है आपका इनिशियल डर होता है कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना तो वो एक डेढ़ महीने का जो पीरियड था उसमें वो डर ओवरकम हुआ था शुरुआत में आप बहुत लंबे लिखते हो आंसर्स टाइम लिमिट में नहीं होते तो उस टाइम उस टाइम इतना रियलाइज़ नहीं होता बट जब नाउ वन आई लुक बैक तो आई फील कि इट मस्ट बीन यूज़फुल तो मैंने ये किया था प्री से पहले सिर्फ एक डेढ़ महीने के दो दो क्वेश्चन उसके बाद जो मेन आंसर राइटिंग थी और वो जो आंसर्स थे पहले वाले वो इतने अच्छे भी नहीं थे तो उनमें कोई इतने मार्क्स भी नहीं देगा बट जो मेन आंसर राइटिंग है वो आई डिड आफ्टर प्रिलम्स तो उसमें जो प्री और मेन्स का बीच का पीरियड है उसमें आई डिड मेन आंसर राइटिंग इसमें अगेन वीक uh, में सेवन डेज होते हैं तो आई ट्राई टू डू फोर फाइव डेज मैं रोज़ आधा फॉर्ट आधा घंटा या फोटी फाइव मिनट्स वही प्रीवियस ईयर से दो तीन क्वेश्चन जो भी टॉपिक आई वॉज स्टडिंग एग्जाम्पल आई एम स्टडिंग इंटरनल सिक्योरिटी तो मैं इंटरनल सिक्योरिटी अगर छः दिन के लिए पढ़ रही हूँ या पाँच दिन के लिए पढ़ रही हूँ जितने भी दिन के तो पाँच दिन में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो दो तीन हर रोज कर रही हूँ uh, तो एक तो ये और फिर uh, जो मॉक टेस्ट आई हैड तो वो मॉक टेस्ट आई यूज़ टू अपीयर फॉर अब कई बार मॉक टेस्ट के शेड्यूल से आपका शेड्यूल मैच नहीं करता है या पीछे छूट जाते हैं तो बट काफ़ी अब तो मतलब सुविधा है कि आप बाद में भी दे सकते हो तो ठीक है आप बाद में दे देना दे अपने शेड्यूल को फॉलो करके बट दे देना दे एंड उसमें भी यू uh, एनालाइज कि आपके किस जगह मार्क्स कट रहे हैं uh, कई लोगों से पेपर कम्प्लीट नहीं हो पाता है कई लोगों से पेपर कंप्लीट हो जाता है बट कंटेंट इंपॉर्ट कंटेंट अच्छा नहीं होता है तो मार्क्स नहीं मिलते हैं तो सबके अलग अलग एरियाज हैं uh, तो वो आप एनालाइज़ करें एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं सजेस्ट करूँगी कि पेपर कंप्लीट करना भी इम्पॉर्टेंट है और पेपर कंप्लीट करना विथ नॉट लाइक आपको हर क्वेश्चन में क्वालिटी हंड्रेड परसेंट चाहिए बट आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में uh, एक क्वालिटी मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में यू ट्राई टू मैंटेन क्वालिटी अब मुझे पर्सनली इशू आता था टाइम मैनेजमेंट वॉज नॉट माई स्ट्रॉगेस्ट सूट सो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी वैन आई फर्स्ट स्टार्टेड वो नवंबर दिसंबर के पीरियड में वैन आई फर्स्ट स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स तो मैं एक टेन मार्क करके लिए आई यूज़ टू टेक फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम तो आप क्या करेंगे आप ये स्टिक करिए कि आपकी जो जनरली आंसर्स होते हैं होगा ठीक है जनरली आपके जो आंसर्स होते हैं उसका फॉर्मेट होगा इंट्रो फिर आपकी बॉडी और फिर कंक्लूजन ठीक है तो आपके पास जैसा मैंने आपको कंटेंट जब नोट्स बनाने के लिए बोला था आप एक दो पेजेस का कंटेंट बनाया हर कीवर्ड के लिए तो क्यों क्योंकि आपको जो मेन पेपर है उसमें आपको या तो आंसर्स लिखने हैं दो पेज के फॉर टेन मार्कर्स या तीन पेज के फॉर फिफ्टीन मार्कर्स और उन एक दो पेज में इतना कंटेंट हो जाता है कि जब आप पेपर में लिखोगे तो दो या तीन पेज का आंसर तो लिख ही दोगे तो डोंट गो बियॉन्ड दैट अल्टीमेटली आपको वो दो या तीन पेजेस में ही अपना कंटेंट को डालना है तो इट विल बी सफिशेंट तो इंट्रो आप जनरली आप कितने लाइंस का लिख सकते हो आप तीन से तीन से क्या हो गया अच्छा हाँ तो तीन से चार लाइंस का आप इंट्रो लिखें जब भी डोंट गो बियॉन्ड दिस दो लाइन में हो रहा है तो भी ठीक है ऐसा नहीं है अब तीन में ही करना है दो में भी हो रहा है तो बट चार से ऊपर मत जाना ना आपके पास स्पेस है ना टाइम है ठीक है कंक्लूजन भी सेम uh, मैं तो uh, मैं तो जनरली मैंने बताया टाइम मेरा इतना अच्छा नहीं था तो कंक्लूजन लिखते लिखते तो ना तो मेरे पास ज़्यादा स्पेस बचती थी ना ज़्यादा टाइम बचता था तो मैं तो जनरली दो से तीन लाइन का ही लिखती थी इससे ज़्यादा मैं लिखती भी नहीं थी कभी कभी तो मैं एक लाइन का भी लिख देती थी अगर बहुत ही कम हो रहा है तो बट आपको लिखना है तो फिर से वही इसमें भी आप ज़्यादा तीन से चार चार से ज़्यादा तो जाना ही मत ठीक है आ, बाकी आप जितना भी देख सकते हैं बाकी मेन रही बॉडी तो अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आप बॉडी डिवाइड कर लो uh, तो कोई क्वेश्चन है आपका तो उसमें जो जो चीज़ें पूछी हैं अगर कॉज पूछा है तो पहला आपका कॉज़ हो जाएगा फिर उसके बाद अगर इफेक्ट पूछा है तो पहला आप फिर आपका इफेक्ट हो जाएगा और बाद में अगर आपसे कुछ वे हेड पूछा है सॉल्यूशन पूछा है तो ये हो जाएगा तो आप बॉडी को इससे डिवाइड कर लीजिए अब जितने भी सब पार्ट्स बन रहे हैं तो अपनी स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग आप उनमें अपने सब वो डालिए कॉज में कॉज में जैसे जितना भी आपके पास टाइम और स्पेस है अगर आ, आ, तीन या तीन पॉइंट्स लिख दिए या चार पॉइंट्स लिख दिए मतलब तो वो तो डिपेंड करेगा अगर आ, दो सब पार्ट हैं तो हर सब पार्ट में पाँच पाँच पॉइंट्स भी लिख सकते हैं तीन सब पार्ट हैं तो वही हर सब पार्ट में तीन तीन पॉइंट लिखो तो वो डिपेंड करेगा Uh, बाकी जो मेन चीज़ आपको याद रखना है मेंस में जो आंसर्स होते हैं अब uh, एक्जैक्टली exactly तो कोई भी नहीं बता सकता किस चीज़ के नंबर मिलते हैं किसके नहीं मिलते बट व्हाट आई फील इज़ आपको जो मेंस में आंसर होते हैं ट्राई टू गिव डाइवर्स पर्सपेक्टिव इट इज़ जनरली अप्रिशिएटेड आप uh, कि एक ही चीज़ के डाइवर्स पर्सपेक्टिव दे सकें uh, तो उसके लिए बहुत लोग अप्रोचेज़ यूज़ करते हैं पेस्टल अप्रोच यूज़ करते हैं कुछ लोग uh, या फिर कुछ और भी आप uh, यूज़ कर सकते हैं तो वही कॉज पूछा है तो सोशल इकोनॉमिक सोशल कॉज इकोनॉमिक कॉज थोड़ा पॉलिटिकल कॉज कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड uh, कुछ एजुकेशन रिलेटेड कुछ uh, कुछ भी वुमेन uh, रिलेटेड कुछ भी तो ट्राई टू गिव डाइवर्स परस्पेक्टिव एंड कंटेंट में एक तो आपका डाइवर्स परस्पेक्टिव आपके मार्क्स में थोड़ा आपको हेल्प कर सकता है सेकेंड पार्ट जो है विच इज़ क्वालिटी ऑफ कंटेंट एज़ आई मैंशन तो उसमें आपके स्टैट्स काम आएंगे स्टैटिस्टिक्स विच यू आर कलेक्टिंग आपके एग्जाम्पल्स काम आएंगे आपके uh, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो काम आएंगी, कहीं कुछ मॉडल है जो अच्छा डिलीवर कर रहा है तो आप वो लेके पे कमेटीज़ के नेम्स काम आएंगे तो दिस इज़ हाउ यू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट तो ये बाकी बाकी फिगर्स होती हैं सम पीपल यूज फिगर्स चार्ट्स डायग्राम्स तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज जहाँ पे भी आपको लगे देखो देखो अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर कि हु एवर इज़ चेकिंग योर पेपर ना उसके लिए आप अपना काम उसका काम ईजी करो ठीक है आप मतलब ही मस्ट भी चेकिंग अ लॉट ऑफ पेपर इन अ डे तो आपकी जब वो शीट चेक करे तो मतलब उसका काम ईजी हो तो ठीक है अगर आप कुछ फै फिगर्स बना रहे हैं या फिर कुछ डेटा चार्ट कुछ बना रहे हैं तो इट विल ओनली एड नॉट सब्ट्रैक्ट टू योर प्रिप्रेशन तो कुछ मैप्स यू कैन मेक इफ़ देर इज़ पॉसिबिलिटी Uh, आप डेटा शो करने के लिए भी सम लोग सम पीपल मेक पाई चार्ट जैसे आपको कुछ भी दिखाना है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन दिखाना है आपको पार्लियामेंट में तो यू जस्ट डू लाइक दैट कि 15 परसेंट रिप्रेजेंटेशन है तो ठीक है ये थोड़ा इंटरक्टिव हो जाता है वे ठीक है तो डेटा शो करने के लिए भी यू कैन यूज़ पाई चार्ट्स और बायोग्राफ्स और समथिंग लाइक दैट तो यू कैन ऐड टू दैट एंड उससे आपका गेन ही होगा तो दिस इज़ अबाउट आंसर राइटिंग बाकी टाइम मैनेजमेंट में अगर आपका टेन मार्कर है तो उसे आप कोशिश करें कि सेवन मिनट्स में कंप्लीट करने के लिए और फिफ्टीन है तो नाइन टू टेन मिनट्स टेन मिनट्स मैक्स ठीक है तो मैं तो यही कोशिश करती थी एंड एक टाइम टाइमर या स्टॉप ले लो ठीक है जब घर में प्रैक्टिस करो ना वो दो तीन क्वेश्चंस की डेली प्रीवियस क्वेश्चंस है ऐसे ही कहीं और से तो टाइमर या स्टॉपवॉच के साथ करो एंड uh, ये आप uh, स्टिक करने की कोशिश करो बाकी एक ब्रॉड टाइमलाइन अपने दिमाग में रखो ब्रॉड uh, टाइमलाइन जैसे आपका पेपर है तीन घंटे का ठीक है आप कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन uh, वो डिपेंड करता है बट जैसे आप पहले टेन मार्कर्स अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप ये टाइमलाइन दिमाग में रखो कि आपका जो फर्स्ट हाफ आर है उसमें यू मस्ट डन एटलीस्ट फोर टेन मार्कर्स या फोर से थोड़ा सा ज़्यादा तो ऐसे एक ब्रॉड टाइमलाइन भी दिमाग में होनी चाहिए तो मैं ये करती थी क्योंकि फोर अगर आप सेवन मिनट ईच दे रहे हो टेन एक टेन मारकर तो सेवन फोर जो ट्वेंटी एट ठीक है तो एक ये अगर आप मगर उस आधे घंटे में फ़र्स्ट हाफ़ आवर में अगर आप चार की जगह सिर्फ तीन कर पाए हो ना तो अपने आप को समझाओ कि यू आर बैक ऑन शेड्यूल अब जो नेक्स्ट हाफ आवर आएगा उसमें आपको चार नहीं पाँच करने हैं ठीक है वरना लास्ट में जाके पेपर छूटेगा तो एक ब्रॉड टाइम एक शॉर्ट तो रखो एक ब्रॉड भी रखो वही कि आधे घंटे में इतना हो जाना चाहिए एक घंटे में इतना हो जाना चाहिए तो दिस थिंग कीप कीप ऑन इन योर माइंड एक ब्रॉड टाइम लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है uh, उसके अलावा पेपर अटैम्प्ट करना मेन्स का वट आई यूज टू डू मेरे ख्याल से मैं क्या करती थी बीस क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट टेन टेन मार्कर्स होते हैं लास्ट टेन ट्वेंटी कितने फिफ्टीन मार्कर्स होते हैं ना हाँ तो वट आई यूज़ टू डू अब देखो किसी को नहीं पता यहाँ पे कैसे पेपर चेक होते हैं वी ऑल हैव आर एजेंशन एंड वी फॉलो देम ठीक है तो मैं शुरू के जो वन टू फोर क्वेश्चंस होते हैं ना टेन मार्कर्स उन्हें पहले कर लेती थी पेपर खोलते ही मैं ये करती थी तो मैं पहले आधे घंटे में ये चार करती थी उसके बाद मैं जाती थी अपने फिफ्टीन मार्कर्स पे बस अब मैंने छः छोड़ दिए जो भी सिक्स फाइव टू टेन क्वेश्चन हैं वो छः क्वेश्चन आई यूज टू लीव देम अब मैं पीछे चली जाती थी अब मैं करती थी अपने तीन क्वेश्चन एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी क्वेश्चन अब मैं ये करती थी नेक्स्ट आधे घंटे में तो ये क्योंकि 15 मार्कर से 10 10 10 इंच लगता था तो वही 30 घंटे 30 मिनट में हो जाते थे तो अब मैं ये करती थी इसके आ, मैं एटीन नाइनटीन ट्वेंटी इसलिए करती थी पहले क्योंकि कई लोग कहते हैं पीछे से चेक होता है कोई कहता है आगे से चेक होता है फिर तो ठीक तो है दोनों कर लेती थी पहले आगे के लिख लिए चार फिर उसके बाद पीछे के तीन लिख लिए अब फिर मैं आ जाती थी अब एक घंटे में मुझे इतना करना है मैंने ये ये दिमाग में मैं रखती थी एक घंटे में इतना करना है अब थोड़ा आगे पीछे कर लो इनमें सात की जगह किसी में आठ लग रहे हैं तो फिर दूसरे में छः ही लगाना है ठीक है तो वो आगे मैं एक घंटे में इतना करने की कोशिश करती थी उसके बाद फिर मैं आ जाती थी वही अब मैं सारे क्योंकि फ़िफ्टीन मार्कर्स थोड़े ज़्यादा नंबर के होते हैं तो फिर अब मैं वो इलेवन से सेवनटीन करती थी एलेवन से सेवनटीन करती थी फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर ये करने के बाद फिर मैं पाँच से दस करती थी अब अब ये जो आठ नौ दस वाला जो है वो वो टाइम होता है आपका पेपर छूटना आपको लगता है छूटेगा छूटेगा तो इसमें थोड़ा इजी भी रहता है जब आपको सिर्फ दो दो पेज के लिखने होते हैं ना तो यू ऑल्सो टेन टू तो राइट थोड़ा कम कंटेंट से भी आपका छूटता नहीं है इतना तो दिस इज़ वॉट आई यूज़ टू डू अगर किसी को अच्छा लगे तो यू कैन ट्राई इट बट ये सीधा जाके एग्ज़ाम हॉल में मैं ट्राई करना अभी पहले ट्राई कर लेना यू यू विल ऑल्सो फाइंड आउट कि इफ दिस वर्कस फॉर यू इफ़ दिस डज़ नॉट चेंज यू स्ट्रैटेजी ट्राई समथिंग एल्स इफ़ दैट वर्क फॉर यू रेप्लीकेटेड तो एक्सपेरिमेंट करने का टाइम ये है एग्ज़ाम हॉल इज़ नॉट द टाइम टू एक्सपेरिमेंट अभी करो जो वहाँ यहाँ wahan करता है वो वहाँ करेगा ठीक है तो ब्रॉड टाइम लाइन रख के I used to do. And uh, फिर भी uh, last में uh, मेरा टाइम मैनेजमेंट हमेशा से थोड़ा गड़बड़ था तो लास्ट में आके जब लोग लास्ट के दो तीन questions बचते थे तो टाइम थोड़ा कम हो जाता था तो uh, लास्ट के जब दो क्वेश्चन बचते थे तो हमेशा मेरे हर पेपर में इनफैक्ट मेरा लास्ट का कम से कम एक क्वेश्चन uh, का जो कंटेंट है इट हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज्ड लाइक बहुत कम कंटेंट छोड़ा नहीं है छोड़ा मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं है सारे पेपर्स में सब कुछ लिखा है पर जो लास्ट का एक क्वेश्चन होता था उसका कंटेंट मतलब बहुत जल्दी जल्दी में बस लिख दिया तो उसमें वॉट आई यूज टू डू मैं इंट्रो लिख देती थी बॉडी इंट्रो तो प्रॉपर लिख देती थी वही तीन चार लाइन का बॉडी थोड़ी स्क्वीज़ करती थी थोड़ा कम लिखती थी बॉडी में मतलब तो टाइम होता तो और अच्छे से लिख देती तो थोड़ा टाइम नहीं है तो थोड़ा कम करके लिख देती थी थोड़ा एक फिगर बना देती थी अगर आ, याद आता था या फिर बन सकता था तो कि स्पेस भी कवर कर लेता था वो फ़िगर और ऐसा भी नहीं लगता था कुछ छूट गया तो वो स्पेस भी अच्छा कवर कर लेता था और फिर लास्ट में कंक्लूड बस तो ऐसा अगर टाइम का किसी को इशू आ रहा है तो लास्ट का एक दो क्वेश्चन इफ़ यू इवन राइट थोड़ा जल्दी जल्दी तो इट्स फाइन बट डोंट लीव आउट एनी

तो ऑप्शनल के लिए मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था कई लोगों को ये छोटा ऑप्शनल लगता है बट मुझे नहीं लगा था पर्सनली आई टुक लॉट ऑफ टाइम इन इट एंड आई प्रिपेयर फ्रॉ ऑप्शनल मेरी स्ट्रैटी अगेन देयर आर वेरी गुड वीडियोज़ ऑफ अक्षर सर ऑप्शनल की एंड धुरी शेट्टी सर का ब्लॉग भी है इट्स अगेन वेरी गुड तो आई प्रिपेयर माई स्ट्रेटी फ्रॉम देयर आई टुक माई लिस्ट फ्रॉम देयर एंड मैंने बेसिक बुक्स को रेफ़र करा ऑप्शनल के लिए जो भी होती हैं आपके पेपर वन के लिए पेपर वन के लिए एक तो वैद सर की एक बुक है इन सर्च ऑफ आरसेल्स शायद वो नेम है सोशो कल्चरल के लिए बाकी फिजिकल के लिए आई रेफर्ड पी नाथ उसके अलावा आर्कोलॉजिकल की आर्कोलॉजी के लिए डी के भट्टाचार्य सर की बुक है एक आ, वो एंड एक वीडियोज़ भी हैं उनकी वो आई रेफर्ड एंड पेपर टू के लिए आई रेफर्ड नदीम हसन सर की दो बुक्स हैं एक तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एक ट्राइबल इंडिया बोथ ऑफ दैम आई रिफर बट अन एम्बर एंड एम्बर एम्बर एंड एम्बर भी बहुत अच्छी बुक है बहुत ही मुझे मैंने तो इसे बहुत रिफ़र किया है आई लोग ओनली रीड इट कैजुअली आई हैव इट विद रिस्पेक्ट टू यू पी एस सी ऑल्सो अब जो ये बुक्स के मैंने नाम लिए ऑप्शनल के लिए यू डोंट हैव टू रीड दैम कवर टू कवर ऑफकोर्स कवर टू कवर आपको नहीं पढ़ना है बाकी दो बुक्स और हैं जो आई रिफर्ड विच इज़ फर्स्ट वन इज़ डॉक्टर विवेक भास शायद नाम है उनका एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड आई गेस हाँ तो दैट एंड अक्षर जन सर की जो बुक है दैट आई ऑल्सो यूज़ टू रिफर टू फिल इन द ब्लैंक्स जो जो मुझे कंटेंट अपने बेसिक बुक्स में नहीं मिल रहा है उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आई यूज़ टू जस्ट पिक इट फ्रॉम दिस तो आई डिड दैट आई मेड माई ओन ऑप्शनल नोट्स मेरे अच्छे खास से चार रजिस्टर के नोट्स हैं ऑप्शनल के एंड वही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाया एंथ्रोपोलॉजी में जनरली यही सजेस्ट किया जाता है कि यू मेक नोट्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट तो एंथ्रोपोलॉजी में भी सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टिक टू सिलेबस एंड पी वाई ऑप्शनल में एटलीस्ट uh, हमारे ऑप्शनल में तो जी uh, एस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पी को एनालाइज़ करना क्योंकि ऑप्शनल में पी काफ़ी थीम्स रिपीट होती हैं या कोश्चन्स एग्जैक्ट रिपीट होते हैं uh, तो आप वही थीम वाइज़ या टॉपिक वाइज पी वाई क्यूज़ का कुछ कंपाइलेशन बना लीजिए मेरे पास मैंने भी उठाया था कहीं से श्रेयांश कुमत सर का ब्लॉग है वर्ल्ड प्रेस पे आई गेस उधर उन्होंने ऑलरेडी कंपाइलेशन डाल रखा है पी वाई की उसका सब्जेक्ट वाइज तो आई जस्ट है जस्पिक फ्राम दियर एंड आई अपडेटेड इट अप टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन उनका टू थाउजेंड सेवेंटीन या एटीन तक था उनके बैच के अकॉर्डिंग तो दिस इज़ वट आई डिड एंड मैंने बेसिक बुक्स को पढ़ा उधर से नोट्स बनाए एंड जहाँ भी आपको कंटेंट या क्वालिटी ऑफ कंटेंट लैकिंग लगे वहाँ यू कैन ऑलवेज़ सर्च ऑन द गूगल एंड आपको इग्नू या फिर ई uh, पाठशाला के बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे uh, उधर से वैल्यू एडिशन करिए अब जब आप एक ही चीज़ को डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ रहे हैं ना तो ये मत करना कि आप पी नाथ से भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं आप एंथ्रोपोलॉजी जो सिम्प्लीफाइड है उससे भी वही पढ़ रहे हैं और अक्षर जनसर की बुक से वही चीज़ पढ़ रहे हैं इग्नू से भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं ये चीज़ मत करो इंस्टिल व्हाट यू डू इज़ आप जो ये डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ रहे हैं ना यूज़ देम फॉर वैल्यू एडिशन आपने बेसिक कंटेंट एक जगह से ले लिया बट इसके बाद आप जो इग्नू के मटेरियल से पढ़ रहे हैं उधर आप बेसिक कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं उधर यू आर फाइंडिंग समथिंग यूनिक कुछ आपको न्यू पर्सपेक्टिव मिल गया जो आपको कहीं और नहीं मिला अभी तक यू राइट दैट या आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स मिल गए या आपको कुछ अच्छी केस स्टडीज मिल गई ठीक है तो यू राइट दैट बाकी केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एंथ्रोपोलॉजी सो वॉट यू डू इज ऑलरेडी जो मार्केट में कंटेंट है ना उसमें जो केस स्टडीज़ है एग्जाम्पल्स हैं एवरीबडी इज़ राइटिंग दैम देर इज़ नथिंग न्यू लेफ़्ट ठीक है तो अगर आप भी वही लिख रहे हैं आपके आगे वाला भी वही लिख रहा है पीछे वाला भी लिख रहा है तो मतलब कुछ यूनिक नहीं है आपकी कॉपी में तो वॉट यू डू इज़ आप अपनी केस स्टडीज़ एंड एग्ज़ाम्पल्स चेंज करिए फाइंड योर ओन केस स्टडीज़ एंड एग्जाम्पल्स यही चीज़ मैंने भी की थी सर्च ऑन गूगल आपको Uh, आपको जनरल आर्टिकल्स आएंगे या कुछ जर्नल्स या रिसर्च पेपर्स भी आएंगे अगेन डोंट रीड द हम कम्प्लीटली लर्न टू स्कैन क्विकली थ्रू डॉक्यूमेंट्स आप जल्दी जल्दी रीड करना कुछ काम की चीज़ उठा ली वो करें बाकी साइट्स हैं डाउन टू अर्थ साइट हैं इवन आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं उधर आपके बहुत कभी कभी अच्छे एग्जांपल्स आते हैं कि किसी ट्राइब का एग्जांपल अच्छा आ गया कि इस जगह इस स्टेट में इस ट्राइब का ये हुआ है फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर एक ट्राइब का एग्ज़ाम्पल आई टुक फ्रॉम न्यूज़ पेपर कि राजस्थान में एक एस एच जी ग्रुप है भील वुमेन का एंड दे वर्क टूवर्ड्स सेफ गार्डिंग नेचुरल नेचुरल जो नेचुरली प्लांट्स उगते हैं उस रीजन में उनकी सीड सीड्स एंड दे प्रिजर्व दैम एंड दे प्रोवाइडेड टू लोकल फार्मर्स तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्राइबल वुमेन का एम्पावरमेंट ठीक है तो यू कैन यूज सच एग्जाम्पल्स इन योर आंसर्स तो आप ओवर द ईयर अपने न्यूज़पेपर से या अलग अलग सोर्सेज से ट्राई टू तो फाइंड न्यू केस स्टडीज़ जो कोई और नहीं लिख रहा है इट विल गिव यू सम समच एंड थिंकर्स का बहुत तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है uh, हो सके तो अपने मैक्सिमम आंसर्स में कोई ना कोई थिंकर मैंशन करें uh, आपके सिलेबस में बहुत सारे थिंकर्स हैं यू कैन राइट दैम इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं यू कैन राइट दैम और इवन आउटसाइड से अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है कोई थिंकर का नाम तो राइट दैम ठीक है बुक्स के नाम अगर हो पा रहे हैं तो याद करें बुक्स के नाम जो भी कि दिस पर्टिकुलर थिंग सेड इन दिस बुक अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात है नहीं हो पा रहा है तो भी ठीक है आई पर्सनली ट्राई टू रिमेम्बर जितना मुझसे हो पाया आई डिलीवर्ड जितना नहीं हो पाया तो इट्स फाइन ठीक है एंड इंटरलिंकिंग इज़ अनदर थिंग इंपॉर्टेंट थिंग इन एंथ्रोपोलॉजी ट्राई टू इंटरलिंक पेपर वन में जितने टॉपिक्स हैं उन्हें भी एक दूसरे से एंड अक्रॉस पेपर वन एंड पेपर टू भी सो ट्राई इंटर लिंकिंग दैट एंड ये इंटरलिंकिंग आपकी तभी हो पाएगी uh, जब वंस यू आर डन विद द सिलेबस तो जब आप एक बार सिलेबस दे देंगे दे दे, कर लेंगे तो उसके बाद विल बी मोर कंफर्टेबल आप आर्किलॉजी को पैलेंटोलॉजी को लिंक कर पाएंगे अगर आप करना चाहेंगे तो आई जस्ट गिव यू स्मॉल एग्जांपल कि कैसे कर सकते हैं आर्किलॉजिक और पैलेंटोलॉजी को लिंक आपके जो पेलेंटोलॉजी uh, में आपके जो भी होमो की स्पीशीज़ uh, जो भी हैं Uh, वो किसी ना किसी आर्कोलॉजी में पीरियड से हैं जैसे नीडरथल्स हैं uh, तो दे आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पीरियड इन आर्कोलॉजी अपर पेलीथिक मिजोलिथिक न्यूलिथिक जो भी हैं तो ट्राई इंटरलिंकिंग दें ठीक है uh, आप इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जो भी लाइन्स हैं उन्हें आप अपने पेपर वन में डाल सकते हैं ऐसे ही आप जो आपकी यूनिट सिक्स है पेपर वन में उसके थिंकर्स को आप पेपर टू में डाल सकते हैं ठीक है और केस स्टडीज़ कलेक्ट करते वक्त व्हाट यू डू इज़ ट्राई टू कलेक्ट केस स्टडीज़ जो आपकी एक केस स्टडी बहुत जगह यूज हो सकती है वॉट uh, जैसे uh, मेरा थोड़ा कोविड का टाइम में प्रिपरेशन थी uh, तो कोविड का मतलब ईयर था वो तो वैन आई कलेक्टेड ट्राइबल केस स्टडीज़ ना पेपर टू में यू कलेक्ट अ लॉट ऑफ ट्राइबल केस स्टडीज़ रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन एंड एवरी थिंग सो वैन आई कलेक्टेड ट्राइबल केस स्टडीज तो आई कलेक्टेड केस स्टडीज़ रिलेटेड टू कोविड कि जिसमें कोविड जैसे हाउ कोविड इम्पैक्टेड ट्राइबल एजुकेशन हाउ कोविड इम्पैक्टेड ट्राइबल हेल्थ हाउ कोविड इम्पेक्टेड ट्राइबल फैमिली रिलेशन्स या किनशिप रिलेशन्स तो ये केस स्टडीज़ कॉमन हो गई एक तो कोविड रिलेटेड भी हो गई और अगर इन जनरल भी क्वेश्चन आता है हेल्थ या एजुकेशन पे तो भी हो गई तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि एक क्वेश्चन भी आया था शायद पेपर टू में कोविड ने कैसे इम्पैक्ट करा ट्राइब्स को या फिर मतलब या तो पेपर में आया था या फिर आई हैव सीन इट समवेयर एल्स तो वो मेरी जो भी के स्टडीज़ मैंने इस रिस्पेक्ट से कलेक्ट करी थी वो इधर भी काम आ गई तो ऐसी केस स्टडीज़ कलेक्ट करें कि जो आपकी मल्टीपल जगह काम आ जाए कुछ डिग्री तक आपका मेमोराइजेशन का टास्क कम होगा बाकी मेमोराइजेशन तो काफ़ी करना पड़ेगा एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ेगी एंड थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ो सब्जेक्ट को अच्छा सब्जेक्ट है अगर किसी का इंटरेस्ट है तो uh, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता था uh, थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ो कुछ uh, थोड़े क्यूरियस रहो यूट्यूब uh, है uh, और जगह हैं तो वहाँ से यू कैन सर्च एंड सी डॉक्यूमेंट्रीज़ आपके थिंकर्स हैं तो थिंकर्स पे मार्गरेट मीट की डॉक्यूमेंट्री होगी या मेलनास्की की डॉक्यूमेंट्री होगी दे आर वेरी इंटरेस्टिंग इफ समन इज़ इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट या फिर जनरल यू सी डॉक्यूमेंट्रीज ऑन इन इंटरथल्स या आर्कोलॉजी पे यू सी सम डॉक्यूमेंट्रीज तो होगा हो ये कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपको मैंडेटरी भी नहीं है ये चीज़ और बहुत ज़रूरी भी नहीं है बट होगा ये कि यू फील कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट आपको एक हाइंड साइट में एक बेनिफिट मिलेगा आ, कि आप जो एसेंस सब्जेक्ट ही उसे अच्छे से एम्बाइब कर पाओगे और हो सकता है कि आपके पेपर हॉल में कुछ अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख पाओ कुछ अच्छा ठीक है बहुत मैंडेटरी एक्सरसाइज ये नहीं है बट इफ़ समन हैज टाइम फ्री टाइम में देख लो तो देख सकते हो एंड इट विल हेल्प यू बाकी पेपर अटैम्प्ट करना तो एंथ्रोपोलॉजी का जनरली कहते हैं पेपर वन में फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं तो अटैम्प्टोज बट अब पैटर्न ऐसा हो गया है कि सिर्फ कोई एक तीन क्वेश्चंस फिजिकल से नहीं आते दो फ़िजिकल से हैं तो एक सोशियो से भी आएगा तो अकॉर्डिंगली अटैम्प्ट योर पेपर एंड बाकी आई हैव माय एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स आई हैव अ टेलीग्राम चैनल आई मेड तो मैं अपने एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स उसमें डालूंगी uh, तो यू कैन सी इफ इट्स हेल्पफुल तो दिस इज़ अबाउट एंथ्रोपोलॉजी आई थिंक मीन्स में कुछ बचा नहीं है इफ़ समन वॉन्स टू आस्क मीन्स का कुछ यस कई बार सेल्फ डाउट आता है कि क्या मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ इतना टाइम नहीं देना चाहिए फिर उसके बाद की स्टडी फिर हेंडर होती है कि यार मैंने तो इसी एक टॉपिक कवर करने में इतना टाइम लगा दिया तो मैम वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं ये टॉपिक टाइम लेगा ही मैं लूँ चाहे कोई भी ली ये टॉपिक लेगा <laughs> ही तो सेटिसफेक्शन कैसे हो सकता है सी अब डिपेंड करता है कि आपको किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ये आप पहले पहले आप ये डिसाइड करो कि जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो वो कितना इंपॉर्टेंट है जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है या पोस्ट इंडिपेंडेंस है दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट आप उन्हें एक दो तो दिन में भी कवर करने की कोशिश करो तो इट्स फाइन ज़्यादा है तो आपके पास बहुत टाइम है तो तीन चार ले लो छः दिन ले लो इससे ज़्यादा नहीं अगर नहीं है किसी के पास तो एक दो दिन ही सिर्फ तो टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करेगा लक्ष्मीकांत है इफ़ यू आर टेकिंग थोड़ा ज़्यादा टाइम इट्स फाइन इट्स इट्स गोइंग टू गिव यू रिटर्न्स इकॉनमी की कोई बुक है तो इफ़ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट इट्स फाइन ठीक है तो अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक यू आर कवरिंग एंड उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अपने आप को बोलो कि ठीक है इट विल गिव मी अच्छा रिटर्न बट अगर कोई टॉपिक थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट है एंड इफ़ यू आर स्टिल टेकिंग ज़्यादा टाइम ट्राई टू मिनिमाइज इट उस पर इतना टाइम मत लो उसको पहले ही प्री डिसाइड करके चलो कि इतनी देर में ये चीज़ कवर करनी है प्री डिसाइड करके चलोगे तो आपके पास रहेगा कि अगर आप डिसाइड करके चलोगे कि सिर्फ तीन घंटे देने तो यू ट्राई टू कम्प्लीट इन दैट तो वो टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करेगा और मैम जैसे कई चीज़ें होती हैं जो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ जैसे स्पेक्ट्रम है मैं पहली बार पढ़ रही हूँ तो उसमें लिंकेजेस नहीं बैठ पाते एकदम फैक्चुअल फैक्चुअल लगता है तो पहली बार पढ़ने में कई बार ऐसा होता है कि जब मैं पहली बार मतलब न, वो उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है वो पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन क्योंकि पहले वाले से लिंक नहीं है अब नेक्स्ट वाली चीज़ मतलब पहले याद नहीं थी मुझे तो नेक्स्ट में भी वो नहीं समझ में आ रहा होता है मुझे तो मैम वो चीज़ कैसे कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर सकती हूँ मैं ये चीज़ बहुत ट्रू भी है और बहुत नेचुरल भी है इनफैक्ट uh, किसी को भी नहीं होगा पहली बार में कोई भी लिंकेज भी नहीं कर पाएगा uh, आप भी नहीं कोई भी नहीं कर पाएगा एंड uh, आपको क्या करना है आपको एक थोड़ा सा लिटल अमाउंट अमाउंट ऑफ अपने अंदर फेथ रख के चलना है कि यू स्टडी पहली बार आपने जैसे आप आप कर सकते थे नॉर्मल यू स्टडीड एंड हैव दैट फेथ कि जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू लिंक बेटर जब आप थर्ड टाइम पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू लिंक इवन बेटर तो देखो कुछ चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है कुछ चीज़ का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है रिवीजन मल्टीपल रिवीजन तो जब वो होगा तो यू विल बी एबल टू लिंक बेटर यू विल बी एबल टू लिंक अक्रॉस सब्जेक्ट्स इवन आप अक्रॉस सब्जेक्ट्स भी लिंक कर पाएंगे uh, कुछ क्वेश्चन की डिमांड ऐसी होती है कि uh, वो खाली एक सब्जेक्ट से एड्रेस नहीं होते हैं आपको उसमें किसी और सब्जेक्ट का भी थोड़ा कंटेंट डालना पड़ता है तो वो तभी हो पाएगा जब आपका बेसिक सिलेबस एक बार एटलीस्ट कंप्लीट हो गया एंड नाउ यू आर स्टडिंग अगेन तो यू विल बी एबल टू लिंक बेटर देन तो वेट करो उस चीज़ का टाइम के साथ साथ इट विल इम्प्रूव इस प्रोसेस में यही होता है कि टाइम के साथ साथ यू इम्प्रूव टाइम के साथ साथ यू स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस मैम और जैसे एक घंटा या दो घंटा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं अब ब्रेक की ज़रूरत है तो आप क्या करते थे उसमें तो uh, देखो uh, कई लोग होते हैं जो टारगेट स्पेसिफिक स्टडी करते हैं कई लोग होते हैं जो टाइम स्पेसिफिक करते हैं टारगेट स्पेसिफिक लोग करते हैं कि दे डिसाइड देयर टारगेट्स कि आज मुझे दिन में ये करना है एंड वो जैसे भी करें यह चीज़ एक साथ पढ़ के करें ब्रेक्स ले ले के करें uh, उनके लिए वो वर्क करते हैं कई लोग होते हैं जो टाइम स्पेसिफिक करते हैं कि सुबह तीन घंटे पढ़ेंगे फिर शाम को तीन घंटे पढ़ेंगे दोपहर में दो जैसे भी तो वॉट आई यूज़ टू डू मैं थोड़ा टाइम स्पेसिफिक करती थी क्योंकि मुझे लगता था उससे थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा रहता है मेरे लाइफ में uh, uh, तो जैसे आपने कहा आई यूज़ टू स्टडी थोड़ा आप जब मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से जब आप उठ रहे हो बेसिकली खड़े होके आई वॉज uh, मैं मेरा रूटीन ना तो लेट नाइट था ना अर्ली मॉर्निंग था आई हैड अ वेरी कंफर्टेबल यूजल रूटीन जब सब uh, वही बारह बजे के अराउंड सोना सात साढ़े सात के अराउंड उठना तो कोई बहुत अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है लेट नाइट भी नहीं है सो so, अर्ली जो आप जब भी उठ रहे हो खड़े हो के okay, उसके बाद के जो तीन चार घंटे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी प्रोडक्टिविटी उसमें सबसे ज़्यादा आएगी बिकॉज़ यू हैव जस्ट वो कन अप तो उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करो उसके बाद वैन यू टेक ब्रेक एक डेढ़ दो घंटे का जितना भी उसमें यू हैव योर लंच जो भी आपको खाना है ब्रेकफास्ट जो भी एंड उसके अलावा टू तो रिफ़्रेश योर uh, कुछ देख लो वेब uh, सीरीज़ होती हैं आई यूज़ टू वॉच वेब सीरीज़ बट न्यू नहीं देखती थी नई नहीं, नहीं देखती थी क्योंकि मुझे बिंज वॉचिंग की काफ़ी आदत लग जाती थी तो आई यूज़ टू वॉच ओनली ओल्ड सीरीज़ क्योंकि उससे आपको रिफ़्रेशमेंट भी मिल जाता है एंड आप बिंज वॉच भी नहीं करते हो जैसे कुछ चीज़ आपने पहले देख रखी है तो आई यूज़ टू वॉच ऑफिस हो गया फ्रेंड्स हो गया क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले से देख रखी थी तो अच्छा भी लगता था और बिंज वॉच भी नहीं होता था तो यू कैन डू दिस खाना खाते वक्त या फिर या फिर फैमिली होती है फ्रेंड्स होते हैं उनसे बात कर लो कुछ टाइम उसमें फ़ोन के बिना भी बताओ अच्छा लगता है तो वो चीज़ भी करो तो आई गेस ठीक है एक दो घंटे जो होते हैं वॉक वॉक करो थोड़ा फिज़िकली एक्टिव रहो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने दिन में आधा घंटा चालीस मिनट बीस मिनट दस मिनट जो भी मिल रहे हैं थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी करो किसी को वॉक करने की अगर लग्जरी है किसी के पास है कोई पार्क वार्क तो वहाँ कर लो वरना अपने रूम में योगा कर लो या फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लो थोड़ा मेंटल सैनिटी रहना ज़्यादा अच्छा रहता है फिजिकल तो हेल्थ है ही मेंटली भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है तो डू दैट एंड इट विल हेल्प मैम और एक और था कि जैसे इंजीनियरिंग आपने बताया आपका बैकग्राउंड था तो मैम मेरा भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि अब गैप हो गया है इंजीनियरिंग मैंने की उसके बाद गैप हो गया है तो क्या मतलब इंट्रो इंटरव्यू में वो पूछेंगे और मैं बता पाऊँगी क्या मतलब उसके लिए मुझे अब क्या चार साल की पढ़ाई वापस से एक बार देखना पड़ेगा आ, ये इंटरव्यू वाली चीज़ मैं बाद में अभी इंटरव्यू के साथ बता दूँगी बाकी गैप वाला इफ़ यू आर आस्किंग इंजीनियरिंग में uh, देखो इंजीनियरिंग में कॉर्पोरेट लाइफ में मैनी पीपल जॉइन एंड कॉर्पोरेट में इट इज़ uh, मतलब इट इज़ जनरली सजेस्टेड कि इफ़ यू आर कंटिन्यूसली तो यू आर ग्राफ विल ग्रो अच्छे से बट इवन इफ़ यू आर क्लियरिंग दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट आपको एटलीस्ट दो साल लग जाएंगे आपका एक साल तो पूरा आपका एग्ज़ाम प्रोसेस ही ले लेता है और एक डेढ़ साल आपका खुद का प्रिपरेशन होता है तो दो साल बहुत लंबा टाइम लगता है ऐसे गैप ईयर का अगर देखें तो बट आई सजेस्ट आप वही कि आप अपना पहला या दूसरा अटैम्प्ट जो भी आप वो ऑनेस्टली दे रहे हैं तो विदाउट डिस्ट्रैक्शन दें ठीक है वो एक या दो अटैम्प्ट विदाउट डिस्ट्रैक्शन दें उसके बाद स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ बैकअप और वो बैकअप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा इंजीनियरिंग के लिए इट कैन बी री एंटरिंग इन टू कॉरपोरेट लाइफ डूइंग एन एम बी ए और जॉइनिंग और कोर फील्ड या एनी थिंग ठीक है बट मैंने जो सोचा था वो यही था कि इफ़ आई डोंट क्लियर दिस इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई गिव अदर अटैम्प्ट ऑल्सो बिकॉज मैं इंटरव्यू स्टेज तक आ गई थी तो अगर नहीं होता तो आई वुड हैिवन अनदर अटैम्प्ट बट इन द मीन टाइम आई वुड है अदर ऑप्शन तो आपके बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी होते हैं आर बी आई हो गया ई पी एफ ओ हो गया यू कैन ट्राई योर लक इन दैट Uh, बाकी इफ़ यू वॉन्ट टू रिटर्न टू योर कोर फील्ड तो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो तो ये चीज़ आपको ख़ुद को मनानी पड़ेगी कि हो सकता है आप अपने पीयर्स से दो साल लेट हो जाएं तीन साल लेट हो जाएं बट एटलीस्ट आपको वो रिग्रेट नहीं रहेगा बीस तीस साल बाद जाकर कि अगर उस टाइम पे वो दो तीन साल कर लिए होते तो आज इसकी जगह ये कर रहे होते तो उधर आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी कि वॉट डू यू वॉन्ट तो ठीक है मैंने यही सोचा था कि ठीक है आई एल अफोर्ड दो तीन साल पीछे होना मेरे पीयर्स से इफ़ आई अगेन जॉइन कोऑपरेट बट आई डेंट वॉन्ट दैट रिग्रेट कि बीस तीस साल बाद जाके आई थिंक कि ये नहीं किया होता ये किया होता तो लाइफ वुड हैव बिन दिस नॉट दैट सो वो मेरा था बट यही है मैम मेरा पूछने का मतलब था जैसे जैसे इंजीनियरिंग मैंने की उसके बाद मैंने कॉरपोरेट भी ज्वाइन किया कॉरपोरेट में हूँ तो अब क्या मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई भूल चुकी हूँ mm -hmm. तो अब इंटरव्यू में क्या वो मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे या मुझे उसके लिए वो चीज़ पढ़नी मेरा ये सी दे कैन दे कैन एक्सपेक्ट दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो योर इंजीनियरिंग आपने अपनी जो जॉब करी है उससे भी दे कई लोग होते हैं दे डू इंजीनियरिंग इन कोर एंड देन दे डू जॉब इन सॉफ्टवेयर तो दे विल एक्सपेक्ट यू बोथ यू नो अबाउट योर जॉब एज वेल एज योर कोर फील्ड सो दे कैन एक्सपेक्ट एंड दे विल एक्सपेक्ट बट उसका इंटरव्यू पे कितना इफेक्ट होता है दैट इज़ डिबेटबल इफ़ यू डोंट नो द आंसर उसका कितना इफेक्ट होता है वो थोड़ा डिबेटेबल है एंड वी शैल डिस्कस इट सो अगर मेन से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं बचाया कोई क्वेश्चन या तो वी शैल मूव टू द इंटरव्यू स्टेज तो आप पूछ लो अगर मेन से रिलेटेड कुछ है तो यस yes. uh, जो ए फोर साइज वाला मैंने बोला आई सेड अबाउट सॉरी मेन स्पेसिफिक आई सेड तो जब आपका बेसिक एक बार हो जाए मैंने तो यही किया था बेसिक जो मेरा हो गया था एक बार जो बेसिक बुक्स थी उसके अलावा जब मैं मेन स्पेसिफिक मेरा एक बार बेसिक बुक्स हो गई फिर ऑप्शनल हो गया उसके अलावा जो फिर मेन स्पेसिफिक आई स्टार्टेड तो जितना प्रिलियम्स से पहले हुआ उतना प्रिलियम्स से पहले कर लिया जो बच गया वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में किया तो जिसकी जैसी टाइमलाइन सूट कर रही है वैसे कर लो ऐसे में तो मेरे मार्क्स ही नहीं आए हैं अच्छा ठीक है आप यहाँ से पढ़ लीजिए कुछ आइडिया ले लीजिए कुछ स्टोरी बुक पढ़िए मैम इधर इतना बुक है, इधर हो ही नहीं पाता तो उधर का सवाल ही नहीं है तो मैम कुछ तो आइडिया जिससे एवरेज मार्क्स आ जाए कम से कम प्रॉपर नहीं तो कम से कम एवरेज आ जाए ठीक है ठीक है आ, ठीक है तो uh, uh, पहला डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल अबाउट ऐसे uh, मेरे 95 स्कोर है नॉट इवन अ थ्री डिजिट स्कोर इफ मेरा थ्री डिजिट स्कोर होता तो हो सकता है सिंगल डिजिट रैंक भी आ जाती एवरेज ऐसे में 115 120 होता है गस हंड्रेड भी आएगा तो चलेगा <laughs> नहीं वैसे बता रही हूँ लोगों के वन प्लस भी आते हैं आने वालों के वन थर्टी भी तो ठीक है आपने जो कहा मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई कि मैंने जब भी टेस्ट सीरीज़ लिखी ऐसे की या मॉक टेस्ट लिखे तो मेरे हमेशा 130 प्लस ही आए थे बट असली में नहीं आए एंड आई कुड नॉट लाइक टिल डेट आई एम नॉट एबल टू एनालाइज़ कि मेरे ऐसे में क्या गलतियां हुई हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी आई रोट अ वेरी गुड ऐसे बट अकॉर्डिंग टू दैम आई डिड नॉट तो ठीक है बट आपकी जो बात रही बुक्स पढ़ने की तो आई सजेस्ट कुछ लोगों की हॉबी होती है बुक्स पढ़ना तो उनके लिए वो अलग चीज़ है ठीक है बट जिसकी हॉबी नहीं है बुक्स पढ़ना वट शुड दे डू तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो आप एग्ज़ाम्पल्स या कोट्स अलग से भी कलेक्ट कर सकते हो आपने जिंदगी में चलो बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी हैं बट कुछ कुछ फेमस बुक्स होती हैं जैसे uh, मैं भी अपनी आई लाइक टू रीड बुक्स बट मैंने भी अपनी जैसे डैप में हॉबी नहीं लिखी थी बिकॉज आई कुड नॉट कंटिन्यू रीडिंग बुक्स थ्रू आउट माई प्रिपरेशन आई कुड नॉट डू डैट तो बट इससे पहले ज़िंदगी में बुक्स तो पढ़ी हैं तो अगर आप हो सके तो उनको दोबारा से एक बार समरी वमरी देखे जैसे मैंने खालिद हुसैनी की बुक्स पढ़ी थी तो काइट रनर हो गए या फिर थाउजेंड स्पलेंडर सन्स हो गया या फिर इसके अलावा भी आपने कुछ पढ़ा है तो आप जो अभी तक आपने प्रिपरेशन में आने से पहले पढ़ा थोड़ा भूल जाते हैं तो आप थोड़ा सा देखिए सिर्फ जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उनके नाम तो एटलीस्ट देख लीजिए कि आप कोट करें तो आप एटलीस्ट नाम लिख सकें ऑथर का नाम और ये सब बाकी इसके अलावा यू कैन कोट मूवीज़ वेब सीरीज़ अगर किसी को बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो किसी और जगह तो होगा मूवीज़ देखने में होगा Hindi movies, English, हिंदी मूवीज़ इंग्लिश कोई हिंदी मूवीज़ भी यू कैन कोट पीपल ऑल टाइम कोट मूवी के एग्ज़ाम्पल्स या वेब सीरीज़ के एग्ज़ाम्पल्स यू कैन कोट दैम उसके अलावा आप एथिक्स और एस की प्रिपरेशन बहुत लोग इंटीग्रेटेड भी करते हैं कोर्ट्स और एग्जाम्पल्स एथिक्स वाले जो एग्जाम्पल्स या कोर्ट्स हैं वो भी आप अपने एस में डाल सकते हैं आ, तो ज़रूरी नहीं है बुक्स पढ़ो अगर आपने आज तक नहीं पढ़ी है इतनी तो अब तो मत करो हॉबी डेवलप वो एकदम से इस साइकिल में इस साइकिल में आपका चल जाएगा काम बट अगेन एम आई टू टेल आप किसी और बेटर पर्सन से अगर पूछें तो अच्छा नहीं नहीं मैम आप ये बता दीजिए कि जो एक ऐसे के एग्ज़ाम्पल लीजिए और उसको जो वर्ड होता है ना हम की वर्ड उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं इसमें समझने में दिक्कत होता है कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है समझना कैसे इसको तोड़ना कैसे है कि ऐसे का टॉपिक क्या है एग्जैक्टली ये पूछ रहे हैं आप नहीं नहीं मैम दो एग्जाम्पल लीजिए एक जनरल जनरल और दूसरा फिलोसफिकल और मैम दोनों का जो कीवर्ड होता है ना उसको तोड़ के बताइए कि इसको तोड़ना कैसे है उसको लिखना कैसे है मैं समझ नहीं पाई आप ये पूछ रहे हैं कि ऐसे का क्या सेंटेंस है उसका क्या एग्जैक्टली exactly मतलब है जी, जी, ये कैसे पता मीनिंग कर? समझ इसको नहीं आ पाता जैसे फिलोसफिकल का जनरल अच्छा। स्टडीज का भी समझ में नहीं आ पाता करना कैसे है अच्छा अच्छा तो फिलोसफिकल ऐसे हैं जैसे हमारा ऐसे आया था कि शिप इज सेफेस्ट एट द शोर बट इट इज़ नॉट मैं टाइप का ऐसे आया था हाँ सेव इज़ सेफ इन आवर बट इज़ नॉट मैंट फॉर दैट पर्पज़ तो मैं मैं तो क्या करती थी मैं पंद्रह मिनट अराउंड ऐसे का अपना टाइम मतलब वो फिगर आउट करने में लेती थी कि एग्जैक्टली लिखना क्या क्या है तो यू ट्राई टू एट डाइवर्स पर्स्पेक्टिव आप अपना इंट्रो देख लीजिए एनेकडो से स्टार्ट करना चाहते हैं कोर्ट से करना चाहते हैं या किसी और चीज़ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो बाकी ये है जैसे शिप वाला तो उसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँ तो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ले सकते हैं ना uh, जैसे मैंने जो इसमें आंसर लिखा था तो मैंने अपना ऐसे की स्टार्टिंग ही ऐसे की थी कि बुद्धा हैं जो गौतम uh, बुद्ध uh, उनके पेरेंट्स हैं दे वांटेड हिम नॉट टू व्यू द आउटसाइड वर्ल्ड दे वांटेड हिम टू बी कन्फाइंड इन हिज पैलेस और समथिंग बट अल्टीमेटली ही वॉज नॉट मैंट फॉर दैट ही वेंट आउटसाइड एंड उन्होंने देखा एंड ही ब्रॉट अबाउट सच अ चेंज इन सोसाइटी एंड कुछ ना कुछ उन्होंने हमें दिया तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई ऐसे तो आप भी ऐसे किसी एनिकडोट से कर सकते हैं इफ़ इट फिट्स इट और उसके अलावा आप अपनी मेन कंटेंट में यू कैन राइट डिफरेंट परस्पेक्टिव आप सोशल uh, uh, हो गया इकोनमिक परस्पेक्टिव हो गया अब uh, बहुत सारे आप पेस्टल अप्रोच करके वुमेन रिलेटेड या ऐसे आप अपनी लाइन बना लीजिए जो जो लिख सकते हैं एंड ट्राई टू इंक्लूड एग्जांपल्स कोर्ट्स बीच बीच में uh, तो uh, जैसे मैंने कहा मेरी ऐसे की प्रिपरेशन शायद हो सकता है मेरे एंड पे भी कुछ लैग हो मैंने इतने अच्छे से की भी नहीं थी प्रिपरेशन आई जस्ट रोट कितने uh, लिखे होंगे छः सात ऐसे लिखे होंगे बिफोर पेपर ऐसा जीरो भी लिख के नहीं गई थी बट छः सात लिखे थे एंड आई वॉज स्कोरिंग वेल इन मॉक टेस्ट तो आई डेंट पे कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन भी बट ठीक है वो मेरे को इतना पे नहीं हुआ एंड में तो ऐसे के बारे में मैं इतना ही बता पाऊंगी थैंक यू मैम थैंक यू मैंने मैं, ऐसे में ज्यादा कुछ किया भी नहीं था क्योंकि इतना ही किया था या yeah. मैम ऑप्शनल और मैम जीएस का एक साथ मैनेज करके कैसे चले मैम जब इनिशियल फेस होता है हमारा ठीक है तो स्टार्टिंग में व्हाट यू कैन डू इज मैंने जो किया स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में आई डिड सम बेसिक बुक्स उसके बाद आई स्टार्टेड विद ऑप्शनल ऑप्शनल में इनिशियली थोड़ा ज्यादा टाइम दिया एटी नाइनटी बट uh, ऑप्शनल uh, जैसे जैसे प्रोसीड्यू ऑप्शनल ऑल्सो स्टार्टेट टेकिंग लाउट ऑफ टाइम फिर आपको लगता है जी एस पीछे छूट रहा है तो यू रड्यूस टाइम थोड़ा ऑप्शनल हो जाता है थोड़ा आपका ऑप्शनल कवर हो गया 50, 60 परसेंट तो उसके बाद आप थोड़ा रिड्यूस कर दो टाइम जितना ऑप्शनल को डेली डेडिकेट कर रहे हो uh, तो आप ऐसे डिवाइड कर लो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑप्शनल और जीएस में टाइम पूरा टाइम uh, ऐसा भी नहीं करो कि एक टाइम पूरा ऑप्शनल ही कर रहे हो एक टाइम तो uh, थोड़ा डिवाइड कर लो अपने नीड बेसिस पे बाकी प्री और मीनस के बीच में uh, अगर ऑप्शनल और जी का रहा तो प्रिया और मीन्स के बीच में वॉट डिड वॉज अभी तक मैंने एंथ्रोपोलॉजी एक भी बार रिवाइज नहीं की थी बस एक ही बार पढ़ी थी तो प्रिया एंड मीन्स के बीच में आई लाइक डिसाइडेड कि मैं एटलीस्ट दो बार तो अपनी ऑप्शनल रिवाइज करके जाऊँ और मेरी दो दो बार टू पॉइंट फाइव टाइम्स कुछ ऐसे ही रिवाइज हुई थी तो जैसे जी एस का केस था जब आप सेकेंड बार रिविज़न करते हो तो थोड़ा डिफिक लगता है तो सेम हैपेंड विद मी जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी का प्री और मीन्स के बीच में रिविज़न करना स्टार्ट किया तो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम एंड बट वॉट आई डिड वॉज मैंने पूरे टाइम अपने ऑप्शनल और जी एस को साथ में लेके चली थी मैं कुछ लोग ऐसा नहीं करते कुछ लोग एंटायरली जी एस और ऑप्शनल करते मैंने दोनों को साथ में लेके चली थी आई यूज़ टू डेडिकेट नीड बेसिस पे शुरू में थोड़ा फिफ्टी परसेंट दे दो मतलब जितना भी आपको नीड बेसिस पे सो so, मैंने दोनों को साथ साथ लेके चला था और मैम कभी कभी हम जैसे कोई टॉपिक क्लियर कर लेते हैं पर हमारे पी वाई क्यूज नहीं हो पाते हैं कभी जब हम आंसर राइटिंग करने बैठते हैं उस टॉपिक के बारे में तो हमारे पी वाई क्यूज़ बनते नहीं हैं जिसमें कोई पी वाई क्यूज़ नहीं बनते हैं uh, तो uh, देखो एक चीज़ तो है कि जब आप कंटेंट बना रहे हो जब आप टॉपिक कवर कर रहे हो तभी अगर आप एनालाइज करते हुए चलोगे ना कि पी वाई क्यूज़ किस टाइप के आ रहे हैं तो आप उसी ऐसे ही कंटेंट को अपने नोट्स में इंक्लूड uh, करोगे uh, बाक़ी आपको जो एक चीज़ करनी है आपको जो पेपर में लिखना है वो आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस करनी है ये नहीं है कि जो आता है सिर्फ वो लिखा है ठीक है जो आपके नोट्स में है आपको वो चीज़ लिखनी है बस उसे थोड़ा मोल्ड करके लिखो ना कि जो पूछा है वो लिखो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पूछा कुछ और है आपने कुछ और ही लिख दिया सेम कंटेंट बहुत जगह काम चल जाता है बट उसको लिखने का तरीका बदल जाता है तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कैसे लिख रहे हो और पी अगर पहले से एनालाइज करते हुए नोट्स बनाओगे तो कंटेंट भी उसी हिसाब से बनेगा एंड कुछ नहीं हो रहा है सॉल्व uh, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है Uh, कुछ ऐसा लग रहा है क्वेश्चन ये तो आउट ऑफ बॉक्स आ गया या फिर बहुत बाउंसर आ गया तो रिमेंबर दैट कि वो क्वेश्चन सबके लिए सेम है वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है आपके लिए नहीं है सिर्फ आप उस एग्जाम हॉल में बैठे हो तो वो क्वेश्चन सबके लिए डिफ़िकल्ट है इस बार भी जी एस में आई रिमेंबर कुछ क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग सम प्रोटोकॉल मुझे याद नहीं आ रहा जी से था प्रोटोकॉल का नाम किसी को याद हो तो uh, ठीक है तो इट वॉज़ रिगार्डिंग समथिंग कुछ टर्म था प्रोटोकॉल तो आप एग्जाम हॉल में ये याद रखो कि वो क्वेश्चन सबके लिए डिफिकल्ट है एंड इफ एंड इफ़ यू राइट अ बिलो एवरेज आंसर इन दैट इट्स फाइन डोंट लीव दैट क्वेश्चन राइट बिलो एवरेज आंसर बाकी आप इधर उधर से आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं ना आप उधर इधर उधर से वो चीज़ें ला सकते हो जैसे मान लो कि आपका आप आपका कोई क्वेश्चन आ गया है कोई प्लास्टिक से रिलेटेड कोई कन्वेंशन हुई है कहीं प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड अब आपको उस कन्वेंशन के बारे में कुछ नहीं पता कि उस कन्वेंशन में क्या डिस्कस हुआ बट आपको ये तो पता है कि प्लास्टिक वेस्ट के क्या हार्म्स हैं कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए तो वही लिखाओ बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी मोल्ड कर दो कि आप एज्यूम करके चलो कि प्लास्टिक से रिलेटेड कोई कन्वेंशन हुई है तो यही सब डिस्कस होगा तो थोड़ा लैंग्वेज कैसे लिखो कि इन दिस कन्वेंशन दिस वाज डिस्कस्ड ठीक है आप एज्यूम करके चलो कि कुछ अलग तो डिस्कस रॉकेट साइंस तो डिस्कस नहीं होगी उधर यही सब डिस्कस होगा तो ठीक है कुछ अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो वो सबके लिए है राइट एंड एवरेज और इवन बिलो एवरेज आंसर इन दैट डोंट लीव दैट क्वेश्चन एंड जो चीज़ें पढ़ी हैं उसी की लैंग्वेज थोड़ी मोल्ड करके लिखने की कोशिश करो फिफ्टी परसेंट केसेज में हो सकता है आपका आंसर सही भी बैठ जाए ये मेरा क्वेश्चन है कि ऑप्शनल को लेकर क्वेश्चन है मेरा ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कौन सा बेसिस पे ऑप्शनल सेलेक्ट किए थे एंड सेकेंड है कि हम हम लोग मतलब कौन सा बेसिस पे सिलेक्ट करें ऑप्शनल ये पेोरेटिव दें किस चीज़ का मतलब कि स्कोरिंग या फिर इंटरेस्ट हमें लगता है कि हम इंटरेस्ट बहुत है जैसे जोग्राफी इंटरेस्ट है मेरा लेकिन स्कोरिंग देख रहे हैं इंटरेस्ट ये नहीं है ये एंथ्रोपोलॉजी का ज़्यादा स्कोरिंग है तो ये मतलब कि क्या करें ये फिर तीन चार मंथ देने के बावजूद फिर ये ना लगेगा कि इसमें स्कोरिंग नहीं हो पाया तो फिर ये हम लोगों का दिक्कत हो जाएगा तो ये क्या करें तो ऑप्शनल सेलेक्ट करते वक्त डेफिनेटली बहुत फैक्टर्स दिमाग में रखना चाहिए इंटरेस्ट इज वन फैक्टर आ, स्कोरिंग एक फैक्टर हो सकता है ऑफकोर्स एक फैक्टर हो सकता है आपके रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं एक फैक्टर हो सकता है कि आ, जनरल uh, कि आपका गाइडेंस कितनी अवेलेबल है मटेरियल कितना अवेलेबल है तो ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं बट जहाँ तक स्कोरिंग की बात रही तो मैं एक चीज़ पॉइंट करना चाहूँगी कि कई मिसकनसैपन्स हैं इन मार्केट या फिर ऐसे इन जनरल कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है ये सब्जेक्ट कम स्कोरिंग है तो ऐसा ट्रू नहीं है आप नोटिस करो इस बार रैंक टू का ऑप्शनल क्या है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी रैंक फोर का ऑप्शनल है जूलॉजी

कई लोगों को मैथ्स सूट करेगा कईयों को नहीं करेगा तो उनके लिए मैथ स्कोरिंग है और किसी के लिए नहीं है तो यू चूज दैट मैंने क्या किया था uh, जितने भी ऑप्शनल प्रोवाइड uh, करती है यू आई रोट डाउन देम शीट ऑफ पेपर एंड मैंने कट करना स्टार्ट किया अब मेरा ई का बैकग्राउंड है तो ऑफकोर्स मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन नहीं लूँगे तो पहले राउंड में आई स्ट्राइक देम डाउन तो ऐसे करके काफ़ी ऑप्शनल्स uh, तो पहले ही स्ट्राइक डाउन हो गए थे Uh, फिर आई स्टार्टेड सेंग सिलेबस एंड फिर आई जो बाकी बचे उनका आई स्टार्टेड सिंग सिलेबस एंड क्या रिसोर्स अवेलेबल है उनकी मैंने रिसर्च स्टार्ट करी तो उसके बाद भी कई चीज़ें कट होती चली गई ऐसे जैसे हिस्ट्री आई डेंट वॉन्ट टू डू बिकॉज मुझे लगता था हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड uh, मुझे लगता था कि हिस्ट्री अगर मैं ऑप्शनल ले लूँगी तो बहुत बल्कि हो जाएगा मेरे लिए तो वही चीज़ ऐसे करके कुछ और ऑप्शनल्स मेरे स्ट्राइक डाउन हो गए फिर लास्ट में मेरे uh, चार तीन चार या चार पांच ऑप्शनल्स बचे थे चॉइसेस विच वर सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जोग्राफी साइकोलॉजी ये सब बचा था इंटरेस्ट uh, बेसिस पे और ये सब एनालाइज़ करने के बाद इनमें से फिर मुझे जो चूज़ करना था आई चूज़ एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज दो आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आई हैड इलेवन ट्वेल्थ में बायोलॉजी एंड वेन आई रोट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस सॉरी रेड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस uh, तो उसमें जो वो पार्ट है आपका एक तो पैलेंटोलॉजी वाला पार्ट होमोसेफियंस एंड स्टफ वाला एंड इनफैक्ट आपका जेनेटिक्स इनहेरिटेंस या फिर आपके टर्नर सिंड्रोम एक्सेट्रा वो वो वाला पार्ट है इट आपको ये इलेवंथ ट्वेल्थ में भी पढ़ाए जाते हैं अगर किसी ने बायोलॉजी है किसी ली है किसी ने इलेवंथ ट्वेल्थ में तो दे मस्ट नो दिस मस्ट हैव नो दिस तो आपको वो चीज़ पढ़ाई जाती है एंड आई वॉज एबल टू क्विकली ग्रास्प देम तो मेरा मुझे लगता मुझे लगा कि आधा पोर्शन तो मेरा ये ऑलरेडी आई हैव लाइक एन एच तो इस बेसिस पे आई टुक दिस भी आई फाउंड इंटरेस्टिंग मुझे भी पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो इस बेसिस पे मैम सबसे पहले आपको बधाई आपके आगे के उज्जवल भविष्य के लिए और भी शुभकामनाएं थैंक यू मैम मेरा क्वेश्चन है ऑप्शनल को लेके मेरा मतलब ऑप्शनल अभी जस्ट खत्म हुआ है तो अभी मतलब मुझे ऑप्शनल रिवाइज करना है और जी में भी ऑप्शनल के टाइम में काफ़ी कुछ छूट गया जैसे so तो यू आर अपियरिंग नहीं नहीं उसको चौबीस में देना है अच्छा अच्छा हाँ तो मेरे पास अभी दस ग्यारह महीने का समय है तो इस बीच में जैसे ऑप्शनल की आ, मतलब रिवीजन के लिए सेकेंड रीडिंग के लिए तो मैम इसमें मैं साठ इस नोट्स अभी सेकेंड रीडिंग में बनाऊं क्योंकि अभी बनाऊंगा तो टाइम लेगा तो उसके लिए क्या अभी बनाना उचित होगा या प्री और मेंस के बीच में जो टाइम मिलेगा तो आपका ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी है नहीं हिंदी साहित्य है अच्छा तो अब इसका तो मैं आपको कब बनाने चाहिए नोट्स ये तो मैं बता नहीं पाऊँगी आपको आपको किसी बेटर जो है जिसके पास वही बेटर गाइड कर पाएगा तो सीरियसली मैं मैं एंथ्रोपोलॉजी का बता सकती हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी में तो नोट्स बनाने अगर एंथ्रोपोलॉजी होता आपके पास तो आई वुड हैव सजेस्टेड कि अभी बना लो हाँ क्योंकि इसमें आपने जैसे बोला कि आपके एंथ्रो में भी काफ़ी कुछ रटना पड़ता है तो यहाँ भी कुछ याद करने पड़ते हैं काफ़ी तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी कुछ मतलब जैसे साठ नोट्स टाइप का देखो तो मैं, मैं आपको एक जनरल एडवाइस दे रही हूँ ये हिंदी लिटरेचर को मैं कंसिडर करके नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है उसमें तो जनरल एडवाइस दूँ तो प्री से मेंस के बीच का जो टाइम होता है ना इट्स अ वेरी हेक्टिक टाइम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इसमें आप बहुत बिजी होंगे आप रिवीजन कर रहे हैं आप नोट्स बना रहे हैं मेंस स्पेसिफ़िक आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो जितना हो सके अपना वर्कलोड उस टाइम में रिड्यूस करने की कोशिश करें अगर अभी टाइम है नोट्स बनाने का तो प्लीज़ डू मेक दैम एंड उस टाइम को जो ऑलरेडी इतना हेक्टिक होने वाला है उसको और हेक्टिक मत करें अगर अभी टाइम है तो अभी कर लें तो ये जनरल एडवाइस है नॉट रिलेटेड टू आपका स्पेसिफिक ऑप्शनल ओके थैंक यू थैंक यू शुड वी स्टार्ट विध इंटरव्यू का देन ठीक है तो इंटरव्यू रिलेटेड मीन्स के इंटरव्यू रिलेटेड प्रिप्रेशन तो शुड स्टार्ट आफ्टर मीन्स ओनली बहुत टाइम होता है मीन्स के बाद गिव योर सेल्फ सम टाइम टू रिलैक्स फर्स्ट एक दो महीने फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद भी यू हैव एम्पल ऑफ टाइम तो इंटरव्यू के लिए अभी से नहीं सोचना किसी को दिस इज़ आफ्टर वर्ड्स यू हैव क्लियर मीन्स उसके बाद ही करना ये सब तो इसमें आप कई लोगों का इंटरव्यू स्टार्टिंग में होता है कईयों का लेट होता है मेरा इंटरव्यू थोड़ा लेट था मेरा इंटरव्यू था एटीनथ अप्रैल को एंड इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे तीस जनवरी से तो मेरे पास तो और भी टाइम था तो उस अकॉर्डिंग आई हैड हैड माई स्ट्रैटी तो जनरली लोग दो पार्ट्स में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं मैंने तीन में करी क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा था तो पहला पार्ट हो जाता है आपका करंट अफेयर्स दूसरा पार्ट हो जाता है आपका डैफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म यू आर फिलिंग सबको पता होगा डैफ क्या होता है और थर्ड पार्ट जो मतलब मेरे पास टाइम था इसलिए आई डिड नहीं होता तो शायद नहीं करती वो मैं जनरल जी एस आई रिवाइज्ड बैक ऑन जनरल जी एस क्योंकि uh, मैं जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट थी जो मैंने पढ़ी उससे मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत बार जनरल जी एस के क्वेश्चन दे आर आंसर आस्किंग uh, जो आप मेन्स और प्री के लिए पढ़ते हो बट आप दोबारा रिवाइज नहीं करते हो तो यू आर आउट ऑफ टच एंड यू टैन नॉट टू आंसर दैम या फिर उतनी क्वालिटी से नहीं कर पाते हो तो सिंस आई हैड टाइम आई हैड डिसाइडेड कि मैं एक बार जनरल जी भी कर लूँगी तो करंट और डैफ uh, के रिलेटेड तो करंट के लिए आप नोट्स बना लो इट्स मोर प्रेफरेबल कि आप ऑनलाइन नोट्स बनाओ करंट के लिए इंटरव्यू स्टेज पे क्योंकि आपको बार बार अपडेट करने होते हैं वो नोट्स करंट चीज़ें चेंज होती रहती हैं तो आई हैड मेड करंट के नोट्स ऑन एवर नोट एंड डैफ रिलेटेड नोट्स भी जो भी आप डैफ में फिल कर रहे हो डैफ फ़िल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो जब भी आप डैप फिल कर रहे हो उसे ऐसे ही मत करना अगर वहाँ तक पहुँच रहे हो इंटरव्यू स्टेज तक तो रियलाइज़ कि आप ऑलरेडी इतनी आगे आ चुके हो डैप फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे थोड़ा सोच के थोड़ा टाइम लेके फिल करना व्हाट यू आर फीलिंग एज योर हॉबीज ऑफकोर्स जेनुन हॉबीज़ होनी चाहिए जिस जिनको आप पढ़ पाओ सिर्फ हॉबीज़ वो नहीं होती जो आप करते हो हॉबीज़ और आपको वही हॉबीज़ फ़िल करनी चाहिए जिनके बारे में भी आप पढ़ पाओ जैसे किसी को कुकिंग करना पसंद है बट फील करते वक्त ये याद रखना आपको कुकिंग के बारे में पढ़ना भी पड़ेगा सिर्फ खाना बनाना पसंद है खाना बनाने के बारे में पढ़ना भी पड़ेगा तो ये चीज़ हमेशा याद करके हॉबी फील करना तो जेनुन हॉबीज़ फ़ील करना मैक्सिमम थ्री थ्री से ज़्यादा नहीं मिनिमम वन प्लीज़ ज़ीरो मत कर देना वरना बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है तो वन से थ्री के बीच में जितना आप कंफर्टेबल हो टू इज़ अ ऑप्टिमम चॉइस ठीक है कुछ लोगों को वन करनी है तो वन भी कर सकते हो तो इट्स फाइन बाकी और भी कॉलम्स होते हैं जो आपके अचीवमेंट्स हो गई पी पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई फिल जेनुइन थिंग्स इन दैट स्पोर्ट्स हो गया फिल जेनुइन थिंग्स इन दैट जो आपने सच में करी है एंड एक्चुअली दिस वॉज द रीज़न विच जिसकी वजह से मैंने कॉलेज में प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है वो आपके कॉलेज ईयर्स में होती है uh, आपने कुछ करा होना चाहिए आपने कॉलेज ईयर्स में तो आई वॉज डूइंग थिंग्स इन माई कॉलेज ईयर्स जिसकी वजह से आई वॉज़ एबल टू फिल और किसी ने अगर नहीं भी करी है तो इट्स फाइन इट्स फ़ाइन आप कुछ झूठ लिखने से अच्छा है कुछ ना लिखें क्योंकि दे आस्क यू क्वेश्चन अबाउट एन इंटरव्यू दे टेक आउट डिटेल्स फ्राम यू और अगर आपने ब्लफ करा होगा तो यू विल गेट कॉट एंड इट्स बेटर टू नॉट राइट एनी थिंग इंस्टेड ऑफ ब्लफिंग ठीक है आई वॉज आस्ट क्वेश्चन इन माई इंटरव्यू आई हैड लाइक अ माई डाफ वॉज प्रिटी गुड लाइक आई हैड गुड थिंग्स इन माई डाफ सो आई वॉज आस्ट क्वेश्चन इन दैम एंड आई वॉज इवन ग्रिल्ड इन दैम आई वॉज आस्क फैक्चुअल क्वेश्चन लाइक आई हैड रिटर्न दैट आई वॉज पार्ट ऑफ सम प्रोजेक्ट आई आई लेड दिस प्रोजेक्ट इन माई कॉलेज सो आई हैड रिटन दिस एंड सिंस आई एक्चुअली डिड इट तो मेरे से उन्होंने इंटरव्यू में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे लाइक Uh, how many people were part of this project along with you? How many people uh, were impacted this by project? Uh, yeah, it was something related to entrepreneurship. So how much your entrepreneur earn per month? So they are a quantitative and factual question. Ki agar kisi ne ki he will not be able to answer. So have this in mind. It's better to write nothing instead of bluffing. So apna fill karte waqt किसी समझदार इंसान से या फिर कोई सीनियर uh, हो गया या मेंटर हो गया या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी बहुत ऑफ़र करते हैं सर्विसेज गेट इट चेक्ड बिफोर सबमिटिंग एंड आपकी आधी प्रिपरेशन इधर ही हो जाती है एंड हाँ डैफ को बहुत ज़्यादा बल्कि भी मत बना लेना यू विल ओनली इंक्रीज़ योर सिलेबस आपको पहली बार अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरव्यू स्टेज पर अपना सिलेबस खुद बताने का uh, तो बहुत ज़्यादा बल्कि मत कर लेना डैफ को वरना खुद का सिलेबस खुद इंक्रीज़ करोगे बाद में पछताओगे ठीक है तो कीप दिस इन माइंड होनी चाहिए चीज़ें बट बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं कीप इट ऑप्टिमा तो डैफ प्रिपेयर करना छोटी छोटी चीज़ें डैफ में प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो गया आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया आई एड्रेस योर क्वेश्चन एजुकेशन वाला नाव एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया या फिर आपने कॉर्पोरेट में काम किया है कहीं काम किया है तो आपके वर्क प्रोफाइल हो गई आपका नेम हो गया इनफैक्ट नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ हो गया आप जिस जिस स्टेट्स में रहे हो डेली uh, या फिर आपके एजुकेशन किसी और स्टेट से वर्क किसी और स्टेट से तो ऑल दीज एरियाज़ आपके हॉबीज ऑफ कोर्स आपके अचीवमेंट्स जो भी हैं सो प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स बाकी आपने जैसे एजुकेशन का यू हैड आस्क्ड तो आई वॉज ए सी ग्रेजुएट एंड वॉट हैज़ बीन सीन इज़ कि दे आस्क योर क्वेश्चन फ्रॉम योर एजुकेशनल बैकग्राउंड नो मैटर आप रिसेंट ग्रेजुएट हो या फिर आपने बीच में कॉपरेट में काम कर लिया या फिर आपने बीच में एम बी ए भी कर ली देन यू आर अपीयरिंग तो दे लास्क स्टिल इंजीनियरिंग के से क्वेश्चन बट वही किस्मत किस्मत की बात है हर किसी से नहीं पूछते कुछ से पूछ भी लेते हैं मेरे से कुछ नहीं पूछाता इंजीनियरिंग से क्वेश्चन अपने रियल इंटरव्यू में दो हैव प्रिपेयर्ड इट एक्सटेंसिवली एक्चुअली आई फेल्ट सेड कि इतना प्रिपेयर किया और फिर भी नहीं पूछा टाइम वेस्ट करा दिया प्रिपरेशन में तो तो ठीक है बट आप तो अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाओ uh, कुछ लोगों से पूछते हैं इंजीनियरिंग से तो इट uh, अब बाकी इम्पैक्ट कितना होता है उसका तो डिबेटेबल है uh, कुछ लोग बोलते हैं कि इफ़ यू कॉन्फिडेंटली इवन से नो आपको इंजीनियरिंग का कुछ क्वेश्चन पूछा इफ़ यू इवन कॉन्फिडेंटली से नो तो इट विल नॉट हैव मच इम्पैक्ट एंड आई गेस इट्स ट्रू ऑल्सो कुछ बहुत हाई लेवल का हाई लेवल का तो क्या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तो दे एक्सपेक्ट आपको हाई लेवल की भी चीज़ आनी चाहिए बट स्टिल नहीं आती है एंड इफ़ यू से नो तो इट्स फाइन बट कुछ बहुत बेसिक पूछ लिया और आपको नहीं आते है, जैसे इसी स्टूडेंट के लिए ये पूछना सेमी क्या होता है एंड स्टिल यू से नो तो इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन तो एटलीस्ट कवर योर बेसिक्स इन दैट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बाकी हाई लेवल की चीज़ें छोड़ दो नो no, बोल देना बट बेसिक्स तो कवर करके जाओ एन टाइप पी टाइप सेमी कंडक्टर क्या होते हैं ये तो एक इसी ग्रेजुएट को आना ही चाहिए ठीक है इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन अगर नहीं आता है तो तो बेसिक चीज़ें करके जाओ इंजीनियरिंग में अगेन नोट्स नोट्स मिल जाते हैं आज uh, जब इंटरव्यू स्टेज पे आते हो तो इंजीनियरिंग स्पेसिफिक नोट्स भी मिल जाते हैं तो बेसिक चीज़ें कर लो हाई लेवल की छोड़ दो तो आई थिंक दैट विल सर्व द पर्पज बाकी डाफ अच्छे से करो एंड जो इम्पॉर्टेंट है रियल इंटरव्यू में वो है हाउ यू डिलीवर आंसर्स इंटरव्यू इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल स्टेज क्योंकि आप एक तो सामने बैठ रहे हो तो आपके यहाँ पे एवरी थिंग शोज ऑन योर फेस आप प्री और मीन्स दे रहे हो तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा आप दो मिनट फेस पे आपके आ भी जाता है घबराहट तो कोई देख तो नहीं रहा दो मिनट के बाद लिख देंगे आंसर बट यहाँ पे एवरीथिंग शोज ऑन योर फेस सो लर्न टू कैरी ऑर सेल्फ आपकी जैसे सब कहते हैं इट्स नॉट एन इंटरव्यू इट्स पर्सनैलिटी टेस्ट तो आपकी पर्सनैलिटी जज होती है पर्सनैलिटी में यही है हाउ यू कैरी ऑवर सेल्फ इवन इफ यू डोंट नो एनी थिंग अगर आपको कुछ नहीं आता आप कितने अच्छे से नो बोलते हो आर यू विलिंग टू लर्न अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती आर यू विलिंग टू लर्न तो ये सब चीज़ें टेस्ट होती हैं तो फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स उसके लिए यू शुड प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो मिरर के सामने किसी पीयर के साथ कर लो जैसे भी uh, सही लग रहा है करो एंड अपने जो हैं डैफ करंट से रिलेटेड नोट्स uh, उन्हें रिवाइज करो एंड लर्न हाउ विल यू आंसर हाउ टू डिलीवर दैम एक टाइम ऑप्टिमम टाइम ऐसा नहीं बहुत लंबे आंसर्स दे रहे हो ऐसा नहीं बहुत छोटे दे रहे हो जितना रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की उस डिमांड को एड्रेस करो एंड यू विल बी गुड टू गो बाकी कैरी योर कॉन्फिडेंस योर कंपोजर योर काम इन द इंटरव्यू रूम एंड आई होप कि अच्छा ही होगा बाकी इंटरव्यू एनी क्वेश्चनस फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट मेरा मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पर दो मैंने मैं पढ़ के गई थी मेरा प्रोजेक्ट था बेस्ड ऑन कुछ ए आई से रिलेटेड था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड था मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बट दे डेड नॉट आस्क मी क्वेश्चन ऑन डेट Anything else? Any uh, you like to me to address anything else? ठीक है. So I hope आपको कुछ ना कुछ तो gain करने को मिलेगा. बाकी अपने खुद के strengths and weaknesses के according pick out points. Uh, do not exactly replicate किसी की strategy. And uh, या ट्राई टू फॉलो स्ट्रैटी ट्राई टू फॉलो नी ट्राई टू सी स्ट्रैटी ऑफ दोज पीपल जिनसे आपका बैकग्राउंड ज़्यादा मैच करे क्योंकि चांसेस अगेन आर की उनके साथ आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी मैच करेंगी तो आई होप ऑल द बेस्ट एंड मे बी सम ऑफ यू और मैनी ऑफ यू विल बी देयर इन नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट और ऑल द बेस्ट एवरी वन टेलीग्राम लिंक में मैं सर को भेज दूँगी सर आपको बता देंगे ठीक है थैंक यू